कि अकेला जब लोग बटे हुए थे तब की बात मैं बता रहा हूं, और उसके बाद इतने की पूर्णिया सीट हाई प्रोफाइल हो चुकी है। पप्पू यादव साफ कह चुके हैं कि वे दुनिया छोड़ देंगे लेकिन लड़ेंगे पूर्णिया से ही। वहीं आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दे दिया है और इस वक्त हमारे साथ खुद पप्पू यादव जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, जी न्यूज पर स्वागत है आपका। जी प्रणाम भैया। जी पप्पू जी, क्या हो गया आखिरकार, जो है आप इतने जोशो खरोश के साथ कांग्रेस में शामिल हुए, महागठबंधन की ओर से चर्चा थी कि आप पूर्णिया से लड़ेंगे, क्या हो गया आखिरकार, कहां गड़बड़ हो गई? देखिए एक बात समझिए, 40 साल की जो मेरी राजनीतिक संघर्ष रही, आपको पता है कि मुझे राजनीति नहीं है, मैं दिल से लोगों के लिए काम करता हूं, ना मेरी नफरत की राजनीति है, ना जात पात की राजनीति है, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति है, मेरी पूरी राजनीति सेवा की है, मदद की है, चाहे वो दिल्ली का सेवा आश्रम हो, चाहे देश भर का हो, चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो, चाहे कोई भी देश के संकट या परिस्थिति में हो, वहाँ एक मददगार के रूप में और बेटे के रूप में मैं खड़ा होता हूँ जी, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए इसको जोश खरोश की बात नहीं है। हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी मेरे साथ हमेशा मेरे मन में मेरे भाव में रही है जी। मेरा जज्बात रहा है उनके साथ, और मैंने 40 साल के संघर्ष और अपनी पार्टी, जब दो दो बार हम विधानसभा लड़े, पौने 2.5% वोट आया, उसके अकेला जब लोग बटे हुए थे तब की बात मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद इतने लंबे संघर्ष को जो साथियों ने लाठी खाया, और संघर्ष का अकेला नाम था जन अधिकार पार्टी, मैंने निश्चित रूप से लार्जर कॉज के लिए, जो देश का लार्जर कॉज था कि भाई हमें रोकना है बीजेपी को, तो इसके लिए एक कौन सा उचित प्लेटफॉर्म है जिसने 130 करोड़ लोगों को जो दिल जीता है, ठीक है। हम इतनी बारी रैली हुई, हम एक साल से प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया को लेकर के हम घर घर गए, लगातार 8 महीना 6 लाख 6.5 लाख परिवार से मिले, फिर 2 लाख से ज्यादा यहाँ ठेला वाला, रिक्शा वाला, टमटम वाला, दुकानदार, सारे गरीब मैदान में थे, मजदूरी उस दिन मजदूर नहीं किया, उस दिन सब लोग पहुंचे, बच्चे छोटे सभी लोग गए, मेरा तो कोई मतलब नहीं था, ठीक है, हमें तो पूर्णिया में निर्दलीय चुनाव हम लड़े, हमारी माँ भी चुनाव लड़ी, 32,000 से चुनाव हारे, हमें पूर्णिया कभी नहीं हटाया, मधेपुरा जबकि मेरा घर है, लालू यादव जी से जब हम मिले तो हम लालू यादव जी को बेटे की तरह कह दिए कि सर हम पूर्णिया से ही लड़ेंगे और हम पूर्णिया नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप जिनको कहिएगा हम मधेपुरा लड़ाइए, हम प्रयास करेंगे मधेपुरा जिताने का, सुपौल जिताने का, आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। अब मैं ये बात अलग, क्या लालू यादव जी क्या हमें जाधव नहीं समझते हैं या अपना बेटा नहीं समझते? पप्पू जी, ये कहा जाता है कि आप जो है भले ही लालू यादव को अपना अभिभावक मानते रहे हो और आप उनके आपकी जो राजनीति है वो शुरू भी लालू यादव के अंडर ही हुई थी, लेकिन लालू यादव कहीं ना कहीं आपको खतरा मानते हैं और इसी वजह से उन्होंने आपको पूर्णिया से टिकट नहीं दिया। देखिए पहले तो समझिए कि मैं निर्दलीय एमएलए बना था और 83-82 से लालू यादव जी के साथ रहे, यह बात उन्होंने उस दिन भी कही कि जब विपक्ष के नेता से लेकर के एक वोट की जरूरत से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर आज तक जब जब लालू यादव जी पर हमले हुए सीबीआई के अन्य चीजों के, मैं बेटे की तरह खड़ा रहा, हमारा इमोशंस लालू यादव के साथ था, आगे भी रहेगा। मैंने तेजस्वी जी को कहा कि मुख्यमंत्री बनाने में जो भी मेरी छोटी भूमिका होगी, एक सिपाही की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे, हम लोग मिलकर काम करेंगे। आज भी मैं कहता हूं कि वो किसी से सर्वे करा ले पूर्णिया, कोई भी, यदि इंडिया गठबंधन का कोई पहला सीट 12 बजे जीतने की स्थिति में होगा तो वो पूर्णिया होगा, किशनगंज से भी ऊपर। ये तो मेरा, हमें हम हर घर में यहाँ गोदी में खेले हैं, हमारा हर घर में हमारी जिंदगी है, हमें सीखा है। पप्पू जी, मैं 90 के दशक में सहरसा में रहा करता था और उस वक्त जो है वहां पर चर्चा होती थी कि अगर विकास देखना है तो पूर्णिया में देखिए, पप्पू यादव के वहां जीतने के बाद जो है पूरा चमक चुका है पूर्णिया, इसलिए हमें अच्छी तरह से पता है कि आपने किस तरह से वहां पर विकास किया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से टिकट नहीं मिला है, बीमा भारती को टिकट का ऐलान कर दिया गया है, तो पप्पू यादव जी की अगली रणनीति क्या होगी, क्या वे निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं? दो बात समझिए, मैंने पहले ही जब कह दिया मधेपुरा मैं जानता हूं मेरा घर है, मधेपुरा कभी भी हमको चुनाव अलग लड़े तो देखिए, वहां लालू यादव और पप्पू यादव के बीच पूर्णिया में तो ये बात नहीं है,
पूर्णिया तो सीधा बेटा है, सीधा मेरी माँ है जी, वहां राजनीति हो सकती है मधेपुरा में, लेकिन यहाँ तो सीधा कोई राजनीति नहीं होती है, यहाँ तो कोई जाति पाति नहीं होता है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है, जब पप्पू रहता है तो कोई भी चीजें यहाँ खत्म हो जाती है जी। तो मैं जब एक साल और बड़ा पूर्णिया रैली हो गई, दुनिया को पता था, लालू जी से मैं मिल लिया और अपना सब कुछ मैं लार्जर कॉज के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए अपना समर्पण प्रियंका जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिन्होंने दिल को जीता है भारत पे, जब मैंने कर दिया तो निर्णय उन्हें लेना है कि मेरी राजनीतिक भविष्य क्या होगी। चुनाव की बात यदि आप व्यक्तिगत तौर पर हमसे पूछते हैं तो मैं या अपनी भावना, जो मेरा इमोशनल भावना है, जो इमोशन से मेरा पूर्णिया के साथ मेरी फीलिंग है, हमारे इमोशंस को हमारे इमोशंस साफ है, वो क्लियर है। पूर्णिया छोड़ने का मतलब है पप्पू यादव को आत्महत्या करना या चुपचाप जहर खा के मर जाना। ठीक है, आप स्थिति आप समझिए मेरी। इसीलिए यदि चुनाव लड़ने की बात होगी, निर्णय हमारे पार्टी लेंगे, नेतृत्व मैं तो बड़े पूर्णिया कांग्रेस के लिए एक सिपाही की तरह काम करने आया हूं ताकि बिहार में कांग्रेस को नंबर वन कर पाऊं, किसी भी पार्टी से ऊपर हो, तो मेरी लड़ाई कांग्रेस को नंबर वन के लिए है, सिर्फ सीट के लिए नहीं। हमको तो एमपी एमएलए नहीं है, तब भी कोरोना में पप्पू यादव, बाढ़ में पप्पू यादव, सबकी सेवा में पप्पू यादव, पद मेरे लिए मैटर नहीं रखता है। ठीक है, नेतृत्व कह तो दे कि आपको नहीं लड़ना है, आपको काम करना है जी। लेकिन मैं यदि लड़ूंगा, मैं मुझसे आप यदि पूछते हैं, हम नेतृत्व को कह दिए यदि हमको लड़ाना होगा तो सर निर्णय पूर्णिया का ही लीजिएगा। हम अगर कांग्रेस नेतृत्व ने कह दिया कि पप्पू यादव जो है चुनाव पूर्णिया से नहीं लड़ेंगे, फिर क्या करेंगे सर? देखिए एक बात समझिए, कांग्रेस नेतृत्व कह दिया तो मैं कहूंगा ठीक है चुनाव नहीं लड़ूंगा, पूर्णिया छोड़ के कहीं चुनाव नहीं, फिर निर्दलीय नहीं लड़ेंगे? भैया मैं तो कह दिया, कांग्रेस को आप नेतृत्व से पूछिए ना, मैंने तो अपना समर्पण कर दिया जी, पूर्णिया तो मेरे लिए भगवान की तरह, और आस्था पे कोई ठोस नहीं, मेरे पूजा में कमी रह गई होगी, हो सकता है मेरी भूल होगी, मेरी भक्ति में कमी रह गई होगी कि हमें लोग महसूस समझ नहीं पाए अपने बेटे को, कोशिश करेंगे और भक्ति करने की जी, पूजा हर घर में पूजा करने की और करेंगे, पूजा और इबादत में आने वाले समय में कोई कमी नहीं रखेंगे, लेकिन मुझे कोई पूर्णिया के आत्मसम्मान और उस भावनाओं के साथ खेलवाड़ करके पप्पू यादव को झुकाने की बात, इससे बेहतर है खुद को मार लेना झुकने से बेहतर। ठीक है, हम झुकेंगे तो सिर्फ पूर्णिया के सामने जी, अपने भगवान के सामने, दुनिया में मर जाएंगे कहीं नहीं झुकेंगे। कहा यह भी जा रहा है, जानकार लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में जो सीटों का बंटवारा हुआ है, आरजेडी ने सारी मलाई अपने पास रख ली है और मट्ठा और छाछ जो है वो कांग्रेस को दिया है, और यही वजह है कि जहां पर पूर्णिया सीट दमदार मानी जा रही थी महागठबंधन के लिए, वही उसी वजह से जो है वो अपने पास आरजेडी ने रख ली है। देखिए मैं तो इसमें कहीं मीटिंग में नहीं था, ना मुझे किसी चीजों में था, वो तो कांग्रेस नेतृत्व हमारे शीर्षक लीडर है और प्रभारी हमारे लीडर है, प्रभारी गंभीर आदमी है और मुकुल जी काम करते थे, तो मैं तो उसमें कहीं था नहीं, वो तो देखने की जिम्मेदारी उनकी होगी। लेकिन किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये कांग्रेस की एक सबसे बड़ी ताकत है जी, और कांग्रेस को इस तीनों सीट पर अपनी अधिकार और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, रखे भी होंगे। जैसे औरंगाबाद कांग्रेस की सीट है, वाल्मीकि नगर कांग्रेस की सीट है जी, मैं मानता हूं, जो समस्तीपुर कांग्रेस की सीट है, जो मैंने देखा है आज तक, और यह इलाका तो कांग्रेस की ही है जी, तो इसीलिए कांग्रेस को तय करना है तीनों सीट पर या अन्य जगहों पर, उसमें मैं कहीं नहीं हूं। मैं इतना जानता हूं कि मैं कांग्रेस के लिए खाद बनने को तैयार हूं, मेरा इमोशंस पूर्णिया के साथ है, मेरा समर्पण पूर्णिया के साथ है जी, मैं इस समर्पण से अलग नहीं हो सकता हूं, ये मैडम को भी मैंने आज कह दी जी, और मैं कंप्लीट रूप से पूर्णिया में हूं। ठीक है, मैं पर्वों में हूं, होली थी, रमजान है, मैं अपने घर में हूं, मुझे मेरी अपनी माँ से, अपने घर से कोई अच्छा, निकाल नहीं सकता। पप्पू जी, जब लालू यादव जी से आपने मुलाकात की थी और आपने कहा था कि आप पूर्णिया से ही लड़ेंगे, तो उन्होंने क्या कहा था, कोई भरोसा दिया था या उन्होंने तब भी मना किया? नहीं, उन्होंने कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करिए और आप मधेपुरा लड़िए। मैंने कहा कि परिवार और कांग्रेस फैमिली से भी मैं बात कर लेता हूं,
लेकिन मैं पूर्णिया लड़ूंगा गार्जन, मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा जी। ये बात मैंने उनसे वहीं पर कह दी, आप पूछ लीजिए उनसे। और मैं आज भी उनको गार्जन मानूंगा, कल भी मानूंगा, और मैं लड़ू ना लड़ू, मैं पूर्णिया रहूं, मैं कोशिश करूंगा इंडिया गठबंधन मजबूत हो और भारत को बचाया जाए जी। ये कोशिश मेरी जारी। अपू जी, अगर जब लालू यादव से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप मधेपुरा लड़िए, वो आरजेडी के पास ही रहेगी पूर्णिया सीट, तब क्या ये बात नहीं हुई कि आप आरजेडी में शामिल होकर पूर्णिया से लड़ लें, सीट भी रह जाती और आपका जो है पूर्णिया का गढ़ भी बचा रह जाता? देखिए, मुझे तो एक बिगर प्लेटफॉर्म पहले से, जब कांग्रेस परिवार हम पर विश्वास कर रहा था और कांग्रेस को लग रहा था रंजीत रंजन जी 19 सालों से 20 सालों से कांग्रेस में, उनका जो रिश्ता है एक परिवार का माँ और बेटी का सोनिया जी के साथ, तो फिर पप्पू यादव को नहीं। सर, मेरा सवाल यह कि गठबंधन के तहत कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरी पार्टियों के नेता होते हैं वो सहयोगी दल के सिंबल पर वहां से चुनाव लड़ते हैं, इससे आधिकारिक तौर पर वो सीट जो है उसके खाते में रह जाती है? नहीं, मधेपुरा के लिए उन्होंने ज्वाइनिंग की बात की, सुपौल के लिए बात की, मैं पूर्णिया के लिए उनसे आग्रह किया था, और जिस दिन मैं ज्वाइन किया शायद उसी दिन उन्होंने टिकट दे दिया होगा कि क्या क्या हो तो मैं नहीं जानता हूँ, वो कांग्रेस को देखना है, ठीक है, वो मेरे गार्जियन है, उनका आदेश सर्वोपरि है, लेकिन मैं पूर्णिया के इमोशंस के साथ हूँ, उस फीलिंग के साथ हूँ जी, मैं पूर्णिया के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। पप्पू जी, पूर्णिया सीट को लेकर के क्या कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी किसी ने आपको भरोसा दिया था कि आप पार्टी में आएंगे तो आपको उस सीट से लड़ाया जाएगा? अच्छा, कांग्रेस में कहां भरोसे की बात है, कांग्रेस में कौन सा बार्गेनिंग करने की, कांग्रेस जब मेरी माँ है तो पूरा भरोसा है एक माँ पर जी और एक विचारधारा पर, इसमें बार्गेनिंग करना है, इसमें पूछना है किसी से? कांग्रेस में आप आइडियोलॉजी की भी बात करते हैं और यह कह के जब दुनिया को पता है पूर्णिया से मुझे लड़ना है तो इसमें बात क्या करनी थी? प्रियंका जी वैसे ही एक जीनियस लीडर है, डायनेमिक और डैशिंग लीडर है, बात करने का क्या गुंजाइश है जी? प्रियंका जी राहुल गांधी जी को देखना है पप्पू यादव के बारे में, और पप्पू यादव नोन है, कोई ऐसा तो है नहीं, पूरी दुनिया पप्पू यादव के बारे में जानना चाहती है, पूरा देश जानना चाहती है, हर विपक्ष हो या कोई हो पप्पू यादव के साथ उसका एक सेंटीमेंट है। मैं तो कह ही रहा हूं कि मुझसे, मैं कांग्रेस के साथ सौदा करना नहीं ना करके मैं आता भाई जी, बिल्कुल। की तरह मेरे साथ क्या होता, कांग्रेस के साथ जिस पार्टी के साथ रहो मदर फीलिंग के साथ रहो जी। पप्पू जी, बीमा भारती को टिकट दिया गया आरजेडी की तरफ से, जेडीयू से ला करके उनको जो है उम्मीदवार बनाया गया है, फिर पप्पू यादव में क्या खराबी थी कि भाई पप्पू यादव तो पहले भी साथ में रह चुके हैं, इतना दशकों पुराना जुड़ाव है? तो ये बात तो हमारे नेता बोलेंगे ना, लालू जी ना, कि हमें क्या खराबी थी, हमने कौन सा गुनाह कर दिया था जब वो ज्वाइन करा के मधेपुरा लड़ा ही रहे थे और हम एक परिवार में ज्वाइन कर लिए और दोनों परिवार एक साथ लड़ रही है और वो बड़े भाई हैं कांग्रेस यहाँ पर, छोटे भाई हैं बिहार में, लार्जर सोच में, और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है जी। लेकिन गठबंधन धर्म में तो मैं था ही, तो जब मैं गठबंधन धर्म में ज्वाइन कर ही लिया और हम उनके परिवार के हिस्सा रही हैं और हमेशा लालू जी के साथ रहे हैं, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू यादव जी को यह खतरा लगा कि पप्पू यादव जैसा जो है कर्मठ जुझारू नेता जो कि जनता के बीच रहता है अगर आगे पनपता है तो तेजस्वी यादव के लिए खतरा हो सकता है? सर, यदि मेरे फेट में अब पप्पू यादव को और कांग्रेस का विश्वास, तो हम कांग्रेस के लिए ना संघर्ष करेंगे, नंबर वन पार्टी हो, और तेजस्वी यादव जी को तो मैंने कह दिया मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम एक भाई की तरह खड़े रहेंगे, और उनको डिप्टी सीएम बनना था तो उनके फेट में था, तो उन्होंने रह करके काम किया ना, बने ना, तो उसमें डर की क्या गुंजाइश है जी? लालू यादव जी एक स्टॉलवार्ड नाम है, लालू यादव जी जैसे व्यक्ति को एक अपने बेटे से पप्पू से क्या डर, आप बताइए ना, सवाल नहीं उठता जी। एक बेटा से किसी बाप को डर हो तो इसीलिए डर की तो कोई गुंजाइश नहीं। भाइयों के बीच महाभारत भी हुई है सर, अगर आप जो है तेजस्वी यादव को भाई कहते हैं तो भाइयों के बीच तो भारत में महाभारत भी हुई है। सर एक बात सुनिए, दुर्योधन और अर्जुन में चुनना पड़ा ना कृष्ण को, तो अर्जुन को चुना,
भाइयों के बीच आप कह रहे हैं महाभारत हुआ है, मैं आज भी कहता हूं कि भाइयों के बीच में सहमति भी हुई है, भाइयों के बीच में बराबरी का हिस्सा भी हुआ है, भाइयों के बीच में बड़े भाई छोटे भाई के साथ चलने का स्वीकार भी हुआ है, हम लोग मिलकर भी काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कल जो महाभारत हुआ आज भी उसी तरह को दोहराया जाए। आज एक नई सोच के साथ, बिगर लार्जर सोच के साथ हम काम करते हैं जी, और उस तरीके से काम करने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, तो सवाल नहीं उठता है कल महाभारत कब की कथा है, आज नई सोच के साथ युवा पीढ़ी बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। मैं पूर्णिया को नंबर वन कोसी सीमांचल को देखना चाहता हूं जी। मेरी जिंदगी में राजनीति है ही नहीं, मैं हर परिवार को भगवान की तरह पूजा करता हूं। इस पूर्णिया और इस इलाके की माँ बेटा बेटी, माँ और बेटी बहन सबसे ज्यादा पप्पू यादव के मुस्कुराना चाहती है जी। सबसे ज्यादा पप्पू यादव को अपने, अच्छा पप्पू यादव अपना जो फ्यूचर कोर्स होगा, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा, वो कितने दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी, कब तक ये साफ हो जाएगा कि पप्पू यादव आगे क्या करने जा रहे हैं? ये कांग्रेस को सोचना है, कांग्रेस जो तय करेगी, पप्पू यादव वहां पर खड़ा है। अगर कांग्रेस ये कहती है कि मधेपुरा से लड़े आप, तो फिर मधेपुरा से लड़ेंगे? मैंने तो अपना सब कुछ कांग्रेस को समर्पित कर दिया, लेकिन एक अधिकार मुझे है, एक सिंगल अधिकार, अपनी माँ से कहने का बेटे को कि माँ मेरा अधिकार मुझे चाहिए जी। मैंने लालू जी से भी यही बात कहा और कांग्रेस से भी यही कहूंगा कि मेरा अधिकार पूर्णिया है, वो अधिकार आप हमें दीजिए, ठीक है, आगे जो होगा उचित आप करिए, लेकिन पूर्णिया से अलग जा करके उस इमोशंस के साथ मेरे साथ खेलवाड़ की बात होगी, कोई भी पीठ में खुंजर भोंकेगा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो बिहार की पूर्णिया सीट हाई प्रोफाइल हो चुकी है, पप्पू यादव साफ कह चुके हैं कि वे दुनिया छोड़ देंगे लेकिन लड़ेंगे पूर्णिया से ही। वहीं आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दे दिया है और इस वक्त हमारे साथ खुद पप्पू यादव जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, जी न्यूज पर स्वागत है आपका। जी प्रणाम भैया। जी पप्पू जी, क्या हो गया आखिरकार, जो है आप इतने जोशो खरोश के साथ कांग्रेस में शामिल हुए, महागठबंधन की ओर से चर्चा थी कि आप पूर्णिया से लड़ेंगे, क्या हो गया आखिरकार, कहां गड़बड़ हो गई? देखिए एक बात समझिए, 40 साल की जो मेरी राजनीतिक संघर्ष रही, आपको पता है कि मुझे राजनीति नहीं है, मैं दिल से लोगों के लिए काम करता हूं, ना मेरी नफरत की राजनीति है, ना जात पात की राजनीति है, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति है, मेरी पूरी राजनीति सेवा की है, मदद की है, चाहे वो दिल्ली का सेवा आश्रम हो, चाहे देश भर का हो, चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो, चाहे कोई भी देश के संकट या परिस्थिति में हो, वहां एक मददगार के रूप में और बेटे के रूप में मैं खड़ा होता हूं जी। आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए इसको जोश खरोश की बात नहीं है। हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी मेरे साथ हमेशा मेरे मन में, मेरे भाव में रही है जी। मेरा जज्बात रहा है उनके साथ, और मैंने 40 साल के संघर्ष और अपनी पार्टी, जब दो दो बार हम विधानसभा लड़े, 2% 2.5% वोट आया उसके अकेला, जब लोग बटे हुए थे तब की बात मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद इतने लंबे संघर्ष को जो साथियों ने लाठी खाया, और संघर्ष का अकेला नाम था जन अधिकार पार्टी। मैंने निश्चित रूप से लार्जर कॉज के लिए, जो देश का लार्जर कॉज था कि भाई हमें रोकना है बीजेपी को, तो इसके लिए एक कौन सा उचित प्लेटफॉर्म है जिसने 130 करोड़ लोगों को जो दिल जीता है, ठीक है। हम इतनी बारी रैली हुई, हम एक साल से प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया को लेकर के हम घर घर गए, लगातार 8 महीना 6 लाख 6.5 लाख परिवार से मिले, फिर 2 लाख से ज्यादा यहाँ ठेला वाला, रिक्शा वाला, टमटम वाला, दुकानदार, सारे गरीब मैदान में थे। मजदूरी उस दिन मजदूर नहीं किया, उस दिन सब लोग पहुंचे, बच्चे छोटे सभी लोग गए, मेरा तो कोई मतलब नहीं था, ठीक है। हमें तो पूर्णिया में निर्दलीय चुनाव हम लड़े, हमारी माँ भी चुनाव लड़ी, 32 हजार से चुनाव हारे, हमें पूर्णिया कभी नहीं हटाया। मधेपुरा जबकि मेरा घर है, लालू यादव जी से जब हम मिले तो हम लालू यादव जी को बेटे की तरह कह दिए कि सर हम पूर्णिया से ही लड़ेंगे और हम पूर्णिया नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप जिनको कहिएगा, हम मधेपुरा लड़ाइए, हम प्रयास करेंगे मधेपुरा जिताने का, सुपौल जिताने का, आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। अब मैं ये बात अलग, क्या लालू यादव जी
क्या हमें जाधव नहीं समझते हैं या अपना बेटा नहीं समझते? पप्पू जी, ये कहा जाता है कि आप जो है भले ही लालू यादव को अपना अभिभावक मानते रहे हो और आप उनके आपकी जो राजनीति है वो शुरू भी लालू यादव के अंडर ही हुई थी, लेकिन लालू यादव कहीं ना कहीं आपको खतरा मानते हैं और इसी वजह से उन्होंने आपको पूर्णिया से टिकट नहीं दिया। देखिए, पहले तो समझिए कि मैं निर्दलीय एमएलए बना था और 83-82 से लालू यादव जी के साथ रहे। यह बात उन्होंने उस दिन भी कही कि जब विपक्ष के नेता से लेकर के एक वोट की जरूरत से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर आज तक जब जब लालू यादव जी पर हमले हुए सीबीआई के अन्य चीजों के, मैं बेटे के तरह खड़ा रहा। हमारा इमोशंस लालू यादव के साथ था, आगे भी रहेगा। मैंने तेजस्वी जी को कहा कि मुख्यमंत्री बनाने में जो भी मेरी छोटी भूमिका होगी, एक सिपाही की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे, हम लोग मिलकर काम करेंगे। आज भी मैं कहता हूं कि वो किसी से सर्वे करा ले पूर्णिया, कोई भी, यदि इंडिया गठबंधन का कोई पहला सीट 12 बजे जीतने की स्थिति में होगा तो वो पूर्णिया होगा, किशनगंज से भी ऊपर। ये तो मेरा, हमें हम हर घर में यहाँ गोदी में खेले हैं, हमारा हर घर में हमारी जिंदगी है, हमें सीखा है। पप्पू जी, मैं 90 के दशक में सहरसा में रहा करता था और उस वक्त जो है वहां पर चर्चा होती थी कि अगर विकास देखना है तो पूर्णिया में देखिए। पप्पू यादव के वहां जीतने के बाद जो है पूरा चमक चुका है पूर्णिया, इसलिए हमें अच्छी तरह से पता है कि आपने किस तरह से वहां पर विकास किया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से टिकट नहीं मिला है, बीमा भारती को टिकट का ऐलान कर दिया गया है, तो पप्पू यादव जी की अगली रणनीति क्या होगी? क्या वे निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं? दो बात समझिए, मैंने पहले ही जब कह दिया मधेपुरा मैं जानता हूं, मेरा घर है मधेपुरा, कभी भी हमको चुनाव अलग लड़े तो देखिए, वहां लालू यादव और पप्पू यादव के बीच पूर्णिया में तो ये बात नहीं है। पूर्णिया तो सीधा बेटा है, सीधा मेरी माँ है जी। वहां राजनीति हो सकती है मधेपुरा में, लेकिन यहाँ तो सीधा कोई राजनीति नहीं होती है, यहाँ तो कोई जाति पाति नहीं होता है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है। जब पप्पू रहता है तो कोई भी चीजें यहाँ खत्म हो जाती है जी। तो मैं जब एक साल और बड़ा पूर्णिया रैली हो गई, दुनिया को पता था लालू जी से मैं मिल लिया और अपना सब कुछ मैं लार्जर कॉज के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए अपना समर्पण प्रियंका जी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिन्होंने दिल को जीता है भारत पे, जब मैंने कर दिया तो निर्णय उन्हें लेना है कि मेरी राजनीतिक भविष्य क्या होगी। चुनाव की बात यदि आप व्यक्तिगत तौर पर हमसे पूछते हैं तो मैं या अपनी भावना, जो मेरा इमोशनल भावना है, जो इमोशन से मेरा पूर्णिया के साथ मेरी फीलिंग है, हमारे इमोशंस को हमारे इमोशंस साफ है, वो क्लियर है। पूर्णिया छोड़ने का मतलब है पप्पू यादव को आत्महत्या करना या चुपचाप जहर खा के मर जाना। ठीक है, आप स्थिति आप समझिए मेरी। इसीलिए यदि चुनाव लड़ने की बात होगी, निर्णय हमारे पार्टी लेंगे, नेतृत्व को मैं तो बड़े पूर्णिया कांग्रेस के लिए एक सिपाही की तरह काम करने आया हूं ताकि बिहार में कांग्रेस को नंबर वन कर पाऊं, किसी भी पार्टी से ऊपर हो। तो मेरी लड़ाई कांग्रेस को नंबर वन के लिए है, सिर्फ सीट के लिए नहीं। हमको तो MP MLA नहीं है, तब भी कोरोना में पप्पू यादव, बाढ़ में पप्पू यादव, सबकी सेवा में पप्पू यादव, पद मेरे लिए मैटर नहीं रखता है। ठीक है, नेतृत्व कह तो दे कि आपको नहीं लड़ना है, आपको काम करना है जी। लेकिन मैं यदि लड़ूंगा, मैं मुझसे आप यदि पूछते हैं, हम नेतृत्व को कह दिए यदि हमको लड़ना होगा तो सर निर्णय पूर्णिया का ही लीजिएगा। हम अगर कांग्रेस नेतृत्व ने कह दिया कि पप्पू यादव जो है चुनाव पूर्णिया से नहीं लड़ेंगे, फिर क्या करेंगे सर? देखिए एक बात समझिए, कांग्रेस नेतृत्व कह दिया तो मैं कहूंगा ठीक है चुनाव नहीं लड़ूंगा, पूर्णिया छोड़ के कहीं चुनाव नहीं, फिर निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। या मैं तो कह दिया, कांग्रेस को आप नेतृत्व से पूछिए ना, मैंने तो अपना समर्पण कर दिया जी। पूर्णिया तो मेरे लिए भगवान के तरह, और आस्था पे कोई ठोस नहीं, मेरे पूजा में कमी रह गई होगी, हो सकता है मेरी भूल होगी, मेरी भक्ति में कमी रह गई होगी कि हमें लोग महसूस समझ नहीं पाए अपने बेटे को। कोशिश करेंगे और भक्ति करने की जी, पूजा हर घर में पूजा करने की, और करेंगे पूजा और इबादत में आने वाले समय में कोई कमी नहीं रखेंगे। लेकिन मुझे कोई पूर्णिया के आत्मसम्मान और उस भावनाओं के साथ खेलवाड़ करके पप्पू यादव को झुकाने की बात, इससे बेहतर है खुद को मार लेना, झुकने से बेहतर। ठीक है, हम झुकेंगे तो सिर्फ पूर्णिया के सामने जी, अपने भगवान के सामने, दुनिया में मर जाएंगे, कहीं नहीं झुकेंगे।
कहा यह भी जा रहा है, जानकार लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में जो सीटों का बंटवारा हुआ है, आरजेडी ने सारी मलाई अपने पास रख ली है और मट्ठा और छाछ जो है वो कांग्रेस को दिया है, और यही वजह है कि जहां पर पूर्णिया सीट दमदार मानी जा रही थी महागठबंधन के लिए, वही उसी वजह से जो है वो अपने पास आरजेडी ने रख ली है। देखिए, मैं तो इसमें कहीं मीटिंग में नहीं था, ना मुझे किसी चीजों में था, वो तो कांग्रेस नेतृत्व हमारे शीर्षस्थ लीडर है और प्रभारी हमारे लीडर है, प्रभारी गंभीर आदमी है और मुकुल जी काम करते थे, तो मैं तो उसमें कहीं था नहीं, वो तो देखने की जिम्मेदारी उनकी होगी। लेकिन किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये कांग्रेस की एक सबसे बड़ी ताकत है जी, और कांग्रेस को इस तीनों सीट पर अपनी अधिकार और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, रखे भी होंगे। जैसे औरंगाबाद कांग्रेस की सीट है, वाल्मीकि नगर कांग्रेस की सीट है जी, मैं मानता हूं, जो समस्तीपुर कांग्रेस की सीट है जो मैंने देखा है आज तक, और यह इलाका तो कांग्रेस की ही है जी, तो इसीलिए कांग्रेस को तय करना है तीनों सीट पर या अन्य जगहों पर, उसमें मैं कहीं नहीं हूं। मैं इतना जानता हूं कि मैं कांग्रेस के लिए खाद बनने को तैयार हूं, मेरा इमोशंस पूर्णिया के साथ है, मेरा समर्पण पूर्णिया के साथ है जी, मैं इस समर्पण से अलग नहीं हो सकता हूं, ये मैडम को भी मैंने आज कह दी जी, और मैं कंप्लीट रूप से पूर्णिया में हूं। ठीक है, मैं पर्वों में हूं, होली थी, रमजान है, मैं अपने घर में हूं, मुझे मेरी अपनी माँ से, अपने घर से कोई अच्छा, निकाल नहीं सकता। पप्पू जी, जब लालू यादव जी से आपने मुलाकात की थी और आपने कहा था कि आप पूर्णिया से ही लड़ेंगे, तो उन्होंने क्या कहा था, कोई भरोसा दिया था या उन्होंने तब भी मना किया? नहीं, उन्होंने कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करिए और आप मधेपुरा लड़िए। मैंने कहा कि परिवार और कांग्रेस फैमिली से भी मैं बात कर लेता हूं, लेकिन मैं पूर्णिया लड़ूंगा गार्जन, मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा जी। ये बात मैंने उनसे वहीं पर कह दी, आप पूछ लीजिए उनसे, और मैं आज भी उनको गार्जन मानूंगा, कल भी मानूंगा, और मैं लड़ूं ना लड़ूं, मैं पूर्णिया रहूं, मैं कोशिश करूंगा इंडिया गठबंधन मजबूत हो और भारत को बचाया जाए जी, ये कोशिश मेरी जारी है। जी, अगर जब लालू यादव से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप मधेपुरा लड़िए, वो आरजेडी के पास ही रहेगी पूर्णिया सीट, तब क्या ये बात नहीं हुई कि आप आरजेडी में शामिल होकर पूर्णिया से लड़ लें, सीट भी रह जाती और आपका जो है पूर्णिया का गढ़ भी बचा रह जाता? देखिए, मुझे तो एक बिगर प्लेटफॉर्म पहले से, जब कांग्रेस परिवार हम पर विश्वास कर रहा था और कांग्रेस को लग रहा था, रंजीत रंजन जी 19 सालों से 20 सालों से कांग्रेस में, उनका जो रिश्ता है एक परिवार का, माँ और बेटी का सोनिया जी के साथ, तो फिर पप्पू यादव को नहीं सर, मेरा सवाल यह कि गठबंधन के तहत कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरी पार्टियों के नेता होते हैं वो सहयोगी दल के सिंबल पर वहां से चुनाव लड़ते हैं, इससे आधिकारिक तौर पर वो सीट जो है उसके खाते में रह जाती है? नहीं, मधेपुरा के लिए उन्होंने ज्वाइनिंग की बात की, सुपौल के लिए बात की, मैं पूर्णिया के लिए उनसे आग्रह किया था, और जिस दिन मैं ज्वाइन किया शायद उसी दिन उन्होंने टिकट दे दिया होगा कि क्या क्या हो तो मैं नहीं जानता हूँ, वो कांग्रेस को देखना है, ठीक है, वो मेरे गार्जियन है, उनका आदेश सर्वोपरि है, लेकिन मैं पूर्णिया के इमोशंस के साथ हूँ, उस फीलिंग के साथ हूँ जी, मैं पूर्णिया के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। पप्पू जी, पूर्णिया सीट को लेकर के क्या कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी, किसी ने आपको भरोसा दिया था कि आप पार्टी में आएंगे तो आपको उस सीट से लड़ाया जाएगा? अच्छा, कांग्रेस में कहां भरोसे की बात है, कांग्रेस में कौन सा बार्गेनिंग करने की, कांग्रेस जब मेरी माँ है तो पूरा भरोसा है एक माँ पर जी और एक विचारधारा पर, इसमें बार्गेनिंग करना है, इसमें पूछना है किसी से? कांग्रेस में आप आइडियोलॉजी की भी बात करते हैं और यह कह के जब दुनिया को पता है पूर्णिया से मुझे लड़ना है, तो इसमें एक बात क्या करनी थी? प्रियंका जी वैसे ही एक जीनियस लीडर है, डायनेमिक और डैशिंग लीडर है, बात करने का क्या गुंजाइश है जी? प्रियंका जी, राहुल गांधी जी को देखना है पप्पू यादव के बारे में, और पप्पू यादव नोन है, कोई ऐसा तो है नहीं, पूरी दुनिया पप्पू यादव के बारे में जानना चाहती है, पूरा देश जानना चाहती है, हर विपक्ष हो या कोई हो पप्पू यादव के साथ उसका एक सेंटीमेंट है। मैं तो कह ही रहा हूं कि मुझसे, मैं कांग्रेस के साथ सौदा करना करके मैं आता भाई जी, औरों की तरह मेरे साथ क्या होता, कांग्रेस के साथ जिस पार्टी के साथ रहो
मदर फीलिंग के साथ हुए। जी पप्पू जी, बीमा भारती को टिकट दिया गया आरजेडी की तरफ से, जेडीयू से ला करके उनको जो है उम्मीदवार बनाया गया है, फिर पप्पू यादव में क्या खराबी थी कि भाई पप्पू यादव तो पहले भी साथ में रह चुके हैं, इतना दशकों पुराना जुड़ाव है। तो ये बात तो हमारे नेता बोलेंगे ना, लालू जी ना, कि हमें क्या खराबी थी, हमने कौन सा गुनाह कर दिया था जब वो ज्वाइन करा के मधेपुरा लड़ा ही रहे थे और हम एक परिवार में ज्वाइन कर लिए और दोनों परिवार एक साथ लड़ रही है और वो बड़े भाई हैं कांग्रेस यहाँ पर, छोटे भाई हैं बिहार में, लार्जर सोच में, और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है जी। लेकिन गठबंधन धर्म में तो मैं था ही, तो जब मैं गठबंधन धर्म में ज्वाइन कर ही लिया और हम उनके परिवार के हिस्सा रहे हैं और हमेशा लालू जी के साथ रहे हैं, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू यादव जी को यह खतरा लगा कि पप्पू यादव जैसा जो है कर्मठ जुझारू नेता जो कि जनता के बीच रहता है अगर आगे पनपता है तो तेजस्वी यादव के लिए खतरा हो सकता है? सर यदि मेरे फेट में अब पप्पू यादव को और कांग्रेस का विश्वास, तो हम कांग्रेस के लिए ना संघर्ष करेंगे, नंबर वन पार्टी हो, और तेजस्वी यादव जी को तो मैंने कह दिया मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम एक भाई की तरह खड़े रहेंगे, और उनको डिप्टी सीएम बनना था तो उनके फेट में था, तो उन्होंने रह करके काम किया ना, बने ना, तो उसमें डर की क्या गुंजाइश है जी। लालू यादव जी एक स्टॉलवार्ड नाम है, लालू यादव जी जैसे व्यक्ति को एक अपने बेटे से पप्पू से क्या डर, आप बताइए ना, सवाल नहीं उठता जी। एक बेटा से किसी बाप को डर हो, तो इसीलिए डर की तो कोई गुंजाइश नहीं। भाइयों के बीच महाभारत भी हुई है सर, अगर आप जो है तेजस्वी यादव को भाई कहते हैं तो भाइयों के बीच तो भारत में महाभारत भी हुई है। सर एक बात सुनिए, दुर्योधन और अर्जुन में चुनना पड़ा ना कृष्ण को, तो अर्जुन को चुना, भाइयों के बीच आप कह रहे हैं महाभारत हुआ है, मैं आज भी कहता हूं कि भाइयों के बीच में सहमति भी हुई है, भाइयों के बीच में बराबरी का हिस्सा भी हुआ है, भाइयों के बीच में बड़े भाई छोटे भाई के साथ चलने का स्वीकार भी हुआ है, हम लोग मिलकर भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कल जो महाभारत हुआ आज भी उसी तरह को दोहराया जाए, आज एक नई सोच के साथ, बिगर लार्जर सोच के साथ हम काम करते हैं जी, और उस तरीके से काम करने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, तो सवाल नहीं उठता है कल महाभारत कब की कथा है, आज नई सोच के साथ युवा पीढ़ी बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, मैं पूर्णिया को नंबर वन कोसी सीमांचल को देखना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में राजनीति है ही नहीं, मैं हर परिवार को भगवान की तरह पूजा करता हूँ, इस पूर्णिया और इस इलाके की माँ बेटा बेटी, माँ और बेटी बहन सबसे ज्यादा पप्पू यादव के मुस्कुराना चाहती है जी। सबसे ज्यादा पप्पू यादव को अपने, अच्छा पप्पू यादव अपना जो फ्यूचर कोर्स होगा, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा, वो कितने दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी, कब तक ये साफ हो जाएगा कि पप्पू यादव आगे क्या करने जा रहे हैं? ये कांग्रेस को सोचना है, कांग्रेस जो तय करेगी, पप्पू यादव वहां पर खड़ा है। अगर कांग्रेस ये कहती है कि मधेपुरा से लड़े आप, तो फिर मधेपुरा से लड़ेंगे? मैंने तो अपना सब कुछ कांग्रेस को समर्पित कर दिया, लेकिन एक अधिकार मुझे है, एक सिंगल अधिकार, अपनी माँ से कहने का बेटे को कि माँ मेरा अधिकार मुझे चाहिए जी। मैंने लालू जी से भी यही बात कहा और कांग्रेस से भी यही कहूंगा कि मेरा अधिकार पूर्णिया है, वो अधिकार आप हमें दीजिए, ठीक है, आगे जो होगा उचित आप करिए, लेकिन पूर्णिया से अलग जा करके उस इमोशंस के साथ मेरे साथ खेलवाड़ की बात होगी, कोई भी पीठ में खुंजर भोंकेगा तो मैं जिंदा नहीं रहूं। तो बिहार की पूर्णिया सीट हाई प्रोफाइल हो चुकी है, पप्पू यादव साफ कह चुके हैं कि वे दुनिया छोड़ देंगे लेकिन लड़ेंगे पूर्णिया से ही, वहीं आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दे दिया है और इस वक्त हमारे साथ खुद पप्पू यादव जुड़ चुके हैं। पप्पू जी जी न्यूज पर स्वागत है आपका। जी प्रणाम भैया। जी पप्पू जी क्या हो गया आखिरकार, जो है आप इतने जोशो खरोश के साथ कांग्रेस में शामिल हुए, महागठबंधन की ओर से चर्चा थी कि आप पूर्णिया से लड़ेंगे, क्या हो गया आखिरकार, कहां गड़बड़ हो गई? देखिए एक बात समझिए, 40 साल की जो मेरी राजनीतिक संघर्ष रही, आपको पता है कि मुझे राजनीति नहीं है, मैं दिल से लोगों के लिए काम करता हूँ, ना मेरी नफरत की राजनीति है, ना जात पात की राजनीति है, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति है, मेरी पूरी राजनीति सेवा की है, मदद की है, चाहे वो दिल्ली का सेवा आश्रम हो, चाहे देश भर का हो, चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो, चाहे कोई भी देश के संकट या परिस्थिति में हो,
वहाँ एक मददगार के रूप में और बेटे के रूप में मैं खड़ा होता हूँ जी। आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए इसको जोश खरोश की बात नहीं है। हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी मेरे साथ हमेशा मेरे मन में मेरे भाव में रही है जी। मेरा जज्बात रहा है उनके साथ, और मैंने 40 साल के संघर्ष और अपनी पार्टी, जब दो दो बार हम विधानसभा लड़े, 2% 2.5% वोट आया उसके अकेला, जब लोग बटे हुए थे तब की बात मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद इतने लंबे संघर्ष को जो साथियों ने लाठी खाया, और संघर्ष का अकेला नाम था जन अधिकार पार्टी, मैंने निश्चित रूप से लार्जर कॉज के लिए, जो देश का लार्जर कॉज था कि भाई हमें रोकना है बीजेपी को, तो इसके लिए एक कौन सा उचित प्लेटफॉर्म है जिसने 130 करोड़ लोगों को जो दिल जीता है। ठीक है, हम इतनी बड़ी रैली हुई, हम एक साल से पढ़ा पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया को लेकर के हम घर घर गए, लगातार 8 महीना 6 लाख 6.5 लाख परिवार से मिले, फिर 2 लाख से ज्यादा यहाँ ठेला वाला, रिक्शा वाला, टमटम वाला, दुकानदार, सारे गरीब मैदान में थे। मजदूरी उस दिन मजदूर नहीं किया, उस दिन सब लोग पहुंचे, बच्चे छोटे सभी लोग गए, मेरा तो कोई मतलब नहीं था। ठीक है, हमें तो पूर्णिया में निर्दलीय चुनाव हम लड़े, हमारी माँ भी चुनाव लड़ी, 32,000 से चुनाव हारे, हमें पूर्णिया कभी नहीं हटाया। मधेपुरा जबकि मेरा घर है, लालू यादव जी से जब हम मिले तो हम लालू यादव जी को बेटे की तरह कह दिए कि सर हम पूर्णिया से ही लड़ेंगे और हम पूर्णिया नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप जिनको कहिएगा हम मधेपुरा लड़ाइए, हम प्रयास करेंगे मधेपुरा जिताने का, सुपौल जिताने का, आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। अब मैं ये बात अलग, क्या लालू यादव जी क्या हमें जाधव नहीं समझते हैं या अपना बेटा नहीं समझते? बाबू जी, ये कहा जाता है कि आप जो है भले ही लालू यादव को अपना अभिभावक मानते रहे हो और आप उनके आपकी जो राजनीति है वो शुरू भी लालू यादव के अंडर ही हुई थी, लेकिन लालू यादव कहीं ना कहीं आपको खतरा मानते हैं और इसी वजह से उन्होंने आपको पूर्णिया से टिकट नहीं दिया। देखिए, पहले तो समझिए कि मैं निर्दलीय MLA बना था और 83-82 से लालू यादव जी के साथ रहे। यह बात उन्होंने उस दिन भी कही कि जब विपक्ष के नेता से लेकर के एक वोट की जरूरत से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर आज तक जब जब लालू यादव जी पर हमले हुए CBI के अन्य चीजों के, मैं बेटे की तरह खड़ा रहा, हमारा इमोशंस लालू यादव के साथ था, आगे भी रहेगा। मैंने तेजस्वी जी को कहा कि मुख्यमंत्री बनाने में जो भी मेरी छोटी भूमिका होगी, एक सिपाही की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे, हम लोग मिलकर काम करेंगे। आज भी मैं कहता हूं कि वो किसी से सर्वे करा ले पूर्णिया, कोई भी, यदि इंडिया गठबंधन का कोई पहला सीट 12 बजे जीतने की स्थिति में होगा तो वो पूर्णिया होगा, किशनगंज से भी ऊपर। ये तो मेरा, हमें हम हर घर में यहाँ गोदी में खेले हैं, हमारा हर घर में हमारी जिंदगी है, हमें सीखा है। पप्पू जी, मैं 90 के दशक में सहरसा में रहा करता था और उस वक्त जो है वहां पर चर्चा होती थी कि अगर विकास देखना है तो पूर्णिया में देखिए, पप्पू यादव के वहां जीतने के बाद जो है पूरा चमक चुका है पूर्णिया, इसलिए हमें अच्छी तरह से पता है कि आपने किस तरह से वहां पर विकास किया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से टिकट नहीं मिला है, बीमा भारती को टिकट का ऐलान कर दिया गया है, तो पप्पू यादव जी की अगली रणनीति क्या होगी? क्या वे निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं? दो बात समझिए, मैंने पहले ही जब कह दिया मधेपुरा मैं जानता हूं, मेरा घर है मधेपुरा, कभी भी हमको चुनाव अलग लड़े तो देखिए, वहां लालू यादव और पप्पू यादव के बीच पूर्णिया में तो ये बात नहीं है, पूर्णिया तो सीधा बेटा है, सीधा मेरी माँ है जी, वहां राजनीति हो सकती है मधेपुरा में, लेकिन यहाँ तो सीधा कोई राजनीति नहीं होती है, यहाँ तो कोई जाति पाति नहीं होता है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है, जब पप्पू रहता है तो कोई भी चीजें यहाँ खत्म हो जाती है जी। तो मैं जब एक साल और बड़ा पूर्णिया रैली हो गई, दुनिया को पता था, लालू जी से मैं मिल लिया और अपना सब कुछ, मैं लार्जर कॉज के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए अपना समर्पण प्रियंका जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिन्होंने दिल को जीता है भारत के, जब मैंने कर दिया तो निर्णय उन्हें लेना है कि मेरी राजनीतिक भविष्य क्या होगी। चुनाव की बात यदि आप व्यक्तिगत तौर पर हमसे पूछते हैं तो मैं या अपनी भावना, जो मेरा इमोशनल भावना है, जो इमोशन से मेरा पूर्णिया के साथ मेरी फीलिंग है, हमारे इमोशंस को हमारे इमोशंस साफ है, वो क्लियर है। पूर्णिया छोड़ने का मतलब है पप्पू यादव को आत्महत्या करना या चुपचाप जहर खा के मर जाना। ठीक है, आप स्थिति आप समझिए मेरी,
इसीलिए यदि चुनाव लड़ने की बात होगी, निर्णय हमारे पार्टी लेंगे, नेतृत्व में तो बड़े पूर्णिया कांग्रेस के लिए एक सिपाही की तरह काम करने आया हूं ताकि बिहार में कांग्रेस को नंबर वन कर पाऊं, किसी भी पार्टी से ऊपर हो। तो मेरी लड़ाई कांग्रेस को नंबर वन के लिए है, सिर्फ सीट के लिए नहीं। हमको तो एमपी एमएलए नहीं है, तब भी कोरोना में पप्पू यादव, बाढ़ में पप्पू यादव, सबकी सेवा में पप्पू यादव, पद मेरे लिए मैटर नहीं रखता है। ठीक है, नेतृत्व कह तो दे कि आपको नहीं लड़ना है, आपको काम करना है जी। लेकिन मैं यदि लड़ूंगा, मैं मुझसे आप यदि पूछते हैं, हम नेतृत्व को कह दिए यदि हमको लड़ाना होगा तो सर निर्णय पूर्णिया का ही लीजिएगा। हम अगर कांग्रेस नेतृत्व ने कह दिया कि पप्पू यादव जो है चुनाव पूर्णिया से नहीं लड़ेंगे, फिर क्या करेंगे सर? देखिए एक बात समझिए, कांग्रेस नेतृत्व कह दिया तो मैं कहूंगा ठीक है चुनाव नहीं लड़ूंगा, पूर्णिया छोड़ के कहीं चुनाव नहीं, फिर निर्दलीय नहीं लड़ेंगे? भैया मैं तो कह दिया, कांग्रेस को आप नेतृत्व से पूछिए ना, मैंने तो अपना समर्पण कर दिया जी। पूर्णिया तो मेरे लिए भगवान की तरह, और आस्था पे कोई ठोस नहीं, मेरे पूजा में कमी रह गई होगी, हो सकता है मेरी भूल होगी, मेरी भक्ति में कमी रह गई होगी कि हमें लोग महसूस समझ नहीं पाए अपने बेटे को, कोशिश करेंगे और भक्ति करने की जी, पूजा हर घर में पूजा करने की, और करेंगे पूजा और इबादत में आने वाले समय में कोई कमी नहीं रखेंगे। लेकिन मुझे कोई पूर्णिया के आत्मसम्मान और उस भावनाओं के साथ खेलवाड़ करके पप्पू यादव को झुकाने की बात, इससे बेहतर है खुद को मार लेना, झुकने से बेहतर। ठीक है, हम झुकेंगे तो सिर्फ पूर्णिया के सामने जी, अपने भगवान के सामने, दुनिया में मर जाएंगे कहीं नहीं झुकेंगे। कहा यह भी जा रहा है, जानकार लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में जो सीटों का बंटवारा हुआ है, आरजेडी ने सारी मलाई अपने पास रख ली है और मट्ठा और छाछ जो है वो कांग्रेस को दिया है, और यही वजह है कि जहां पर पूर्णिया सीट दमदार मानी जा रही थी महागठबंधन के लिए, वही उसी वजह से जो है वो अपने पास आरजेडी ने रख ली है। देखिए मैं तो इसमें कहीं मीटिंग में नहीं था, ना मुझे किसी चीजों में था, वो तो कांग्रेस नेतृत्व हमारे शीर्षक लीडर है और प्रभारी हमारे लीडर है, प्रभारी गंभीर आदमी है और मुकुल जी काम करते थे, तो मैं तो उसमें कहीं था नहीं, वो तो देखने की जिम्मेदारी उनकी होगी। लेकिन किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये कांग्रेस की एक सबसे बड़ी ताकत है जी, और कांग्रेस को इस तीनों सीट पर अपनी अधिकार और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, रखे भी होंगे। जैसे औरंगाबाद कांग्रेस की सीट है, वाल्मीकि नगर कांग्रेस की सीट है जी, मैं मानता हूं, जो समस्तीपुर कांग्रेस की सीट है, जो मैंने देखा आज तक, और यह इलाका तो कांग्रेस की ही है जी। तो इसीलिए कांग्रेस को तय करना है तीनों सीट पर या अन्य जगहों पर, उसमें मैं कहीं नहीं हूं। मैं इतना जानता हूं कि मैं कांग्रेस के लिए खाद बनने को तैयार हूं, मेरा इमोशंस पूर्णिया के साथ है, मेरा समर्पण पूर्णिया के साथ है जी। मैं इस समर्पण से अलग नहीं हो सकता हूं, ये मैडम को भी मैंने आज कह दी जी, और मैं कंप्लीट रूप से पूर्णिया में हूं। ठीक है, मैं पर्वों में हूं, होली थी, रमजान है, मैं अपने घर में हूं, मुझे मेरी अपनी माँ से, अपने घर से कोई निकाल नहीं सकता। पप्पू जी, जब लालू यादव जी से आपने मुलाकात की थी और आपने कहा था कि आप पूर्णिया से ही लड़ेंगे, तो उन्होंने क्या कहा था, कोई भरोसा दिया था या उन्होंने तब भी मना किया? नहीं, उन्होंने कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करिए और आप मधेपुरा लड़िए। मैंने कहा कि परिवार और कांग्रेस फैमिली से भी मैं बात कर लेता हूं, लेकिन मैं पूर्णिया लड़ूंगा गार्जन, मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा जी। ये बात मैंने उनसे वहीं पर कह दी, आप पूछ लीजिए उनसे, और मैं आज भी उनको गार्जन मानूंगा, कल भी मानूंगा, और मैं लड़ूं ना लड़ूं, मैं पूर्णिया रहूं, मैं कोशिश करूंगा इंडिया गठबंधन मजबूत हो और भारत को बचाया जाए जी। कोशिश मेरी जारी। पप्पू जी, अगर जब लालू यादव से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप मधेपुरा लड़िए, वो आरजेडी के पास ही रहेगी पूर्णिया सीट, तब क्या ये बात नहीं हुई कि आप आरजेडी में शामिल होकर पूर्णिया से लड़ लें, सीट भी रह जाती और आपका जो है पूर्णिया का गढ़ भी बचा रह जाता? देखिए मुझे तो एक बिगर प्लेटफॉर्म, पहले से जब कांग्रेस परिवार हम पर विश्वास कर रहा था और कांग्रेस को लग रहा था, रंजीत रंजन जी 19 सालों से 20 सालों से कांग्रेस में, उनका जो रिश्ता है एक परिवार का, माँ और बेटी का, सोनिया जी के साथ
तो फिर पप्पू यादव को नहीं सर, मेरा सवाल यह कि गठबंधन के तहत कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरी पार्टियों के नेता होते हैं वो सहयोगी दल के सिंबल पर वहां से चुनाव लड़ते हैं, इससे आधिकारिक तौर पर वो सीट जो है उसके खाते में रह जाती है। मधेपुरा के लिए उन्होंने ज्वाइनिंग की बात की, सुपौल के लिए बात की, मैं पूर्णिया के लिए उनसे आग्रह किया था और जिस दिन मैं ज्वाइन किया शायद उसी दिन उन्होंने टिकट दे दिया होगा कि क्या क्या हो तो मैं नहीं जानता हूं। वो कांग्रेस को देखना है, वो मेरे गार्जियन है, उनका आदेश सर्वोपरि है, लेकिन मैं पूर्णिया के इमोशंस के साथ हूं, उस फीलिंग के साथ हूं जी, मैं पूर्णिया के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। पप्पू जी, पूर्णिया सीट को लेकर के क्या कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी किसी ने आपको भरोसा दिया था कि आप पार्टी में आएंगे तो आपको उस सीट से लड़ाया जाएगा? अच्छा, कांग्रेस में कहां भरोसे की बात है, कांग्रेस में कौन सा बार्गेनिंग करने की, कांग्रेस जब मेरी माँ है तो पूरा भरोसा है एक माँ पर जी और एक विचारधारा पर, इसमें बार्गेनिंग करना है, इसमें पूछना है किसी से? कांग्रेस में आप आइडियोलॉजी की भी बात करते हैं और यह कह के जब दुनिया को पता है पूर्णिया से मुझे लड़ना है तो इसमें एक बात क्या करनी थी? प्रियंका जी वैसे ही एक जीनियस लीडर है, डायनेमिक और डैशिंग लीडर है, बात करने का क्या गुंजाइश है जी? प्रियंका जी राहुल गांधी जी को देखना है पप्पू यादव के बारे में, और पप्पू यादव नोन है, कोई ऐसा तो है नहीं, पूरी दुनिया पप्पू यादव के बारे में जानना चाहती है, पूरा देश जानना चाहती है, हर विपक्ष हो या कोई हो पप्पू यादव के साथ उसका एक सेंटीमेंट है। मैं तो कह ही रहा हूं कि मुझसे मैं कांग्रेस के साथ सौदा करना नहीं ना करके मैं आता भाई जी, औरों की तरह मेरे साथ क्या होता, कांग्रेस के साथ जिस पार्टी के साथ रहो मदर फीलिंग के साथ रहो जी। पप्पू जी, बीमा भारती को टिकट दिया गया आरजेडी की तरफ से, जेडीयू से ला करके उनको जो है उम्मीदवार बनाया गया है, फिर पप्पू यादव में क्या खराबी थी कि भाई पप्पू यादव तो पहले भी साथ में रह चुके हैं, इतना दशकों पुराना जुड़ाव है? तो ये बात तो हमारे नेता बोलेंगे ना, लालू जी ना, कि हमें क्या खराबी थी, हमने कौन सा गुनाह कर दिया था जब वो ज्वाइन करा के मधेपुरा लड़ा ही रहे थे और हम एक परिवार में ज्वाइन कर लिए और दोनों परिवार एक साथ लड़ रही है और वो बड़े भाई हैं कांग्रेस यहाँ पर, छोटे भाई हैं बिहार में, लार्जर सोच में, और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है जी। लेकिन गठबंधन धर्म में तो मैं था ही, तो जब मैं गठबंधन धर्म में ज्वाइन कर ही लिया और हम उनके परिवार के हिस्सा रहे हैं और हमेशा लालू जी के साथ रहे हैं, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू यादव जी को यह खतरा लगा कि पप्पू यादव जैसा जो है कर्मठ जुझारू नेता जो कि जनता के बीच रहता है अगर आगे पनपता है तो तेजस्वी यादव के लिए खतरा हो सकता है? सर, यदि मेरे फेट में अब पप्पू यादव को और कांग्रेस का विश्वास, तो हम कांग्रेस के लिए ना संघर्ष करेंगे, नंबर वन पार्टी हो, और तेजस्वी यादव जी को तो मैंने कह दिया मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम एक भाई की तरह खड़े रहेंगे, और उनको डिप्टी सीएम बनना था तो उनके फेट में था तो उन्होंने रह करके काम किया ना, बने ना, तो उसमें डर की क्या गुंजाइश है जी? लालू यादव जी एक स्टॉलवार्ड नाम है, लालू यादव जी जैसे व्यक्ति को एक अपने बेटे से पप्पू से क्या डर, आप बताइए ना, सवाल नहीं उठता है जी। एक बेटा से किसी बाप को डर हो तो इसीलिए डर की तो कोई गुंजाइश नहीं। भाइयों के बीच महाभारत भी हुई है सर, अगर आप जो है तेजस्वी यादव को भाई कहते हैं तो भाइयों के बीच तो भारत में महाभारत भी हुई है। सर एक बात सुनिए, दुर्योधन और अर्जुन में चुनना पड़ा ना कृष्ण को तो अर्जुन को चुना, भाइयों के बीच आप कह रहे हैं महाभारत हुआ है, मैं आज भी कहता हूं कि भाइयों के बीच में सहमति भी हुई है, भाइयों के बीच में बराबरी का हिस्सा भी हुआ है, भाइयों के बीच में बड़े भाई छोटे भाई के साथ चलने का स्वीकार भी हुआ है, हम लोग मिलकर भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कल जो महाभारत हुआ आज भी उसी तरह को दोहराया जाए, आज एक नई सोच के साथ बिगर लार्जर सोच के साथ हम काम करते हैं जी, और उस तरीके से काम करने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, तो सवाल नहीं उठता है कल महाभारत कब की कथा है, आज नई सोच के साथ युवा पीढ़ी बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, मैं पूर्णिया को नंबर वन कोसी सीमांचल को देखना चाहता हूं जी। मेरी जिंदगी में राजनीति है ही नहीं, मैं हर परिवार को भगवान की तरह पूजा करता हूं, इस पूर्णिया और इस इलाके की माँ बेटा बेटी
माँ और बेटी बहन सबसे ज्यादा पप्पू यादव के मुस्कुराना चाहती है जी। सबसे ज्यादा पप्पू यादव को अपने अच्छा पप्पू यादव अपना जो फ्यूचर कोर्स होगा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो कितने दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी, कब तक ये साफ हो जाएगा कि पप्पू यादव आगे क्या करने जा रहे हैं? ये कांग्रेस को सोचना है, कांग्रेस जो तय करेगी पप्पू यादव वहां पर खड़ा है। अगर कांग्रेस ये कहती है कि मधेपुरा से लड़े आप तो फिर मधेपुरा से लड़ेंगे? मैंने तो अपना सब कुछ कांग्रेस को समर्पित कर दिया, लेकिन एक अधिकार मुझे है, एक सिंगल अधिकार, अपनी माँ से कहने का बेटे को कि माँ मेरा अधिकार मुझे चाहिए जी। मैंने लालू जी से भी यही बात कहा और कांग्रेस से भी यही कहूंगा कि मेरा अधिकार पूर्णिया है, वो अधिकार आप हमें दीजिए, ठीक है, आगे जो होगा उचित आप करिए, लेकिन पूर्णिया से अलग जा करके उस इमोशंस के साथ मेरे साथ खेलवाड़ की बात होगी, कोई भी पीठ में खुंजर भोंकेगा तो मैं जिंदा नहीं रहूं। तो बिहार की पूर्णिया सीट हाई प्रोफाइल हो चुकी है। पप्पू यादव साफ कह चुके हैं कि वे दुनिया छोड़ देंगे लेकिन लड़ेंगे पूर्णिया से ही। वहीं आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दे दिया है और इस वक्त हमारे साथ खुद पप्पू यादव जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, जी न्यूज पर स्वागत है आपका। जी प्रणाम भैया। जी पप्पू जी, क्या हो गया आखिरकार, जो है आप इतने जोशो खरोश के साथ कांग्रेस में शामिल हुए, महागठबंधन की ओर से चर्चा थी कि आप पूर्णिया से लड़ेंगे, क्या हो गया आखिरकार, कहां गड़बड़ हो गई? देखिए एक बात समझिए, 40 साल की जो मेरी राजनीतिक संघर्ष रही, आपको पता है कि मुझे राजनीति नहीं है, मैं दिल से लोगों के लिए काम करता हूं, ना मेरी नफरत की राजनीति है, ना जात पात की राजनीति है, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति है, मेरी पूरी राजनीति सेवा की है, मदद की है, चाहे वो दिल्ली का सेवा आश्रम हो, चाहे देश भर का हो, चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो, चाहे कोई भी देश के संकट या परिस्थिति में हो, वहां एक मददगार के रूप में और बेटे के रूप में मैं खड़ा होता हूं जी। आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए इसको जोश खरोश की बात नहीं है। हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी मेरे साथ हमेशा मेरे मन में मेरे भाव में रही है जी। मेरा जज्बात रहा है उनके साथ, और मैंने 40 साल के संघर्ष और अपनी पार्टी, जब दो दो बार हम विधानसभा लड़े, 2% 2.5% वोट आया, उसके अकेला जब लोग बटे हुए थे तब की बात मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद इतने लंबे संघर्ष को जो साथियों ने लाठी खाया, और संघर्ष का अकेला नाम था जन अधिकार पार्टी, मैंने निश्चित रूप से लार्जर कॉज के लिए, जो देश का लार्जर कॉज था कि भाई हमें रोकना है बीजेपी को, तो इसके लिए एक कौन सा उचित प्लेटफॉर्म है जिसने 130 करोड़ लोगों को जो दिल जीता है, ठीक है। हम इतनी बारी रैली हुई, हम एक साल से प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया को लेकर के हम घर घर गए, लगातार 8 महीना 6 लाख 6.5 लाख परिवार से मिले, फिर 2 लाख से ज्यादा यहाँ ठेला वाला, रिक्शा वाला, टमटम वाला, दुकानदार, सारे गरीब मैदान में थे, मजदूरी उस दिन मजदूर नहीं किया, उस दिन सब लोग पहुंचे, बच्चे छोटे सभी लोग गए, मेरा तो कोई मतलब नहीं था, ठीक है, हमें तो पूर्णिया में निर्दलीय चुनाव हम लड़े, हमारी माँ भी चुनाव लड़ी, 32,000 से चुनाव हारे, हमें पूर्णिया कभी नहीं हटाया, मधेपुरा जबकि मेरा घर है, लालू यादव जी से जब हम मिले तो हम लालू यादव जी को बेटे की तरह कह दिए कि सर हम पूर्णिया से ही लड़ेंगे और हम पूर्णिया नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, आप जिनको कहिएगा हम मधेपुरा लड़ाइए, हम प्रयास करेंगे मधेपुरा जिताने का, सुपौल जिताने का, आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। अब मैं ये बात अलग, क्या लालू यादव जी क्या हमें जाधव नहीं समझते हैं या अपना बेटा नहीं समझते? पप्पू जी, ये कहा जाता है कि आप जो है भले ही लालू यादव को अपना अभिभावक मानते रहे हो और आप उनके आपकी जो राजनीति है वो शुरू भी लालू यादव के अंडर ही हुई थी, लेकिन लालू यादव कहीं ना कहीं आपको खतरा मानते हैं और इसी वजह से उन्होंने आपको पूर्णिया से टिकट नहीं दिया। देखिए पहले तो समझिए कि मैं निर्दलीय MLA बना था और 83-82 से लालू यादव जी के साथ रहे, यह बात उन्होंने उस दिन भी कही कि जब विपक्ष के नेता से लेकर के एक वोट की जरूरत से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर आज तक जब जब लालू यादव जी पर हमले हुए CBI के अन्य चीजों के, मैं बेटे की तरह खड़ा रहा, हमारा इमोशंस लालू यादव के साथ था, आगे भी रहेगा। मैंने तेजस्वी जी को कहा कि मुख्यमंत्री बनाने में जो भी मेरी छोटी भूमिका होगी एक सिपाही की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे, हम लोग मिलकर काम करेंगे। आज भी मैं कहता हूं कि वो किसी से सर्वे करा ले पूर्णिया, कोई भी
यदि इंडिया गठबंधन का कोई पहला सीट 12 बजे जीतने की स्थिति में होगा तो पूर्णिया होगा किशनगंज से भी ऊपर। ये तो मेरा हम हर घर में यहाँ गोदी में खेले हैं, हमारा हर घर में हमारी जिंदगी है, हमें सीखा है। पप्पू जी, मैं 90 के दशक में सहरसा में रहा करता था और उस वक्त जो है वहां पर चर्चा होती थी कि अगर विकास देखना है तो पूर्णिया में देखिए। पप्पू यादव के वहां जीतने के बाद जो है पूरा चमक चुका है पूर्णिया, इसलिए हमें अच्छी तरह से पता है कि आपने किस तरह से वहां पर विकास किया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से टिकट नहीं मिला है, बीमा भारती को टिकट का ऐलान कर दिया गया है, तो पप्पू यादव जी की अगली रणनीति क्या होगी? क्या वे निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं? दो बात समझिए, मैंने पहले ही जब कह दिया मधेपुरा मैं जानता हूं, मेरा घर है मधेपुरा, कभी भी हमको चुनाव अलग लड़े तो देखिए वहां लालू यादव और पप्पू यादव के बीच पूर्णिया में तो ये बात नहीं है, पूर्णिया तो सीधा बेटा है, सीधा मेरी माँ है जी, वहां राजनीति हो सकती है मधेपुरा में, लेकिन यहाँ तो सीधा कोई राजनीति नहीं होती है, यहाँ तो कोई जाति पाति नहीं होता है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है, जब पप्पू रहता है तो कोई भी चीजें यहाँ खत्म हो जाती है जी। तो मैं जब एक साल और बड़ा पूर्णिया रैली हो गई, दुनिया को पता था, लालू जी से मैं मिल लिया और अपना सब कुछ मैं लार्जर कॉज के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए अपना समर्पण प्रियंका जी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिन्होंने दिल को जीता है भारत के, जब मैंने कर दिया तो निर्णय उन्हें लेना है कि मेरी राजनीतिक भविष्य क्या होगी। चुनाव की बात यदि आप व्यक्तिगत तौर पर हमसे पूछते हैं तो मैं या अपनी भावना, जो मेरा इमोशनल भावना है, जो इमोशन से मेरा पूर्णिया के साथ मेरी फीलिंग है, हमारे इमोशंस को हमारे इमोशंस साफ है, वो क्लियर है। पूर्णिया छोड़ने का मतलब है पप्पू यादव को आत्महत्या करना या चुपचाप जहर खा के मर जाना। ठीक है, आप स्थिति आप समझिए मेरी। इसीलिए यदि चुनाव लड़ने की बात होगी, निर्णय हमारे पार्टी लेंगे, नेतृत्व मैं तो बड़े पूर्णिया कांग्रेस के लिए एक सिपाही की तरह काम करने आया हूं ताकि बिहार में कांग्रेस को नंबर वन कर पाऊं, किसी भी पार्टी से ऊपर हो, तो मेरी लड़ाई कांग्रेस को नंबर वन के लिए है, सिर्फ सीट के लिए नहीं। हमको तो MP MLA नहीं है, तब भी कोरोना में पप्पू यादव, बाढ़ में पप्पू यादव, सबकी सेवा में पप्पू यादव, पद मेरे लिए मैटर नहीं रखता है। ठीक है, नेतृत्व कह तो दे कि आपको नहीं लड़ना है, आपको काम करना है जी। लेकिन मैं यदि लड़ूंगा, मैं मुझसे आप यदि पूछते हैं, हम नेतृत्व को कह दिए यदि हमको लड़ाना होगा तो सर निर्णय पूर्णिया का ही लीजिएगा। अगर कांग्रेस नेतृत्व ने कह दिया कि पप्पू यादव जो है चुनाव पूर्णिया से नहीं लड़ेंगे, फिर क्या करेंगे सर? देखिए एक बात समझिए, कांग्रेस नेतृत्व कह दिया तो मैं कहूंगा ठीक है चुनाव नहीं लड़ूंगा, पूर्णिया छोड़ के कहीं चुनाव नहीं, फिर निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। या मैं तो कह दिया, कांग्रेस को आप नेतृत्व से पूछिए ना, मैंने तो अपना समर्पण कर दिया जी, पूर्णिया तो मेरे लिए भगवान की तरह, और आस्था पे कोई ठोस नहीं, मेरे पूजा में कमी रह गई होगी, हो सकता है मेरी भूल होगी, मेरी भक्ति में कमी रह गई होगी कि हमें लोग महसूस समझ नहीं पाए अपने बेटे को, कोशिश करेंगे और भक्ति करने की जी, पूजा हर घर में पूजा करने की और करेंगे, पूजा और इबादत में आने वाले समय में कोई कमी नहीं रखेंगे, लेकिन मुझे कोई पूर्णिया के आत्मसम्मान और उस भावनाओं के साथ खेलवाड़ करके पप्पू यादव को झुकाने की बात, इससे बेहतर है खुद को मार लेना, झुकने से बेहतर। ठीक है, हम झुकेंगे तो सिर्फ पूर्णिया के सामने जी, अपने भगवान के सामने, दुनिया में मर जाएंगे कहीं नहीं झुकेंगे। कहा यह भी जा रहा है, जानकार लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में जो सीटों का बंटवारा हुआ है, RJD ने सारी मलाई अपने पास रख ली है और मट्ठा और छाछ जो है वो कांग्रेस को दिया है, और यही वजह है कि जहां पर पूर्णिया सीट दमदार मानी जा रही थी महागठबंधन के लिए, वही उसी वजह से जो है वो अपने पास RJD ने रख ली है। देखिए मैं तो इसमें कहीं मीटिंग में नहीं था, ना मुझे किसी चीजों में था, वो तो कांग्रेस नेतृत्व हमारे शीर्षस्थ लीडर है और प्रभारी हमारे लीडर है, प्रभारी गंभीर आदमी है और मुकुल जी काम करते थे, तो मैं तो उसमें कहीं था नहीं, वो तो देखने की जिम्मेदारी उनकी होगी। लेकिन किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये कांग्रेस की एक सबसे बड़ी ताकत है जी, और कांग्रेस को इस तीनों सीट पर अपनी अधिकार और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, रखे भी होंगे, जैसे औरंगाबाद कांग्रेस की सीट है, वाल्मीकि नगर कांग्रेस की सीट है जी, मैं मानता हूं, जो समस्तीपुर कांग्रेस की सीट है,
जो मैंने देखा आज तक, और यह इलाका तो कांग्रेस की ही है जी। तो इसीलिए कांग्रेस को तय करना है तीनों सीट पर या अन्य जगहों पर, उसमें मैं कहीं नहीं हूं। मैं इतना जानता हूं कि मैं कांग्रेस के लिए खाद बनने को तैयार हूं। मेरा इमोशंस पूर्णिया के साथ है, मेरा समर्पण पूर्णिया के साथ है जी। मैं इस समर्पण से अलग नहीं हो सकता हूं, ये मैडम को भी मैंने आज कह दी जी। और मैं कंप्लीट रूप से पूर्णिया में हूं, ठीक है। मैं पर्वों में हूं, होली थी, रमजान है, मैं अपने घर में हूं, मुझे मेरी अपनी माँ से, अपने घर से कोई अच्छा निकाल नहीं सकता। पप्पू जी, जब लालू यादव जी से आपने मुलाकात की थी और आपने कहा था कि आप पूर्णिया से ही लड़ेंगे, तो उन्होंने क्या कहा था? कोई भरोसा दिया था या उन्होंने तब भी मना किया? नहीं, उन्होंने कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करिए और आप मधेपुरा लड़िए। मैंने कहा कि परिवार और कांग्रेस फैमिली से भी मैं बात कर लेता हूं, लेकिन मैं पूर्णिया लड़ूंगा गार्जन, मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा जी। ये बात मैंने उनसे वहीं पर कह दी। आप पूछ लीजिए उनसे, और मैं आज भी उनको गार्जन मानूंगा, कल भी मानूंगा, और मैं लड़ू ना लड़ू, मैं पूर्णिया रहूं, मैं कोशिश करूंगा इंडिया गठबंधन मजबूत हो और भारत को बचाया जाए जी। ये कोशिश मेरी जारी जी। अगर जब लालू यादव से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप मधेपुरा लड़िए, वो आरजेडी के पास ही रहेगी पूर्णिया सीट, तब क्या ये बात नहीं हुई कि आप आरजेडी में शामिल होकर पूर्णिया से लड़ लें, सीट भी रह जाती और आपका जो है पूर्णिया का गढ़ भी बचा रह जाता? देखिए, मुझे तो एक बिगर प्लेटफॉर्म पहले से, जब कांग्रेस परिवार हम पर विश्वास कर रहा था और कांग्रेस को लग रहा था, रंजीत रंजन जी 19 सालों से 20 सालों से कांग्रेस में, उनका जो रिश्ता है एक परिवार का, माँ और बेटी का सोनिया जी के साथ, तो फिर पप्पू यादव को नहीं। सर, मेरा सवाल यह कि गठबंधन के तहत कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरी पार्टियों के नेता होते हैं वो सहयोगी दल के सिंबल पर वहां से चुनाव लड़ते हैं, इससे आधिकारिक तौर पर वो सीट जो है उसके खाते में रह जाती है? नहीं, मधेपुरा के लिए उन्होंने ज्वाइनिंग की बात की, सुपौल के लिए बात की, मैं पूर्णिया के लिए उनसे आग्रह किया था, और जिस दिन मैं ज्वाइन किया शायद उसी दिन उन्होंने टिकट दे दिया होगा कि क्या क्या हो तो मैं नहीं जानता हूं। वो कांग्रेस को देखना है, ठीक है, वो मेरे गार्जियन है, उनका आदेश सर्वोपरि है, लेकिन मैं पूर्णिया के इमोशंस के साथ हूं, उस फीलिंग के साथ हूं जी। मैं पूर्णिया के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। पप्पू जी, पूर्णिया सीट को लेकर के क्या कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी, किसी ने आपको भरोसा दिया था कि आप पार्टी में आएंगे तो आपको उस सीट से लड़ाया जाएगा? अच्छा, कांग्रेस में कहां भरोसे की बात है? कांग्रेस में कौन सा बार्गेनिंग करने की? कांग्रेस जब मेरी माँ है तो पूरा भरोसा है एक माँ पर जी, और एक विचारधारा पर। इसमें बार्गेनिंग करना है, इसमें पूछना है किसी से? कांग्रेस में आप आइडियोलॉजी की भी बात करते हैं और यह कह के जब दुनिया को पता है पूर्णिया से मुझे लड़ना है, तो इसमें एक बात क्या करनी थी? प्रियंका जी वैसे ही एक जीनियस लीडर है, डायनेमिक और डैशिंग लीडर है, बात करने का क्या गुंजाइश है जी? प्रियंका जी, राहुल गांधी जी को देखना है पप्पू यादव के बारे में, और पप्पू यादव नोन है, कोई ऐसा तो है नहीं, पूरी दुनिया पप्पू यादव के बारे में जानना चाहती है, पूरा देश जानना चाहती है, हर विपक्ष हो या कोई हो पप्पू यादव के साथ उसका एक सेंटिमेंट है। मैं तो कह ही रहा हूं कि मुझसे, मैं कांग्रेस के साथ सौदा करना नहीं ना करके मैं आता भाई जी, औरों की तरह मेरे साथ क्या होता? कांग्रेस के साथ, जिस पार्टी के साथ रहो, मदर फीलिंग के साथ रहो जी। पप्पू जी, बीमा भारती को टिकट दिया गया आरजेडी की तरफ से, जेडीयू से ला करके उनको जो है उम्मीदवार बनाया गया है, फिर पप्पू यादव में क्या खराबी थी कि भाई पप्पू यादव तो पहले भी साथ में रह चुके हैं, इतना दशकों पुराना जुड़ाव है? तो ये बात तो हमारे नेता बोलेंगे ना, लालू जी ना, कि हमें क्या खराबी थी, हमने कौन सा गुनाह कर दिया था? जब वो ज्वाइन करा के मधेपुरा लड़ा ही रहे थे और हम एक परिवार में ज्वाइन कर लिए और दोनों परिवार एक साथ लड़ रही है, और वो बड़े भाई हैं कांग्रेस यहाँ पर, छोटे भाई हैं बिहार में, लार्जर सोच में, और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है जी। लेकिन गठबंधन धर्म में तो मैं था ही, तो जब मैं गठबंधन धर्म में ज्वाइन कर ही लिया और हम उनके परिवार के हिस्सा रहे हैं और हमेशा लालू जी के साथ रहे हैं, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू यादव जी को यह खतरा लगा कि पप्पू यादव जैसा जो है कर्मठ जुझारू नेता जो कि जनता के बीच रहता है, अगर आगे पनपता है तो तेजस्वी यादव के लिए खतरा हो सकता है?
सर यदि मेरे फेट में वक्त पप्पू यादव को और कांग्रेस का विश्वास, तो हम कांग्रेस के लिए ना संघर्ष करेंगे, नंबर वन पार्टी हो। और तेजस्वी यादव जी को तो मैंने कह दिया मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम एक भाई की तरह खड़े रहेंगे, और उनको डिप्टी सीएम बनना था तो उनके फेट में था, तो उन्होंने रह करके काम किया ना, बने ना, तो उसमें डर की क्या गुंजाइश है जी। लालू यादव जी एक स्टॉलवार्ड नाम है, लालू यादव जी जैसे व्यक्ति को एक अपने बेटे से पप्पू से क्या डर, आप बताइए ना, सवाल नहीं उठता जी। एक बेटा से किसी बाप को डर हो, तो इसीलिए डर की तो कोई गुंजाइश नहीं। भाइयों के बीच महाभारत भी हुई है सर, अगर आप जो है तेजस्वी यादव को भाई कहते हैं तो भाइयों के बीच तो भारत में महाभारत भी हुई है। सर एक बात सुनिए, दुर्योधन और अर्जुन में चुनना पड़ा ना कृष्ण को, तो अर्जुन को चुना। भाइयों के बीच आप कह रहे हैं महाभारत हुआ है, मैं आज भी कहता हूं कि भाइयों के बीच में सहमति भी हुई है, भाइयों के बीच में बराबरी का हिस्सा भी हुआ है, भाइयों के बीच में बड़े भाई छोटे भाई के साथ चलने का स्वीकार भी हुआ है, हम लोग मिलकर भी काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कल जो महाभारत हुआ आज भी उसी तरह को दोहराया जाए, आज एक नई सोच के साथ, बिगर लार्जर सोच के साथ हम काम करते हैं जी, और उस तरीके से काम करने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, तो सवाल नहीं उठता है कल महाभारत कब की कथा है, आज नई सोच के साथ युवा पीढ़ी बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। मैं पूर्णिया को नंबर वन, कोसी सीमांचल को देखना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में राजनीति है ही नहीं, मैं हर परिवार को भगवान की तरह पूजा करता हूँ। इस पूर्णिया और इस इलाके की माँ बेटा बेटी, माँ और बेटी बहन सबसे ज्यादा पप्पू यादव के मुस्कुराना चाहती है जी। सबसे ज्यादा पप्पू यादव को अपने, अच्छा पप्पू यादव अपना जो फ्यूचर कोर्स होगा, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा, वो कितने दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी, कब तक ये साफ हो जाएगा कि पप्पू यादव आगे क्या करने जा रहे हैं? ये कांग्रेस को सोचना है, कांग्रेस जो तय करेगी पप्पू यादव वहां पर खड़ा है। अगर कांग्रेस ये कहती है कि मधेपुरा से लड़े आप, तो फिर मधेपुरा से लड़ेंगे? मैंने तो अपना सब कुछ कांग्रेस को समर्पित कर दिया, लेकिन एक अधिकार मुझे है, एक सिंगल अधिकार, अपनी माँ से कहने का बेटे को कि माँ मेरा अधिकार मुझे चाहिए जी। मैंने लालू जी से भी यही बात कहा और कांग्रेस से भी यही कहूंगा कि मेरा अधिकार पूर्णिया है, वो अधिकार आप हमें दीजिए, ठीक है, आगे जो होगा उचित आप करिए, लेकिन पूर्णिया से अलग जा करके उस इमोशंस के साथ मेरे साथ खेलवाड़ की बात होगी, कोई भी पीठ में खुंजर भोंकेगा तो मैं जिंदा नहीं रहूं। तो बिहार की पूर्णिया सीट हाई प्रोफाइल हो चुकी है, पप्पू यादव साफ कह चुके हैं कि वे दुनिया छोड़ देंगे लेकिन लड़ेंगे पूर्णिया से ही। वहीं आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दे दिया है और इस वक्त हमारे साथ खुद पप्पू यादव जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, जी न्यूज पर स्वागत है आपका। जी प्रणाम भैया। जी पप्पू जी, क्या हो गया आखिरकार, जो है आप इतने जोशो खरोश के साथ कांग्रेस में शामिल हुए, महागठबंधन की ओर से चर्चा थी कि आप पूर्णिया से लड़ेंगे, क्या हो गया आखिरकार, कहां गड़बड़ हो गई? देखिए एक बात समझिए, 40 साल की जो मेरी राजनीतिक संघर्ष रही, आपको पता है कि मुझे राजनीति नहीं है, मैं दिल से लोगों के लिए काम करता हूं, ना मेरी नफरत की राजनीति है, ना जात पात की राजनीति है, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति है, मेरी पूरी राजनीति सेवा की है, मदद की है, चाहे वो दिल्ली का सेवा आश्रम हो, चाहे देश भर का हो, चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो, चाहे कोई भी देश के संकट या परिस्थिति में हो, वहां एक मददगार के रूप में और बेटे के रूप में मैं खड़ा होता हूं जी। आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए इसको जोश खरोश की बात नहीं है। हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी मेरे साथ हमेशा मेरे मन में, मेरे भाव में रही है जी। मेरा जज्बात रहा है उनके साथ, और मैंने 40 साल के संघर्ष और अपनी पार्टी, जब दो दो बार हम विधानसभा लड़े, पौने 2% 2.5% वोट आया उसके अकेला, जब लोग बटे हुए थे तब की बात मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद इतने लंबे संघर्ष को जो साथियों ने लाठी खाया, और संघर्ष का अकेला नाम था जन अधिकार पार्टी, मैंने निश्चित रूप से लार्जर कॉज के लिए, जो देश का लार्जर कॉज था कि भाई हमें रोकना है बीजेपी को, तो इसके लिए एक कौन सा उचित प्लेटफॉर्म है जिसने 130 करोड़ लोगों को जो दिल जीता है, ठीक है। हम इतनी बारी रैली हुई, हम एक साल से प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया को लेकर के हम घर घर गए,
लगातार 8 महीना 6 लाख 6.5 लाख परिवार से मिले, फिर 2 लाख से ज्यादा यहाँ ठेला वाला, रिक्शा वाला, टमटम वाला, दुकानदार, सारे गरीब मैदान में थे। मजदूरी उस दिन मजदूर नहीं किया, उस दिन सब लोग पहुंचे, बच्चे छोटे सभी लोग गए। मेरा तो कोई मतलब नहीं था, ठीक है, हमें तो पूर्णिया में निर्दलीय चुनाव हम लड़े, हमारी माँ भी चुनाव लड़ी, 32 हजार से चुनाव हारे, हमें पूर्णिया कभी नहीं हटाया। मधेपुरा जबकि मेरा घर है, लालू यादव जी से जब हम मिले तो हम लालू यादव जी को बेटे की तरह कह दिए कि सर हम पूर्णिया से ही लड़ेंगे और हम पूर्णिया नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप जिनको कहिएगा हम मधेपुरा लड़ाइए, हम प्रयास करेंगे मधेपुरा जिताने का, सुपौल जिताने का, आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। अब मैं ये बात अलग, क्या लालू यादव जी क्या हमें जाधव नहीं समझते हैं या अपना बेटा नहीं समझते? पप्पू जी, ये कहा जाता है कि आप जो है भले ही लालू यादव को अपना अभिभावक मानते रहे हो और आप उनके आपकी जो राजनीति है वो शुरू भी लालू यादव के अंडर ही हुई थी, लेकिन लालू यादव कहीं ना कहीं आपको खतरा मानते हैं और इसी वजह से उन्होंने आपको पूर्णिया से टिकट नहीं दिया। देखिए पहले तो समझिए कि मैं निर्दलीय एमएलए बना था और 83-82 से लालू यादव जी के साथ रहे। यह बात उन्होंने उस दिन भी कही कि जब विपक्ष के नेता से लेकर के एक वोट की जरूरत से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर आज तक जब जब लालू यादव जी पर हमले हुए सीबीआई के अन्य चीजों के, मैं बेटे की तरह खड़ा रहा, हमारा इमोशंस लालू यादव के साथ था, आगे भी रहेगा। मैंने तेजस्वी जी को कहा कि मुख्यमंत्री बनाने में जो भी मेरी छोटी भूमिका होगी एक सिपाही की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे, हम लोग मिलकर काम करेंगे। आज भी मैं कहता हूं कि वो किसी से सर्वे करा ले पूर्णिया, कोई भी, यदि इंडिया गठबंधन का कोई पहला सीट 12 बजे जीतने की स्थिति में होगा तो वो पूर्णिया होगा, किशनगंज से भी ऊपर। ये तो मेरा, हमें हम हर घर में यहाँ गोदी में खेले हैं, हमारा हर घर में हमारी जिंदगी है, हमें सीखा है। पप्पू जी, मैं 90 के दशक में सहरसा में रहा करता था और उस वक्त जो है वहां पर चर्चा होती थी कि अगर विकास देखना है तो पूर्णिया में देखिए, पप्पू यादव के वहां जीतने के बाद जो है पूरा चमक चुका है पूर्णिया, इसलिए हमें अच्छी तरह से पता है कि आपने किस तरह से वहां पर विकास किया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से टिकट नहीं मिला है, बीमा भारती को टिकट का ऐलान कर दिया गया है, तो पप्पू यादव जी की अगली रणनीति क्या होगी? क्या वे निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं? दो बात समझिए, मैंने पहले ही जब कह दिया मधेपुरा मैं जानता हूं मेरा घर है, मधेपुरा कभी भी हमको चुनाव अलग लड़े तो देखिए वहां लालू यादव और पप्पू यादव के बीच पूर्णिया में तो ये बात नहीं है, पूर्णिया तो सीधा बेटा है, सीधा मेरी माँ है जी, वहां राजनीति हो सकती है मधेपुरा में, लेकिन यहाँ तो सीधा कोई राजनीति नहीं होती है, यहाँ तो कोई जाति पाति नहीं होता है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है, जब पप्पू रहता है तो कोई भी चीजें यहाँ खत्म हो जाती है जी। तो मैं जब एक साल और बड़ा पूर्णिया रैली हो गई, दुनिया को पता था लालू जी से मैं मिल लिया और अपना सब कुछ मैं लार्जर कॉज के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए अपना समर्पण प्रियंका जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिन्होंने दिल को जीता है भारत पे, जब मैंने कर दिया तो निर्णय उन्हें लेना है कि मेरी राजनीतिक भविष्य क्या होगी। चुनाव की बात यदि आप व्यक्तिगत तौर पर हमसे पूछते हैं तो मैं या अपनी भावना, जो मेरा इमोशनल भावना है, जो इमोशन से मेरा पूर्णिया के साथ मेरी फीलिंग है, हमारे इमोशंस को हमारे इमोशंस साफ है, वो क्लियर है। पूर्णिया छोड़ने का मतलब है पप्पू यादव को आत्महत्या करना या चुपचाप जहर खा के मर जाना। ठीक है, आप स्थिति आप समझिए मेरी, इसीलिए यदि चुनाव लड़ने की बात होगी निर्णय हमारे पार्टी लेंगे, नेतृत्व मैं तो बड़े पूर्णिया कांग्रेस के लिए एक सिपाही की तरह काम करने आया हूं ताकि बिहार में कांग्रेस को नंबर वन कर पाऊं, किसी भी पार्टी से ऊपर हो, तो मेरी लड़ाई कांग्रेस को नंबर वन के लिए है, सिर्फ सीट के लिए नहीं। हमको तो एमपी एमएलए नहीं है, तब भी कोरोना में पप्पू यादव, बाढ़ में पप्पू यादव, सबकी सेवा में पप्पू यादव, पद मेरे लिए मैटर नहीं रखता है। ठीक है, नेतृत्व कह तो दे कि आपको नहीं लड़ना है, आपको काम करना है जी। लेकिन मैं यदि लड़ूंगा, मैं मुझसे आप यदि पूछते हैं, हम नेतृत्व को कह दिए यदि हमको लड़ाना होगा तो सर निर्णय पूर्णिया का ही लीजिएगा। हम अगर कांग्रेस नेतृत्व ने कह दिया कि पप्पू यादव जो है चुनाव पूर्णिया से नहीं लड़ेंगे, फिर क्या करेंगे सर? देखिए एक बात समझिए, कांग्रेस नेतृत्व कह दिया तो मैं कहूंगा ठीक है चुनाव नहीं लड़ूंगा, पूर्णिया छोड़ के कहीं चुनाव नहीं, फिर निर्दलीय नहीं लड़ेंगे?
भैया मैं तो कह दिया कांग्रेस को आप नेतृत्व से पूछिए ना, मैंने तो अपना समर्पण कर दिया जी। पूर्णिया तो मेरे लिए भगवान के तरह, और आस्था पे कोई ठोस नहीं, मेरे पूजा में कमी रह गई होगी, हो सकता है मेरी भूल होगी, मेरी भक्ति में कमी रह गई होगी कि हमें लोग महसूस समझ नहीं पाए अपने बेटे को, कोशिश करेंगे और भक्ति करने की जी, पूजा हर घर में पूजा करने की और करेंगे, पूजा और इबादत में आने वाले समय में कोई कमी नहीं रखेंगे। लेकिन मुझे कोई पूर्णिया के आत्मसम्मान और उस भावनाओं के साथ खेलवाड़ करके पप्पू यादव को झुकाने की बात, इससे बेहतर है खुद को मार लेना झुकने से बेहतर। ठीक है, हम झुकेंगे तो सिर्फ पूर्णिया के सामने जी, अपने भगवान के सामने, दुनिया में मर जाएंगे कहीं नहीं झुकेंगे। कहा यह भी जा रहा है, जानकार लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में जो सीटों का बंटवारा हुआ है, आरजेडी ने सारी मलाई अपने पास रख ली है और मट्ठा और छाछ जो है वो कांग्रेस को दिया है, और यही वजह है कि जहां पर पूर्णिया सीट दमदार मानी जा रही थी महागठबंधन के लिए, वही उसी वजह से जो है वो अपने पास आरजेडी ने रख ली है। देखिए मैं तो इसमें कहीं मीटिंग में नहीं था, ना मुझे किसी चीजों में था, वो तो कांग्रेस नेतृत्व हमारे शीर्षस्थ लीडर है और प्रभारी हमारे लीडर है, प्रभारी गंभीर आदमी है और मुकुल जी काम करते थे, तो मैं तो उसमें कहीं था नहीं, वो तो देखने की जिम्मेदारी उनकी होगी। लेकिन किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये कांग्रेस की एक सबसे बड़ी ताकत है जी, और कांग्रेस को इस तीनों सीट पर अपनी अधिकार और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, रखे भी होंगे। जैसे औरंगाबाद कांग्रेस की सीट है, वाल्मीकि नगर कांग्रेस की सीट है जी, मैं मानता हूं, जो समस्तीपुर कांग्रेस की सीट है, जो मैंने देखा है आज तक, और यह इलाका तो कांग्रेस की ही है जी। तो इसीलिए कांग्रेस को तय करना है तीनों सीट पर या अन्य जगहों पर, उसमें मैं कहीं नहीं हूं। मैं इतना जानता हूं कि मैं कांग्रेस के लिए खाद बनने को तैयार हूं, मेरा इमोशंस पूर्णिया के साथ है, मेरा समर्पण पूर्णिया के साथ है जी। मैं इस समर्पण से अलग नहीं हो सकता हूं, ये मैडम को भी मैंने आज कह दी जी, और मैं कंप्लीट रूप से पूर्णिया में हूं। ठीक है, मैं पर्वों में हूं, होली थी, रमजान है, मैं अपने घर में हूं, मुझे मेरी अपनी माँ से, अपने घर से कोई अच्छा निकाल नहीं सकता। पप्पू जी, जब लालू यादव जी से आपने मुलाकात की थी और आपने कहा था कि आप पूर्णिया से ही लड़ेंगे, तो उन्होंने क्या कहा था, कोई भरोसा दिया था या उन्होंने तब भी मना किया? नहीं, उन्होंने कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करिए और आप मधेपुरा लड़िए। मैंने कहा कि परिवार और कांग्रेस फैमिली से भी मैं बात कर लेता हूं, लेकिन मैं पूर्णिया लड़ूंगा गार्जियन, मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा जी। ये बात मैंने उनसे वहीं पर कह दी, आप पूछ लीजिए उनसे, और मैं आज भी उनको गार्जियन मानूंगा, कल भी मानूंगा, और मैं लड़ू ना लड़ू, मैं पूर्णिया रहूं, मैं कोशिश करूंगा इंडिया गठबंधन मजबूत हो और भारत को बचाया जाए जी, ये कोशिश मेरी जारी। अपू जी, अगर जब लालू यादव से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप मधेपुरा लड़िए, वो आरजेडी के पास ही रहेगी पूर्णिया सीट, तब क्या ये बात नहीं हुई कि आप आरजेडी में शामिल होकर पूर्णिया से लड़ लें, सीट भी रह जाती और आपका जो है पूर्णिया का गढ़ भी बचा रह जाता? देखिए मुझे तो एक बिगर प्लेटफॉर्म पहले से, जब कांग्रेस परिवार हम पर विश्वास कर रहा था और कांग्रेस को लग रहा था, रंजीत रंजन जी 19 सालों से 20 सालों से कांग्रेस में, उनका जो रिश्ता है एक परिवार का, माँ और बेटी का सोनिया जी के साथ, तो फिर पप्पू यादव को नहीं। सर, मेरा सवाल यह है कि गठबंधन के तहत कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरी पार्टियों के नेता होते हैं वो सहयोगी दल के सिंबल पर वहां से चुनाव लड़ते हैं, इससे आधिकारिक तौर पर वो सीट जो है उसके खाते में रह जाती है? नहीं, मधेपुरा के लिए उन्होंने ज्वाइनिंग की बात की, सुपौल के लिए बात की, मैं पूर्णिया के लिए उनसे आग्रह किया था, और जिस दिन मैं ज्वाइन किया शायद उसी दिन उन्होंने टिकट दे दिया होगा कि क्या क्या, वो तो मैं नहीं जानता हूँ, वो कांग्रेस को देखना है, ठीक है, वो मेरे गार्जियन है, उनका आदेश सर्वोपरि है, लेकिन मैं पूर्णिया के इमोशंस के साथ हूँ, उस फीलिंग के साथ हूँ जी, मैं पूर्णिया के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। पप्पू जी, पूर्णिया सीट को लेकर के क्या कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी, किसी ने आपको भरोसा दिया था कि आप पार्टी में आएंगे तो आपको उस सीट से लड़ाया जाएगा? अच्छा, कांग्रेस में कहां भरोसे की बात है, कांग्रेस में कौन सा बार्गेनिंग करने की, कांग्रेस अब मेरी माँ है तो पूरा भरोसा है एक माँ पर जी और एक विचारधारा पर, इसमें बार्गेनिंग करना है, इसमें पूछना है किसी से? कांग्रेस में आप आइडियोलॉजी की भी बात करते हैं और यह कह के
जब दुनिया को पता है पूर्णिया से मुझे लड़ना है तो इसमें एक बात क्या करनी थी। प्रियंका जी वैसे ही एक जीनियस लीडर है, डायनेमिक और डैशिंग लीडर है, बात करने का क्या गुंजाइश है। प्रियंका जी राहुल गांधी जी को देखना है पप्पू यादव के बारे में, और पप्पू यादव नोन है, कोई ऐसा तो है नहीं, पूरी दुनिया पप्पू यादव के बारे में जानना चाहती है, पूरा देश जानना चाहती है, हर विपक्ष हो या कोई हो पप्पू यादव के साथ उसका एक सेंटीमेंट है। मैं तो कह ही रहा हूं कि मुझसे मैं कांग्रेस के साथ सौदा करना नहीं ना करके मैं आता भाई, औरों की तरह मेरे साथ क्या होता, कांग्रेस के साथ जिस पार्टी के साथ रहो मदर फीलिंग के साथ रहो। जी पप्पू जी, बीमा भारती को टिकट दिया गया आरजेडी की तरफ से, जेडीयू से ला करके उनको जो है उम्मीदवार बनाया गया है, फिर पप्पू यादव में क्या खराबी थी कि भाई पप्पू यादव तो पहले भी साथ में रह चुके हैं, इतना दशकों पुराना जुड़ाव है। तो ये बात तो हमारे नेता बोलेंगे ना लालू जी ना, कि हमें क्या खराबी थी, हमने कौन सा गुनाह कर दिया था, जब वो ज्वाइन करा के मधेपुरा लड़ा ही रहे थे और हम एक परिवार में ज्वाइन कर लिए और दोनों परिवार एक साथ लड़ रही है और वो बड़े भाई हैं कांग्रेस यहाँ पर, छोटे भाई हैं बिहार में, लार्जर सोच में, और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है जी। लेकिन गठबंधन धर्म में तो मैं था ही, तो जब मैं गठबंधन धर्म में ज्वाइन कर ही लिया और हम उनके परिवार के हिस्सा रही हैं और हमेशा लालू जी के साथ रहे हैं, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू यादव जी को यह खतरा लगा कि पप्पू यादव जैसा जो है कर्मठ जुझारू नेता जो कि जनता के बीच रहता है अगर आगे पनपता है तो तेजस्वी यादव के लिए खतरा हो सकता है। सर यदि मेरे फेट में अब पप्पू यादव को और कांग्रेस का विश्वास, तो हम कांग्रेस के लिए ना संघर्ष करेंगे, नंबर वन पार्टी हो, और तेजस्वी यादव जी को तो मैंने कह दिया मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम एक भाई की तरह खड़े रहेंगे, और उनको डिप्टी सीएम बनना था तो उनके फेट में था, तो उन्होंने रह करके काम किया ना, बने ना, तो उसमें डर की क्या गुंजाइश है जी। लालू यादव जी एक स्टॉलवार्ड नाम है, लालू यादव जी जैसे व्यक्ति को एक अपने बेटे से पप्पू से क्या डर, आप बताइए ना, सवाल नहीं उठता जी। एक बेटा से किसी बाप को डर हो, तो इसीलिए डर की तो कोई गुंजाइश नहीं। भाइयों के बीच महाभारत भी हुई है सर, अगर आप जो है तेजस्वी यादव को भाई कहते हैं तो भाइयों के बीच तो भारत में महाभारत भी हुई है। सर एक बात सुनिए, दुर्योधन और अर्जुन में चुनना पड़ा ना कृष्ण को, तो अर्जुन को चुना, भाइयों के बीच आप कह रहे हैं महाभारत हुआ है, मैं आज भी कहता हूं कि भाइयों के बीच में सहमति भी हुई है, भाइयों के बीच में बराबरी का हिस्सा भी हुआ है, भाइयों के बीच में बड़े भाई छोटे भाई के साथ चलने का स्वीकार भी हुआ है, हम लोग मिलकर भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कल जो महाभारत हुआ आज भी उसी तरह को दोहराया जाए, आज एक नई सोच के साथ बिगर लार्जर सोच के साथ हम काम करते हैं जी, और उस तरीके से काम करने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा तो सवाल नहीं उठता है, कल महाभारत कब की कथा है, आज नई सोच के साथ युवा पीढ़ी बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, मैं पूर्णिया को नंबर वन कोशी सीमांचल को देखना चाहता हूं जी। मेरी जिंदगी में राजनीति है ही नहीं, मैं हर परिवार को भगवान की तरह पूजा करता हूं, इस पूर्णिया और इस इलाके की माँ बेटा बेटी, माँ और बेटी बहन सबसे ज्यादा पप्पू यादव के मुस्कुराना चाहती है जी। सबसे ज्यादा पप्पू यादव को अपने, अच्छा पप्पू यादव अपना जो फ्यूचर कोर्स होगा, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा, वो कितने दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी, कब तक ये साफ हो जाएगा कि पप्पू यादव आगे क्या करने जा रहे हैं? ये कांग्रेस को सोचना है, कांग्रेस जो तय करेगी पप्पू यादव वहां पर खड़ा है। अगर कांग्रेस ये कहती है कि मधेपुरा से लड़े आप, तो फिर मधेपुरा से लड़ेंगे? मैंने तो अपना सब कुछ कांग्रेस को समर्पित कर दिया, लेकिन एक अधिकार मुझे है, एक सिंगल अधिकार, अपनी माँ से कहने का बेटे को कि माँ मेरा अधिकार मुझे चाहिए जी। मैंने लालू जी से भी यही बात कहा और कांग्रेस से भी यही कहूंगा कि मेरा अधिकार पूर्णिया है, वो अधिकार आप हमें दीजिए, ठीक है, आगे जो होगा उचित आप करिए, लेकिन पूर्णिया से अलग जा करके उस इमोशंस के साथ मेरे साथ खेलवाड़ की बात होगी, कोई भी पीठ में खुंजर भोंकेगा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो बिहार की पूर्णिया सीट हाई प्रोफाइल हो चुकी है, पप्पू यादव साफ कह चुके हैं कि वे दुनिया छोड़ देंगे लेकिन लड़ेंगे पूर्णिया से ही, वहीं आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दे दिया है और इस वक्त हमारे साथ खुद पप्पू यादव जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, जी न्यूज पर स्वागत है आपका। जी प्रणाम भैया।
जी पप्पू जी, क्या हो गया आखिरकार? जो है आप इतने जोशो खरोश के साथ कांग्रेस में शामिल हुए, महागठबंधन की ओर से चर्चा थी कि आप पूर्णिया से लड़ेंगे, क्या हो गया आखिरकार, कहां गड़बड़ हो गई? देखिए एक बात समझिए, 40 साल की जो मेरी राजनीतिक संघर्ष रही, आपको पता है कि मुझे राजनीति नहीं है, मैं दिल से लोगों के लिए काम करता हूं, ना मेरी नफरत की राजनीति है, ना जात पात की राजनीति है, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति है, मेरी पूरी राजनीति सेवा की है, मदद की है, चाहे वो दिल्ली का सेवा आश्रम हो, चाहे देश भर का हो, चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो, चाहे कोई भी देश के संकट या परिस्थिति में हो, वहाँ एक मददगार के रूप में और बेटे के रूप में मैं खड़ा होता हूँ जी, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए इसको जोश खरोश की बात नहीं है। हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी मेरे साथ हमेशा मेरे मन में मेरे भाव में रही है जी, मेरा जज्बात रहा है उनके साथ, और मैंने 40 साल के संघर्ष और अपनी पार्टी, जब दो दो बार हम विधानसभा लड़े, पौने 2% 2.5% वोट आया उसके अकेला, जब लोग बटे हुए थे तब की बात मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद इतने लंबे संघर्ष को जो साथियों ने लाठी खाया, और संघर्ष का अकेला नाम था जन अधिकार पार्टी, मैंने निश्चित रूप से लार्जर कॉज के लिए, जो देश का लार्जर कॉज था कि भाई हमें रोकना है बीजेपी को, तो इसके लिए एक कौन सा उचित प्लेटफॉर्म है जिसने 130 करोड़ लोगों को जो दिल जीता है, ठीक है। हम इतनी बारी रैली हुई, हम एक साल से प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया को लेकर के हम घर घर गए, लगातार 8 महीना 6 लाख 6.5 लाख परिवार से मिले, फिर 2 लाख से ज्यादा यहाँ ठेला वाला, रिक्शा वाला, टमटम वाला, दुकानदार, सारे गरीब मैदान में थे, मजदूरी उस दिन मजदूर नहीं किया, उस दिन सब लोग पहुंचे, बच्चे छोटे सभी लोग गए, मेरा तो कोई मतलब नहीं था, ठीक है, हमें तो पूर्णिया में निर्दलीय चुनाव हम लड़े, हमारी माँ भी चुनाव लड़ी, 32 हजार से चुनाव हारे, हमें पूर्णिया कभी नहीं हटाया, मधेपुरा जबकि मेरा घर है, लालू यादव जी से जब हम मिले तो हम लालू यादव जी को बेटे की तरह कह दिए कि सर हम पूर्णिया से ही लड़ेंगे और हम पूर्णिया नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, आप जिनको कहिएगा, हम मधेपुरा लड़ाइए, हम प्रयास करेंगे मधेपुरा जिताने का, सुपौल जिताने का, आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। अब मैं ये बात अलग, क्या लालू यादव जी क्या हमें जाधव नहीं समझते हैं या अपना बेटा नहीं समझते? पप्पू जी, ये कहा जाता है कि आप जो है भले ही लालू यादव को अपना अभिभावक मानते रहे हो और आप उनके आपकी जो राजनीति है वो शुरू भी लालू यादव के अंडर ही हुई थी, लेकिन लालू यादव कहीं ना कहीं आपको खतरा मानते हैं और इसी वजह से उन्होंने आपको पूर्णिया से टिकट नहीं दिया। देखिए पहले तो समझिए कि मैं निर्दलीय एमएलए बना था और 83-82 से लालू यादव जी के साथ रहे, यह बात उन्होंने उस दिन भी कही कि जब विपक्ष के नेता से लेकर के एक वोट की जरूरत से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर आज तक जब जब लालू यादव जी पर हमले हुए सीबीआई के अन्य चीजों के, मैं बेटे की तरह खड़ा रहा, हमारा इमोशंस लालू यादव के साथ था, आगे भी रहेगा। मैंने तेजस्वी जी को कहा कि मुख्यमंत्री बनाने में जो भी मेरी छोटी भूमिका होगी, एक सिपाही की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे, हम लोग मिलकर काम करेंगे। आज भी मैं कहता हूं कि वो किसी से सर्वे करा ले पूर्णिया, कोई भी, यदि इंडिया गठबंधन का कोई पहला सीट 12 बजे जीतने की स्थिति में होगा तो वो पूर्णिया होगा, किशनगंज से भी ऊपर। ये तो मेरा, हमें हम हर घर में यहाँ गोदी में खेले हैं, हमारा हर घर में हमारी जिंदगी है, हमें सीखा है। पप्पू जी, मैं 90 के दशक में सहरसा में रहा करता था और उस वक्त जो है वहां पर चर्चा होती थी कि अगर विकास देखना है तो पूर्णिया में देखिए, पप्पू यादव के वहां जीतने के बाद जो है पूरा चमक चुका है पूर्णिया, इसलिए हमें अच्छी तरह से पता है कि आपने किस तरह से वहां पर विकास किया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से टिकट नहीं मिला है, बीमा भारती को टिकट का ऐलान कर दिया गया है, तो पप्पू यादव जी की अगली रणनीति क्या होगी? क्या वे निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं? दो बात समझिए, मैंने पहले ही जब कह दिया मधेपुरा मैं जानता हूं, मेरा घर है मधेपुरा, कभी भी हमको चुनाव अलग लड़े तो देखिए, वहां लालू यादव और पप्पू यादव के बीच पूर्णिया में तो ये बात नहीं है, पूर्णिया तो सीधा बेटा है, सीधा मेरी माँ है जी, वहां राजनीति हो सकती है मधेपुरा में, लेकिन यहाँ तो सीधा कोई राजनीति नहीं होती है, यहाँ तो कोई जाति पाति नहीं होता है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है, जब पप्पू रहता है तो कोई भी चीजें यहाँ खत्म हो जाती है जी। तो मैं जब एक साल और पूरा पूर्णिया रैली हो गई
दुनिया को पता था लालू जी से मैं मिल लिया और अपना सब कुछ मैं लार्जर कॉज के लिए बीजेपी को रोकने के लिए अपना समर्पण प्रियंका जी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिन्होंने दिल को जीता है भारत के, जब मैंने कर दिया तो निर्णय उन्हें लेना है कि मेरी राजनीतिक भविष्य क्या होगी। चुनाव की बात यदि आप व्यक्तिगत तौर पर हमसे पूछते हैं तो मैं या अपनी भावना जो मेरा इमोशनल भावना है, जो इमोशन से मेरा पूर्णिया के साथ मेरी फीलिंग है, हमारे इमोशंस को हमारे इमोशंस साफ है, वो क्लियर है। पूर्णिया छोड़ने का मतलब है पप्पू यादव को आत्महत्या करना या चुपचाप जहर खा के मर जाना। ठीक, आप स्थिति आप समझिए मेरी। इसीलिए यदि चुनाव लड़ने की बात होगी, निर्णय हमारे पार्टी लेंगे, नेतृत्व को मैं तो बड़े पूर्णिया कांग्रेस के लिए एक सिपाही की तरह काम करने आया हूं ताकि बिहार में कांग्रेस को नंबर वन कर पाऊं, किसी भी पार्टी से ऊपर हो। तो मेरी लड़ाई कांग्रेस को नंबर वन के लिए है, सिर्फ सीट के लिए नहीं। हमको तो एमपीएमएलए नहीं है, तब भी कोरोना में पप्पू यादव, बाढ़ में पप्पू यादव, सबकी सेवा में पप्पू यादव, पद मेरे लिए मैटर नहीं रखता है। ठीक है, नेतृत्व कह तो दे कि आपको नहीं लड़ना है, आपको काम करना है जी। लेकिन मैं यदि लड़ूंगा, मैं मुझसे आप यदि पूछते हैं, हम नेतृत्व को कह दिए यदि हमको लड़ना होगा तो सर निर्णय पूर्णिया का ही लीजिएगा। हम अगर कांग्रेस नेतृत्व ने कह दिया कि पप्पू यादव जो है चुनाव पूर्णिया से नहीं लड़ेंगे, फिर क्या करेंगे सर? देखिए एक बात समझिए, कांग्रेस नेतृत्व कह दिया तो मैं कहूंगा ठीक है चुनाव नहीं लड़ूंगा, पूर्णिया छोड़ के कहीं चुनाव नहीं। फिर निर्दलीय नहीं लड़ेंगे? या मैं तो कह दिया, कांग्रेस को आप नेतृत्व से पूछिए ना, मैंने तो अपना समर्पण कर दिया जी। पूर्णिया तो मेरे लिए भगवान के तरह, और आस्था पे कोई ठोस नहीं, मेरे पूजा में कमी रह गई होगी, हो सकता है मेरी भूल होगी, मेरी भक्ति में कमी रह गई होगी कि हमें लोग महसूस समझ नहीं पाए अपने बेटे को। कोशिश करेंगे और भक्ति करने की जी, पूजा हर घर में पूजा करने की, और करेंगे पूजा और इबादत में आने वाले समय में कोई कमी नहीं रखेंगे। लेकिन मुझे कोई पूर्णिया के आत्मसम्मान और उस भावनाओं के साथ खेलवाड़ करके पप्पू यादव को झुकाने की बात, इससे बेहतर है खुद को मार लेना झुकने से बेहतर। ठीक है, हम झुकेंगे तो सिर्फ पूर्णिया के सामने जी, अपने भगवान के सामने, दुनिया में मर जाएंगे कहीं नहीं झुकेंगे। कहा यह भी जा रहा है, जानकार लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में जो सीटों का बंटवारा हुआ है, आरजेडी ने सारी मलाई अपने पास रख ली है और मट्ठा और छाछ जो है वो कांग्रेस को दिया है, और यही वजह है कि जहां पर पूर्णिया सीट दमदार मानी जा रही थी महागठबंधन के लिए, वही उसी वजह से जो है वो अपने पास आरजेडी ने रख ली है। देखिए मैं तो इसमें कहीं मीटिंग में नहीं था, ना मुझे किसी चीजों में था, वो तो कांग्रेस नेतृत्व हमारे शीर्षक लीडर है और प्रभारी हमारे लीडर है, प्रभारी गंभीर आदमी है और मुकुल जी काम करते थे, तो मैं तो उसमें कहीं था नहीं, वो तो देखने की जिम्मेदारी उनकी होगी। लेकिन किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये कांग्रेस की एक सबसे बड़ी ताकत है जी, और कांग्रेस को इस तीनों सीट पर अपनी अधिकार और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, रखे भी होंगे। जैसे औरंगाबाद कांग्रेस की सीट है, वाल्मीकि नगर कांग्रेस की सीट है जी, मैं मानता हूं, जो समस्तीपुर कांग्रेस की सीट है, जो मैंने देखा है आज तक, और यह इलाका तो कांग्रेस की ही है जी। तो इसीलिए कांग्रेस को तय करना है तीनों सीट पर या अन्य जगहों पर, उसमें मैं कहीं नहीं हूं। मैं इतना जानता हूं कि मैं कांग्रेस के लिए खाद बनने को तैयार हूं, मेरा इमोशंस पूर्णिया के साथ है, मेरा समर्पण पूर्णिया के साथ है जी। मैं इस समर्पण से अलग नहीं हो सकता हूं, ये मैडम को भी मैंने आज कह दी जी, और मैं कंप्लीट रूप से पूर्णिया में हूं। ठीक है, मैं पर्वों में हूं, होली थी, रमजान है, मैं अपने घर में हूं, मुझे मेरी अपनी माँ से, अपने घर से कोई अच्छा निकाल नहीं सकता। पप्पू जी, जब लालू यादव जी से आपने मुलाकात की थी और आपने कहा था कि आप पूर्णिया से ही लड़ेंगे, तो उन्होंने क्या कहा था, कोई भरोसा दिया था या उन्होंने तब भी मना किया? नहीं, उन्होंने कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करिए और आप मधेपुरा लड़िए। मैंने कहा कि परिवार और कांग्रेस फैमिली से भी मैं बात कर लेता हूं, लेकिन मैं पूर्णिया लड़ूंगा गार्जन, मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा जी। ये बात मैंने उनसे वहीं पर कह दी, आप पूछ लीजिए उनसे, और मैं आज भी उनको गार्जन मानूंगा, कल भी मानूंगा, और मैं लड़ू ना लड़ू, मैं पूर्णिया रहूं, मैं कोशिश करूंगा इंडिया गठबंधन
मजबूत हो और भारत को बचाया जाए। जी कोशिश मेरी जारी। अपू जी, अगर जब लालू यादव से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप मधेपुरा लड़िए, वो आरजेडी के पास ही रहेगी पूर्णिया सीट, तब क्या ये बात नहीं हुई कि आप आरजेडी में शामिल होकर पूर्णिया से लड़ लें, सीट भी रह जाती और आपका जो है पूर्णिया का गढ़ भी बचा रह जाता? देखिए, मुझे तो एक बिगर प्लेटफॉर्म पहले से, जब कांग्रेस परिवार हम पर विश्वास कर रहा था और कांग्रेस को लग रहा था रंजीत रंजन जी 19 सालों से 20 सालों से कांग्रेस में, उनका जो रिश्ता है एक परिवार का, माँ और बेटी का सोनिया जी के साथ, तो फिर पप्पू यादव को नहीं। सर, मेरा सवाल यह है कि गठबंधन के तहत कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरी पार्टियों के नेता होते हैं वो सहयोगी दल के सिंबल पर वहां से चुनाव लड़ते हैं, इससे आधिकारिक तौर पर वो सीट जो है उसके खाते में रह जाती है। मधेपुरा के लिए उन्होंने ज्वाइनिंग की बात की, सुपौल के लिए बात की, मैं पूर्णिया के लिए उनसे आग्रह किया था और जिस दिन मैं ज्वाइन किया शायद उसी दिन उन्होंने टिकट दे दिया होगा कि क्या क्या हो तो मैं नहीं जानता हूँ। वो कांग्रेस को देखना है, वो मेरे गार्जियन है, उनका आदेश सर्वोपरि है, लेकिन मैं पूर्णिया के इमोशंस के साथ हूँ, उस फीलिंग के साथ हूँ जी, मैं पूर्णिया के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। पप्पू जी, पूर्णिया सीट को लेकर के क्या कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी, किसी ने आपको भरोसा दिया था कि आप पार्टी में आएंगे तो आपको उस सीट से लड़ाया जाएगा? अच्छा, कांग्रेस में कहां भरोसे की बात है, कांग्रेस में कौन सा बार्गेनिंग करने की, कांग्रेस जब मेरी माँ है तो पूरा भरोसा है एक माँ पर जी और एक विचारधारा पर, इसमें बार्गेनिंग करना है, इसमें पूछना है किसी से? कांग्रेस में आप आइडियोलॉजी की भी बात करते हैं और यह कह के जब दुनिया को पता है पूर्णिया से मुझे लड़ना है तो इसमें बात क्या करनी थी? प्रियंका जी वैसे ही एक जीनियस लीडर है, डायनेमिक और डैशिंग लीडर है, बात करने का क्या गुंजाइश है जी? प्रियंका जी, राहुल गांधी जी को देखना है पप्पू यादव के बारे में, और पप्पू यादव नोन है, कोई ऐसा तो है नहीं, पूरी दुनिया पप्पू यादव के बारे में जानना चाहती है, पूरा देश जानना चाहती है, हर विपक्ष हो या कोई हो पप्पू यादव के साथ उसका एक सेंटीमेंट है। मैं तो कह ही रहा हूं कि मुझसे, मैं कांग्रेस के साथ सौदा करना करके मैं आता भाई जी, औरों की तरह मेरे साथ क्या होता, कांग्रेस के साथ जिस पार्टी के साथ रहो मदर फीलिंग के साथ रहो जी। पप्पू जी, बीमा भारती को टिकट दिया गया आरजेडी की तरफ से, जेडीयू से ला करके उनको जो है उम्मीदवार बनाया गया है, फिर पप्पू यादव में क्या खराबी थी कि भाई पप्पू यादव तो पहले भी साथ में रह चुके हैं, इतना दशकों पुराना जुड़ाव है? तो ये बात तो हमारे नेता बोलेंगे ना, लालू जी ना, कि हमें क्या खराबी थी, हमने कौन सा गुनाह कर दिया था जब वो ज्वाइन करा के मधेपुरा लड़ा ही रहे थे और हम एक परिवार में ज्वाइन कर लिए और दोनों परिवार एक साथ लड़ रही है और वो बड़े भाई हैं कांग्रेस यहाँ पर, छोटे भाई हैं बिहार में, लार्जर सोच में, और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है जी। लेकिन गठबंधन धर्म में तो मैं था ही, तो जब मैं गठबंधन धर्म में ज्वाइन कर ही लिया और हम उनके परिवार के हिस्सा रहे हैं और हमेशा लालू जी के साथ रहे हैं, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू यादव जी को यह खतरा लगा कि पप्पू यादव जैसा जो है कर्मठ जुझारू नेता जो कि जनता के बीच रहता है अगर आगे पनपता है तो तेजस्वी यादव के लिए खतरा हो सकता है? सर, यदि मेरे फेट में अब पप्पू यादव को और कांग्रेस का विश्वास, तो हम कांग्रेस के लिए ना संघर्ष करेंगे, नंबर वन पार्टी हो, और तेजस्वी यादव जी को तो मैंने कह दिया मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम एक भाई की तरह खड़े रहेंगे, और उनको डिप्टी सीएम बनना था तो उनके फेट में था, तो उन्होंने रह करके काम किया ना, बने ना, तो उसमें डर की क्या गुंजाइश है जी? लालू यादव जी एक स्टॉलवार्ड नाम है, लालू यादव जी जैसे व्यक्ति को एक अपने बेटे से, पप्पू से क्या डर, आप बताइए ना, सवाल नहीं उठता जी, एक बेटा से किसी बाप को डर हो, तो इसीलिए डर की तो कोई गुंजाइश नहीं। भाइयों के बीच महाभारत भी हुई है सर, अगर आप जो है तेजस्वी यादव को भाई कहते हैं तो भाइयों के बीच तो भारत में महाभारत भी हुई है। सर एक बात सुनिए, दुर्योधन और अर्जुन में चुनना पड़ा ना कृष्ण को, तो अर्जुन को चुना, भाइयों के बीच आप कह रहे हैं महाभारत हुआ है, मैं आज भी कहता हूं कि भाइयों के बीच में सहमति भी हुई है, भाइयों के बीच में बराबरी का हिस्सा भी हुआ है, भाइयों के बीच में बड़े भाई छोटे भाई के साथ चलने का स्वीकार भी हुआ है, हम लोग मिलकर भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कल जो महाभारत हुआ आज भी उसी तरह को दोहराया जाए,
आज एक नई सोच के साथ, बिगर लार्जर सोच के साथ हम काम करते हैं जी, और उस तरीके से काम करने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, तो सवाल नहीं उठता है कल महाभारत कब की कथा है, आज नई सोच के साथ युवा पीढ़ी बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। मैं पूर्णिया को नंबर वन, कोसी सीमांचल को देखना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में राजनीति है ही नहीं, मैं हर परिवार को भगवान की तरह पूजा करता हूँ। इस पूर्णिया और इस इलाके की माँ बेटा बेटी, माँ और बेटी बहन सबसे ज्यादा पप्पू यादव के मुस्कुराना चाहती है जी। सबसे ज्यादा पप्पू यादव को अपने, अच्छा पप्पू यादव अपना जो फ्यूचर कोर्स होगा, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा, वो कितने दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी, कब तक ये साफ हो जाएगा कि पप्पू यादव आगे क्या करने जा रहे हैं? ये कांग्रेस को सोचना है, कांग्रेस जो तय करेगी, पप्पू यादव वहां पर खड़ा है। अगर कांग्रेस ये कहती है कि मधेपुरा से लड़े आप, तो फिर मधेपुरा से लड़ेंगे? मैंने तो अपना सब कुछ कांग्रेस को समर्पित कर दिया, लेकिन एक अधिकार मुझे है, एक सिंगल अधिकार, अपनी माँ से कहने का बेटे को कि माँ मेरा अधिकार मुझे चाहिए जी। मैंने लालू जी से भी यही बात कहा और कांग्रेस से भी यही कहूंगा कि मेरा अधिकार पूर्णिया है, वो अधिकार आप हमें दीजिए, ठीक है, आगे जो होगा उचित आप करिए, लेकिन पूर्णिया से अलग जा करके उस इमोशंस के साथ मेरे साथ खेलवाड़ की बात होगी, कोई भी पीठ में खुंजर भोंकेगा तो मैं जिंदा नहीं रहूं। तो बिहार की पूर्णिया सीट हाई प्रोफाइल हो चुकी है, पप्पू यादव साफ कह चुके हैं कि वे दुनिया छोड़ देंगे लेकिन लड़ेंगे पूर्णिया से ही। वहीं आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दे दिया है और इस वक्त हमारे साथ खुद पप्पू यादव जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, जी न्यूज पर स्वागत है आपका। जी प्रणाम भैया। जी पप्पू जी, क्या हो गया आखिरकार, जो है आप इतने जोशो खरोश के साथ कांग्रेस में शामिल हुए, महागठबंधन की ओर से चर्चा थी कि आप पूर्णिया से लड़ेंगे, क्या हो गया आखिरकार, कहां गड़बड़ हो गई? देखिए एक बात समझिए, 40 साल की जो मेरी राजनीतिक संघर्ष रही, आपको पता है कि मुझे राजनीति नहीं है, मैं दिल से लोगों के लिए काम करता हूँ, ना मेरी नफरत की राजनीति है, ना जात पात की राजनीति है, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति है, मेरी पूरी राजनीति सेवा की है, मदद की है, चाहे वो दिल्ली का सेवा आश्रम हो, चाहे देश भर का हो, चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो, चाहे कोई भी देश के संकट या परिस्थिति में हो, वहां एक मददगार के रूप में और बेटे के रूप में मैं खड़ा होता हूँ जी, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए इसको जोश खरोश की बात नहीं है। हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी मेरे साथ हमेशा मेरे मन में, मेरे भाव में रही है जी। मेरा जज्बात रहा है उनके साथ, और मैंने 40 साल के संघर्ष और अपनी पार्टी, जब दो दो बार हम विधानसभा लड़े, 2% 2.5% वोट आया उसके अकेला, जब लोग बटे हुए थे तब की बात मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद इतने लंबे संघर्ष को जो साथियों ने लाठी खाया, और संघर्ष का अकेला नाम था जन अधिकार पार्टी। मैंने निश्चित रूप से लार्जर कॉज के लिए, जो देश का लार्जर कॉज था कि भाई हमें रोकना है बीजेपी को, तो इसके लिए एक कौन सा उचित प्लेटफॉर्म है जिसने 130 करोड़ लोगों को जो दिल जीता है, ठीक है। हम इतनी बारी रैली हुई, हम एक साल से प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया को लेकर के हम घर घर गए, लगातार 8 महीना 6 लाख 6.5 लाख परिवार से मिले, फिर 2 लाख से ज्यादा यहाँ ठेला वाला, रिक्शा वाला, टमटम वाला, दुकानदार, सारे गरीब मैदान में थे, मजदूरी उस दिन मजदूर नहीं किया, उस दिन सब लोग पहुंचे, बच्चे छोटे सभी लोग गए, मेरा तो कोई मतलब नहीं था, ठीक है, हमें तो पूर्णिया में निर्दलीय चुनाव हम लड़े, हमारी माँ भी चुनाव लड़ी, 32,000 से चुनाव हारे, हमें पूर्णिया कभी नहीं हटाया, मधेपुरा जबकि मेरा घर है, लालू यादव जी से जब हम मिले तो हम लालू यादव जी को बेटे की तरह कह दिए कि सर हम पूर्णिया से ही लड़ेंगे और हम पूर्णिया नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, आप जिनको कहिएगा हम मधेपुरा लड़ाइए, हम प्रयास करेंगे मधेपुरा जिताने का, सुपौल जिताने का, आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। अब मैं ये बात अलग, क्या लालू यादव जी क्या हमें जाधव नहीं समझते हैं या अपना बेटा नहीं समझते? पप्पू जी, ये कहा जाता है कि आप जो है भले ही लालू यादव को अपना अभिभावक मानते रहे हो और आप उनके आपकी जो राजनीति है वो शुरू भी लालू यादव के अंडर ही हुई थी, लेकिन लालू यादव कहीं ना कहीं आपको खतरा मानते हैं और इसी वजह से उन्होंने आपको पूर्णिया से टिकट नहीं दिया। देखिए पहले तो समझिए कि मैं निर्दलीय एमएलए बना था और 83-82 से लालू यादव जी के साथ रहे, यह बात उन्होंने उस दिन भी कही,
कि जब विपक्ष के नेता से लेकर के एक वोट की जरूरत से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर आज तक जब जब लालू यादव जी पर हमले हुए सीबीआई के अन्य चीजों के, मैं बेटे की तरह खड़ा रहा, हमारा इमोशंस लालू यादव के साथ था, आगे भी रहेगा। मैंने तेजस्वी जी को कहा कि मुख्यमंत्री बनाने में जो भी मेरी छोटी भूमिका होगी, एक सिपाही की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे, हम लोग मिलकर काम करेंगे। आज भी मैं कहता हूं कि वो किसी से सर्वे करा ले पूर्णिया, कोई भी, यदि इंडिया गठबंधन का कोई पहला सीट 12 बजे जीतने की स्थिति में होगा तो वो पूर्णिया होगा, किशनगंज से भी ऊपर। ये तो मेरा, हमें हमें हम हर घर में यहाँ गोदी में खेले हैं, हमारा हर घर में हमारी जिंदगी है, हमें सीखा है। पप्पू जी, मैं 90 के दशक में सहरसा में रहा करता था और उस वक्त जो है वहां पर चर्चा होती थी कि अगर विकास देखना है तो पूर्णिया में देखिए, पप्पू यादव के वहां जीतने के बाद जो है पूरा चमक चुका है पूर्णिया, इसलिए हमें अच्छी तरह से पता है कि आपने किस तरह से वहां पर विकास किया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से टिकट नहीं मिला है, बीमा भारती को टिकट का ऐलान कर दिया गया है, तो पप्पू यादव जी की अगली रणनीति क्या होगी? क्या वे निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं? दो बात समझिए, मैंने पहले ही जब कह दिया, मधेपुरा मैं जानता हूं, मेरा घर है मधेपुरा, कभी भी हमको चुनाव अलग लड़े तो देखिए, वहां लालू यादव और पप्पू यादव के बीच पूर्णिया में तो ये बात नहीं है, पूर्णिया तो सीधा बेटा है, सीधा मेरी माँ है जी, वहां राजनीति हो सकती है मधेपुरा में, लेकिन यहाँ तो सीधा कोई राजनीति नहीं होती है, यहाँ तो कोई जाति पाति नहीं होता है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है, जब पप्पू रहता है तो कोई भी चीजें यहाँ खत्म हो जाती है जी। तो मैं जब एक साल और बड़ा पूर्णिया रैली हो गई, दुनिया को पता था, लालू जी से मैं मिल लिया और अपना सब कुछ, मैं लार्जर कॉज के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए अपना समर्पण प्रियंका जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिन्होंने दिल को जीता है भारत के, जब मैंने कर दिया तो निर्णय उन्हें लेना है कि मेरी राजनीतिक भविष्य क्या होगी। चुनाव की बात यदि आप व्यक्तिगत तौर पर हमसे पूछते हैं तो मैं या अपनी भावना, जो मेरा इमोशनल भावना है, जो इमोशन से मेरा पूर्णिया के साथ मेरी फीलिंग है, हमारे इमोशंस को हमारे इमोशंस साफ है, वो क्लियर है। पूर्णिया छोड़ने का मतलब है पप्पू यादव को आत्महत्या करना या चुपचाप जहर खा के मर जाना, ठीक है। आप स्थिति आप समझिए मेरी, इसीलिए यदि चुनाव लड़ने की बात होगी, निर्णय हमारे पार्टी लेंगे, नेतृत्व मैं तो बड़े पूर्णिया कांग्रेस के लिए एक सिपाही की तरह काम करने आया हूं ताकि बिहार में कांग्रेस को नंबर वन कर पाऊं, किसी भी पार्टी से ऊपर हो, तो मेरी लड़ाई कांग्रेस को नंबर वन के लिए है, सिर्फ सीट के लिए नहीं। हमको तो MPMLA नहीं है, तब भी कोरोना में पप्पू यादव, बाढ़ में पप्पू यादव, सबकी सेवा में पप्पू यादव, पद मेरे लिए मैटर नहीं रखता है, ठीक है। नेतृत्व कह तो दे कि आपको नहीं लड़ना है, आपको काम करना है जी। लेकिन मैं यदि लड़ूंगा, मैं मुझसे आप यदि पूछते हैं, हम नेतृत्व को कह दिए यदि हमको लड़ना होगा तो सर निर्णय पूर्णिया का ही लीजिएगा। हम अगर कांग्रेस नेतृत्व ने कह दिया कि पप्पू यादव जो है चुनाव पूर्णिया से नहीं लड़ेंगे, फिर क्या करेंगे सर? देखिए एक बात समझिए, कांग्रेस नेतृत्व कह दिया तो मैं कहूंगा ठीक है चुनाव नहीं लड़ूंगा, पूर्णिया छोड़ के कहीं चुनाव नहीं, फिर निर्दलीय नहीं लड़ेंगे? या मैं तो कह दिया, कांग्रेस को आप नेतृत्व से पूछिए ना, मैंने तो अपना समर्पण कर दिया जी, पूर्णिया तो मेरे लिए भगवान की तरह, और आस्था पे कोई ठोस नहीं, मेरे पूजा में कमी रह गई होगी, हो सकता है मेरी भूल होगी, मेरी भक्ति में कमी रह गई होगी कि हमें लोग महसूस समझ नहीं पाए अपने बेटे को, कोशिश करेंगे और भक्ति करने की जी, पूजा हर घर में पूजा करने की, और करेंगे पूजा और इबादत में आने वाले समय में कोई कमी नहीं रखेंगे, लेकिन मुझे कोई पूर्णिया के आत्मसम्मान और उस भावनाओं के साथ खेलवाड़ करके पप्पू यादव को झुकाने की बात, इससे बेहतर है खुद को मार लेना, झुकने से बेहतर, ठीक है। हम झुकेंगे तो सिर्फ पूर्णिया के सामने जी, अपने भगवान के सामने, दुनिया में मर जाएंगे कहीं नहीं झुकेंगे। कहा यह भी जा रहा है, जानकार लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में जो सीटों का बंटवारा हुआ है, आरजेडी ने सारी मलाई अपने पास रख ली है और मट्ठा और छाछ जो है वो कांग्रेस को दिया है, और यही वजह है कि जहां पर पूर्णिया सीट दमदार मानी जा रही थी महागठबंधन के लिए, वही उसी वजह से जो है वो अपने पास आरजेडी ने रख ली है। देखिए मैं तो इसमें कहीं मीटिंग में नहीं था, ना मुझे किसी चीजों में था, वो तो कांग्रेस नेतृत्व हमारे शीर्ष लीडर है और प्रभारी हमारे लीडर है,
प्रभारी गंभीर आदमी है और मुकुल जी काम करते थे तो मैं तो उसमें कहीं था नहीं, वो तो देखने की जिम्मेदारी उनकी होगी। लेकिन किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये कांग्रेस की एक सबसे बड़ी ताकत है जी, और कांग्रेस को इस तीनों सीट पर अपनी अधिकार और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, रखे भी होंगे। जैसे औरंगाबाद कांग्रेस की सीट है, वाल्मीकि नगर कांग्रेस की सीट है जी, मैं मानता हूं, जो समस्तीपुर कांग्रेस की सीट है जो मैंने देखा है आज तक, और यह इलाका तो कांग्रेस की ही है जी। तो इसीलिए कांग्रेस को तय करना है तीनों सीट पर या अन्य जगहों पर, उसमें मैं कहीं नहीं हूं। मैं इतना जानता हूं कि मैं कांग्रेस के लिए खाद बनने को तैयार हूं। मेरा इमोशंस पूर्णिया के साथ है, मेरा समर्पण पूर्णिया के साथ है जी। मैं इस समर्पण से अलग नहीं हो सकता हूं, ये मैडम को भी मैंने आज कह दी जी। और मैं कंप्लीट रूप से पूर्णिया में हूं, ठीक है, मैं पर्वों में हूं, होली थी, रमजान है, मैं अपने घर में हूं, मुझे मेरी अपनी माँ से, अपने घर से कोई निकाल नहीं सकता। पप्पू जी, जब लालू यादव जी से आपने मुलाकात की थी और आपने कहा था कि आप पूर्णिया से ही लड़ेंगे, तो उन्होंने क्या कहा था, कोई भरोसा दिया था या उन्होंने तब भी मना किया? नहीं, उन्होंने कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करिए और आप मधेपुरा लड़िए। मैंने कहा कि परिवार और कांग्रेस फैमिली से भी मैं बात कर लेता हूं, लेकिन मैं पूर्णिया लड़ूंगा गार्जन, मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा जी। ये बात मैंने उनसे वहीं पर कह दी, आप पूछ लीजिए उनसे। और मैं आज भी उनको गार्जन मानूंगा, कल भी मानूंगा, और मैं लड़ूं ना लड़ूं, मैं पूर्णिया रहूं, मैं कोशिश करूंगा इंडिया गठबंधन मजबूत हो और भारत को बचाया जाए जी। कोशिश मेरी जारी। अपू जी, अगर जब लालू यादव से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप मधेपुरा लड़िए, वो आरजेडी के पास ही रहेगी पूर्णिया सीट, तब क्या ये बात नहीं हुई कि आप आरजेडी में शामिल होकर पूर्णिया से लड़ लें, सीट भी रह जाती और आपका जो है पूर्णिया का गढ़ भी बचा रह जाता? देखिए, मुझे तो एक बिगर प्लेटफॉर्म पहले से, जब कांग्रेस परिवार हम पर विश्वास कर रहा था और कांग्रेस को लग रहा था, रंजीत रंजन जी 19 सालों से 20 सालों से कांग्रेस में, उनका जो रिश्ता है एक परिवार का, माँ और बेटी का सोनिया जी के साथ, तो फिर पप्पू यादव को नहीं। सर, मेरा सवाल यह कि गठबंधन के तहत कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरी पार्टियों के नेता होते हैं वो सहयोगी दल के सिंबल पर वहां से चुनाव लड़ते हैं, इससे आधिकारिक तौर पर वो सीट जो है उसके खाते में रह जाती है? नहीं, मधेपुरा के लिए उन्होंने ज्वाइनिंग की बात की, सुपौल के लिए बात की, मैं पूर्णिया के लिए उनसे आग्रह किया था, और जिस दिन मैं ज्वाइन किया शायद उसी दिन उन्होंने टिकट दे दिया होगा कि क्या क्या हो तो मैं नहीं जानता हूं। वो कांग्रेस को देखना है, ठीक है, वो मेरे गार्जियन है, उनका आदेश सर्वोपरि है, लेकिन मैं पूर्णिया के इमोशंस के साथ हूं, उस फीलिंग के साथ हूं जी, मैं पूर्णिया के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। पप्पू जी, पूर्णिया सीट को लेकर के क्या कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी, किसी ने आपको भरोसा दिया था कि आप पार्टी में आएंगे तो आपको उस सीट से लड़ाया जाएगा? अच्छा, कांग्रेस में कहां भरोसे की बात है, कांग्रेस में कौन सा बार्गेनिंग करने की, कांग्रेस जब मेरी माँ है तो पूरा भरोसा है एक माँ पर जी और एक विचारधारा पर, इसमें बार्गेनिंग करना है, इसमें पूछना है किसी से? कांग्रेस में आप आइडियोलॉजी की भी बात करते हैं और यह कह के जब दुनिया को पता है पूर्णिया से मुझे लड़ना है तो इसमें एक बात क्या करनी थी? प्रियंका जी वैसे ही एक जीनियस लीडर है, डायनेमिक और डैशिंग लीडर है, बात करने का क्या गुंजाइश है जी? प्रियंका जी, राहुल गांधी जी को देखना है पप्पू यादव के बारे में, और पप्पू यादव नोन है, कोई ऐसा तो है नहीं, पूरी दुनिया पप्पू यादव के बारे में जानना चाहती है, पूरा देश जानना चाहती है, हर विपक्ष हो या कोई हो पप्पू यादव के साथ उसका एक सेंटिमेंट है। मैं तो कह ही रहा हूं कि मुझसे, मैं कांग्रेस के साथ सौदा करना नहीं ना करके मैं आता भाई जी, औरों की तरह मेरे साथ क्या होता, कांग्रेस के साथ जिस पार्टी के साथ रहो मदर फीलिंग के साथ रहो जी। पप्पू जी, बीमा भारती को टिकट दिया गया आरजेडी की तरफ से, जेडीयू से ला करके उनको जो है उम्मीदवार बनाया गया है, फिर पप्पू यादव में क्या खराबी थी कि भाई पप्पू यादव तो पहले भी साथ में रह चुके हैं, इतना दशकों पुराना जुड़ाव है? तो ये बात तो हमारे नेता बोलेंगे ना, लालू जी ना, कि हमें क्या खराबी थी, हमने कौन सा गुनाह कर दिया था, जब वो ज्वाइन करा के मधेपुरा लड़ा ही रहे थे और हम एक परिवार में ज्वाइन कर लिए और दोनों परिवार एक साथ लड़ रही है,
और वो बड़े भाई हैं कांग्रेस यहाँ पर, छोटे भाई हैं बिहार में, लार्जर सोच में, और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है जी। लेकिन गठबंधन धर्म में तो मैं था ही, तो जब मैं गठबंधन धर्म में ज्वाइन कर ही लिया, और हम उनके परिवार के हिस्सा रहे हैं और हमेशा लालू जी के साथ रहे हैं, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू यादव जी को यह खतरा लगा कि पप्पू यादव जैसा जो है कर्मठ जुझारू नेता जो कि जनता के बीच रहता है अगर आगे पनपता है तो तेजस्वी यादव के लिए खतरा हो सकता है? सर यदि मेरे फेट में अब पप्पू यादव को और कांग्रेस का विश्वास, तो हम कांग्रेस के लिए ना संघर्ष करेंगे, नंबर वन पार्टी हो, और तेजस्वी यादव जी को तो मैंने कह दिया मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम एक भाई की तरह खड़े रहेंगे, और उनको डिप्टी सीएम बनना था तो उनके फेट में था, तो उन्होंने रह करके काम किया ना, बने ना, तो उसमें डर की क्या गुंजाइश है जी। लालू यादव जी एक स्टॉलवार्ड नाम है, लालू यादव जी जैसे व्यक्ति को एक अपने बेटे से पप्पू से क्या डर, आप बताइए ना, सवाल नहीं उठता है जी। एक बेटा से किसी बाप को डर हो, तो इसीलिए डर की तो कोई गुंजाइश नहीं। भाइयों के बीच महाभारत भी हुई है सर, अगर आप जो है तेजस्वी यादव को भाई कहते हैं तो भाइयों के बीच तो भारत में महाभारत भी हुई है। सर एक बात सुनिए, दुर्योधन और अर्जुन में चुनना पड़ा ना कृष्ण को, तो अर्जुन को चुना, भाइयों के बीच आप कह रहे हैं महाभारत हुआ है, मैं आज भी कहता हूं कि भाइयों के बीच में सहमति भी हुई है, भाइयों के बीच में बराबरी का हिस्सा भी हुआ है, भाइयों के बीच में बड़े भाई छोटे भाई के साथ चलने का स्वीकार भी हुआ है, हम लोग मिलकर भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कल जो महाभारत हुआ आज भी उसी तरह को दोहराया जाए, आज एक नई सोच के साथ, बिगर लार्जर सोच के साथ हम काम करते हैं जी, और उस तरीके से काम करने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, तो सवाल नहीं उठता है कल महाभारत कब की कथा है, आज नई सोच के साथ युवा पीढ़ी बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, मैं पूर्णिया को नंबर वन कोसी सीमांचल को देखना चाहता हूँ जी, मेरी जिंदगी में राजनीति है ही नहीं, मैं हर परिवार को भगवान की तरह पूजा करता हूँ, इस पूर्णिया और इस इलाके की माँ बेटा बेटी, माँ और बेटी बहन सबसे ज्यादा पप्पू यादव के मुस्कुराना चाहती है जी, सबसे ज्यादा पप्पू यादव को अपने। अच्छा पप्पू यादव, अपना जो फ्यूचर कोर्स होगा, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा, वो कितने दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी, कब तक ये साफ हो जाएगा कि पप्पू यादव आगे क्या करने जा रहे हैं? ये कांग्रेस को सोचना है, कांग्रेस जो तय करेगी पप्पू यादव वहां पर खड़ा है। अगर कांग्रेस ये कहती है कि मधेपुरा से लड़े आप, तो फिर मधेपुरा से लड़ेंगे? मैंने तो अपना सब कुछ कांग्रेस को समर्पित कर दिया, लेकिन एक अधिकार मुझे है, एक सिंगल अधिकार, अपनी माँ से कहने का बेटे को कि माँ मेरा अधिकार मुझे चाहिए जी। मैंने लालू जी से भी यही बात कहा और कांग्रेस से भी यही कहूंगा कि मेरा अधिकार पूर्णिया है, वो अधिकार आप हमें दीजिए, ठीक है, आगे जो होगा उचित आप करिए, लेकिन पूर्णिया से अलग जा करके उस इमोशंस के साथ मेरे साथ खेलवाड़ की बात होगी, कोई भी पीठ में खुंजर भोंकेगा तो मैं जिंदा नहीं रहूं। तो बिहार की पूर्णिया सीट हाई प्रोफाइल हो चुकी है, पप्पू यादव साफ कह चुके हैं कि वे दुनिया छोड़ देंगे लेकिन लड़ेंगे पूर्णिया से ही, वहीं आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दे दिया है और इस वक्त हमारे साथ खुद पप्पू यादव जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, जी न्यूज पर स्वागत है आपका। जी प्रणाम भैया जी। पप्पू जी, क्या हो गया आखिरकार, जो है आप इतने जोशो खरोश के साथ कांग्रेस में शामिल हुए, महागठबंधन की ओर से चर्चा थी कि आप पूर्णिया से लड़ेंगे, क्या हो गया आखिरकार, कहां गड़बड़ हो गई? देखिए एक बात समझिए, 40 साल की जो मेरी राजनीतिक संघर्ष रही, आपको पता है कि मुझे राजनीति नहीं है, मैं दिल से लोगों के लिए काम करता हूँ, ना मेरी नफरत की राजनीति है, ना जात पात की राजनीति है, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति है, मेरी पूरी राजनीति सेवा की है, मदद की है, चाहे वो दिल्ली का सेवा आश्रम हो, चाहे देश भर का हो, चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो, चाहे कोई भी देश के संकट या परिस्थिति में हो, वहां एक मददगार के रूप में और बेटे के रूप में मैं खड़ा होता हूं जी, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए इसको जोश खरोश की बात नहीं है, हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी मेरे साथ हमेशा मेरे मन में मेरे भाव में रही है जी, मेरा जज्बात रहा है उनके साथ, और मैंने 40 साल के संघर्ष और अपनी पार्टी, जब दो दो बार हम विधानसभा लड़े, 2% 2.5% वोट आया, उसके अकेला जब लोग बटे हुए थे तब की बात मैं बता रहा हूँ,
और उसके बाद इतने लंबे संघर्ष को जो साथियों ने लाठी खाया और संघर्ष का अकेला नाम था जन अधिकार पार्टी, मैंने निश्चित रूप से लार्जर कॉज के लिए, जो देश का लार्जर कॉज था कि भाई हमें रोकना है बीजेपी को, तो इसके लिए एक कौन सा उचित प्लेटफॉर्म है जिसने 130 करोड़ लोगों को जो दिल जीता है। ठीक है, हम इतनी बारी रैली हुई, हम एक साल से पढ़ा पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया को लेकर के हम घर घर गए, लगातार 8 महीना 6 लाख 6.5 लाख परिवार से मिले, फिर 2 लाख से ज्यादा यहाँ ठेला वाला, रिक्शा वाला, टमटम वाला, दुकानदार, सारे गरीब मैदान में थे। मजदूरी उस दिन मजदूर नहीं किया, उस दिन सब लोग पहुंचे, बच्चे छोटे सभी लोग गए। मेरा तो कोई मतलब नहीं था। ठीक है, हमें तो पूर्णिया में निर्दलीय चुनाव हम लड़े, हमारी माँ भी चुनाव लड़ी, 32,000 से चुनाव हारे, हमें पूर्णिया कभी नहीं हटाया। मधेपुरा जबकि मेरा घर है, लालू यादव जी से जब हम मिले तो हम लालू यादव जी को बेटे की तरह कह दिए कि सर हम पूर्णिया से ही लड़ेंगे और हम पूर्णिया नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप जिनको कहिएगा हम मधेपुरा लड़ाइए, हम प्रयास करेंगे मधेपुरा जिताने का, सुपौल जिताने का, आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। अब मैं ये बात अलग, क्या लालू यादव जी क्या हमें जाधव नहीं समझते हैं या अपना बेटा नहीं समझते? पप्पू जी, ये कहा जाता है कि आप जो है भले ही लालू यादव को अपना अभिभावक मानते रहे हो और आप उनके आपकी जो राजनीति है वो शुरू भी लालू यादव के अंडर ही हुई थी, लेकिन लालू यादव कहीं ना कहीं आपको खतरा मानते हैं और इसी वजह से उन्होंने आपको पूर्णिया से टिकट नहीं दिया। देखिए, पहले तो समझिए कि मैं निर्दलीय MLA बना था और 83-82 से लालू यादव जी के साथ रहे। यह बात उन्होंने उस दिन भी कही कि जब विपक्ष के नेता से लेकर के एक वोट की जरूरत से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर आज तक जब जब लालू यादव जी पर हमले हुए CBI के अन्य चीजों के, मैं बेटे की तरह खड़ा रहा, हमारा इमोशंस लालू यादव के साथ था, आगे भी रहेगा। मैंने तेजस्वी जी को कहा कि मुख्यमंत्री बनाने में जो भी मेरी छोटी भूमिका होगी, एक सिपाही की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे, हम लोग मिलकर काम करेंगे। आज भी मैं कहता हूं कि वो किसी से सर्वे करा ले पूर्णिया, कोई भी, यदि इंडिया गठबंधन का कोई पहला सीट 12 बजे जीतने की स्थिति में होगा तो वो पूर्णिया होगा, किशनगंज से भी ऊपर। ये तो मेरा, हमें हमें हम हर घर में यहाँ गोदी में खेले हैं, हमारा हर घर में हमारी जिंदगी है, हमें सीखा है। पप्पू जी, मैं 90 के दशक में सहरसा में रहा करता था और उस वक्त जो है वहां पर चर्चा होती थी कि अगर विकास देखना है तो पूर्णिया में देखिए, पप्पू यादव के वहां जीतने के बाद जो है पूरा चमक चुका है पूर्णिया, इसलिए हमें अच्छी तरह से पता है कि आपने किस तरह से वहां पर विकास किया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से टिकट नहीं मिला है, बीमा भारती को टिकट का ऐलान कर दिया गया है, तो पप्पू यादव जी की अगली रणनीति क्या होगी? क्या वे निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं? दो बात समझिए, मैंने पहले ही जब कह दिया मधेपुरा मैं जानता हूं, मेरा घर है मधेपुरा, कभी भी हमको चुनाव अलग लड़े तो देखिए, वहां लालू यादव और पप्पू यादव के बीच पूर्णिया में तो ये बात नहीं है, पूर्णिया तो सीधा बेटा है, सीधा मेरी माँ है जी, वहां राजनीति हो सकती है मधेपुरा में, लेकिन यहाँ तो सीधा कोई राजनीति नहीं होती है, यहाँ तो कोई जाति पाति नहीं होता है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है, जब पप्पू रहता है तो कोई भी चीजें यहाँ खत्म हो जाती है जी। तो मैं जब जब एक साल और बड़ा पूर्णिया रैली हो गई, दुनिया को पता था, लालू जी से मैं मिल लिया और अपना सब कुछ, मैं लार्जर कॉज के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए अपना समर्पण प्रियंका जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिन्होंने दिल को जीता है भारत पे, जब मैंने कर दिया तो निर्णय उन्हें लेना है कि मेरी राजनीतिक भविष्य क्या होगी। चुनाव की बात यदि आप व्यक्तिगत तौर पर हमसे पूछते हैं तो मैं या अपनी भावना, जो मेरा इमोशनल भावना है, जो इमोशन से मेरा पूर्णिया के साथ मेरी फीलिंग है, हमारे इमोशंस को हमारे इमोशंस साफ है, वो क्लियर है। पूर्णिया छोड़ने का मतलब है पप्पू यादव को आत्महत्या करना या चुपचाप जहर खा के मर जाना। ठीक है, आप स्थिति आप समझिए मेरी, इसीलिए यदि चुनाव लड़ने की बात होगी, निर्णय हमारे पार्टी लेंगे, नेतृत्व मैं तो बड़े पूर्णिया कांग्रेस के लिए एक सिपाही की तरह काम करने आया हूं ताकि बिहार में कांग्रेस को नंबर वन कर पाऊं, किसी भी पार्टी से ऊपर हो, तो मेरी लड़ाई कांग्रेस को नंबर वन के लिए है, सिर्फ सीट के लिए नहीं। हमको तो MPMLA नहीं है, तब भी कोरोना में पप्पू यादव, बाढ़ में पप्पू यादव, सबकी सेवा में पप्पू यादव, पद मेरे लिए मैटर नहीं रखता है। ठीक है, नेतृत्व कह तो दे कि आपको नहीं लड़ना है,
आपको काम करना है जी। लेकिन मैं यदि लड़ूंगा, मैं मुझसे आप यदि पूछते हैं, हम नेतृत्व को कह दिए यदि हमको लड़ाना होगा तो सर निर्णय पूर्णिया का ही लीजिएगा। हम अगर कांग्रेस नेतृत्व ने कह दिया कि पप्पू यादव जो है चुनाव पूर्णिया से नहीं लड़ेंगे, फिर क्या करेंगे सर? देखिए एक बात समझिए, कांग्रेस नेतृत्व कह दिया तो मैं कहूंगा ठीक है चुनाव नहीं लड़ूंगा, पूर्णिया छोड़ के कहीं चुनाव नहीं, फिर निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। भैया मैं तो कह दिया, कांग्रेस को आप नेतृत्व से पूछिए ना, मैंने तो अपना समर्पण कर दिया जी। पूर्णिया तो मेरे लिए भगवान की तरह, और आस्था पे कोई ठोस नहीं, मेरे पूजा में कमी रह गई होगी, हो सकता है मेरी भूल होगी, मेरी भक्ति में कमी रह गई होगी कि हमें लोग महसूस समझ नहीं पाए अपने बेटे को, कोशिश करेंगे और भक्ति करने की जी, पूजा हर घर में पूजा करने की और करेंगे, पूजा और इबादत में आने वाले समय में कोई कमी नहीं रखेंगे। लेकिन मुझे कोई पूर्णिया के आत्मसम्मान और उस भावनाओं के साथ खेलवाड़ करके पप्पू यादव को झुकाने की बात, इससे बेहतर है खुद को मार लेना, झुकने से बेहतर ठीक है। हम झुकेंगे तो सिर्फ पूर्णिया के सामने जी, अपने भगवान के सामने, दुनिया में मर जाएंगे कहीं नहीं झुकेंगे। कहा यह भी जा रहा है, जानकार लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में जो सीटों का बंटवारा हुआ है, आरजेडी ने सारी मलाई अपने पास रख ली है और मट्ठा और छाछ जो है वो कांग्रेस को दिया है, और यही वजह है कि जहां पर पूर्णिया सीट दमदार मानी जा रही थी महागठबंधन के लिए, वही उसी वजह से जो है वो अपने पास आरजेडी ने रख ली है। देखिए मैं तो इसमें कहीं मीटिंग में नहीं था, ना मुझे किसी चीजों में था, वो तो कांग्रेस नेतृत्व हमारे शीर्ष लीडर है और प्रभारी हमारे लीडर है, प्रभारी गंभीर आदमी है और मुकुल जी काम करते थे, तो मैं तो उसमें कहीं था नहीं, वो तो देखने की जिम्मेदारी उनकी होगी। लेकिन किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये कांग्रेस की एक सबसे बड़ी ताकत है जी, और कांग्रेस को इस तीनों सीट पर अपनी अधिकार और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, रखे भी होंगे। जैसे औरंगाबाद कांग्रेस की सीट है, वाल्मीकि नगर कांग्रेस की सीट है जी, मैं मानता हूं, जो समस्तीपुर कांग्रेस की सीट है, जो मैंने देखा आज तक, और यह इलाका तो कांग्रेस की ही है जी, तो इसीलिए कांग्रेस को तय करना है तीनों सीट पर या अन्य जगहों पर, उसमें मैं कहीं नहीं हूं। मैं इतना जानता हूं कि मैं कांग्रेस के लिए खाद बनने को तैयार हूं, मेरा इमोशंस पूर्णिया के साथ है, मेरा समर्पण पूर्णिया के साथ है जी, मैं इस समर्पण से अलग नहीं हो सकता हूं, ये मैडम को भी मैंने आज कह दी जी, और मैं कंप्लीट रूप से पूर्णिया में हूं ठीक है, मैं पर्वों में हूं, होली थी, रमजान है, मैं अपने घर में हूं, मुझे मेरी अपनी माँ से, अपने घर से कोई अच्छा, निकाल नहीं सकता। पप्पू जी, जब लालू यादव जी से आपने मुलाकात की थी और आपने कहा था कि आप पूर्णिया से ही लड़ेंगे, तो उन्होंने क्या कहा था, कोई भरोसा दिया था या उन्होंने तब भी मना किया? नहीं, उन्होंने कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करिए और आप मधेपुरा लड़िए। मैंने कहा कि परिवार और कांग्रेस फैमिली से भी मैं बात कर लेता हूं, लेकिन मैं पूर्णिया लड़ूंगा गार्जन, मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा जी, ये बात मैंने उनसे वहीं पर कह दी। आप पूछ लीजिए उनसे, और मैं आज भी उनको गार्जन मानूंगा, कल भी मानूंगा, और मैं लड़ू ना लड़ू, मैं पूर्णिया रहूं, मैं कोशिश करूंगा इंडिया गठबंधन मजबूत हो और भारत को बचाया जाए जी, ये कोशिश मेरी जारी है। अगर जब लालू यादव से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप मधेपुरा लड़िए, वो आरजेडी के पास ही रहेगी पूर्णिया सीट, तब क्या ये बात नहीं हुई कि आप आरजेडी में शामिल होकर पूर्णिया से लड़ लें, सीट भी रह जाती और आपका जो है पूर्णिया का गढ़ भी बचा रह जाता? देखिए मुझे तो एक बिगर प्लेटफॉर्म, पहले से जब कांग्रेस परिवार हम पर विश्वास कर रहा था और कांग्रेस को लग रहा था, रंजीत रंजन जी 19 सालों से 20 सालों से कांग्रेस में, उनका जो रिश्ता है एक परिवार का, माँ और बेटी का सोनिया जी के साथ, तो फिर पप्पू यादव को नहीं सर, मेरा सवाल यह कि गठबंधन के तहत कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरी पार्टियों के नेता होते हैं वो सहयोगी दल के सिंबल पर वहां से चुनाव लड़ते हैं, इससे आधिकारिक तौर पर वो सीट जो है उसके खाते में रह जाती है। नहीं, मधेपुरा के लिए उन्होंने ज्वाइनिंग की बात की, सुपौल के लिए बात की, मैं पूर्णिया के लिए उनसे आग्रह किया था, और जिस दिन मैं ज्वाइन किया शायद उसी दिन उन्होंने टिकट दे दिया होगा कि क्या क्या हो तो मैं नहीं जानता हूँ, वो कांग्रेस को देखना है, ठीक है, वो मेरे गार्जियन है, उनका आदेश सर्वोपरि है, लेकिन मैं पूर्णिया के इमोशंस के साथ हूँ, उस फीलिंग के साथ हूँ जी, मैं पूर्णिया के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता।
पप्पू जी, पूर्णिया सीट को लेकर के क्या कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी किसी ने आपको भरोसा दिया था कि आप पार्टी में आएंगे तो आपको उस सीट से लड़ाया जाएगा? अच्छा, कांग्रेस में कहां भरोसे की बात है? कांग्रेस में कौन सा बार्गेनिंग करने की? कांग्रेस जब मेरी माँ है तो पूरा भरोसा है एक माँ पर जी और एक विचारधारा पर। इसमें बार्गेनिंग करना है, इसमें पूछना है किसी से? कांग्रेस में आप आइडियोलॉजी की भी बात करते हैं और यह कहा कि जब दुनिया को पता है पूर्णिया से मुझे लड़ना है तो इसमें एक बात क्या करनी थी? प्रियंका जी वैसे ही एक जीनियस लीडर है, डायनेमिक और डैशिंग लीडर है, बात करने का क्या गुंजाइश है? जी। प्रियंका जी राहुल गांधी जी को देखना है पप्पू यादव के बारे में, और पप्पू यादव नोन है, कोई ऐसा तो है नहीं, पूरी दुनिया पप्पू यादव के बारे में जानना चाहती है, पूरा देश जानना चाहती है, हर विपक्ष हो या कोई हो पप्पू यादव के साथ उसका एक सेंटीमेंट है। मैं तो कह ही रहा हूं कि मुझसे मैं कांग्रेस के साथ सौदा करना नहीं ना करके मैं आता भाई जी, औरों की तरह मेरे साथ क्या होता? कांग्रेस के साथ जिस पार्टी के साथ रहो मदर फीलिंग के साथ रहो जी। पप्पू जी, बीमा भारती को टिकट दिया गया आरजेडी की तरफ से, जेडीयू से ला करके उनको जो है उम्मीदवार बनाया गया है, फिर पप्पू यादव में क्या खराबी थी कि भाई पप्पू यादव तो पहले भी साथ में रह चुके हैं, इतना दशकों पुराना जुड़ाव है? तो ये बात तो हमारे नेता बोलेंगे ना, लालू जी ना, कि हमें क्या खराबी थी, हमने कौन सा गुनाह कर दिया था? जब वो ज्वाइन करा के मधेपुरा लड़ा ही रहे थे और हम एक परिवार में ज्वाइन कर लिए और दोनों परिवार एक साथ लड़ रही है और वो बड़े भाई हैं कांग्रेस यहाँ पर, छोटे भाई हैं बिहार में, लार्जर सोच में, और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है जी। लेकिन गठबंधन धर्म में तो मैं था ही, तो जब मैं गठबंधन धर्म में ज्वाइन कर ही लिया और हम उनके परिवार के हिस्सा रहे हैं और हमेशा लालू जी के साथ रहे हैं, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू यादव जी को यह खतरा लगा कि पप्पू यादव जैसा जो है कर्मठ जुझारू नेता जो कि जनता के बीच रहता है अगर आगे पनपता है तो तेजस्वी यादव के लिए खतरा हो सकता है? सर, यदि मेरे फेट में अब पप्पू यादव को और कांग्रेस का विश्वास, तो हम कांग्रेस के लिए ना संघर्ष करेंगे, नंबर वन पार्टी हो, और तेजस्वी यादव जी को तो मैंने कह दिया मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम एक भाई की तरह खड़े रहेंगे, और उनको डिप्टी सीएम बनना था तो उनके फेट में था, तो उन्होंने रह करके काम किया ना, बने ना, तो उसमें डर की क्या गुंजाइश है जी? लालू यादव जी एक स्टॉलवार्ड नाम है, लालू यादव जी जैसे व्यक्ति को एक अपने बेटे से पप्पू से क्या डर? आप बताइए ना, सवाल नहीं उठता जी, एक बेटा से किसी बाप को डर हो, तो इसीलिए डर की तो कोई गुंजाइश नहीं। भाइयों के बीच महाभारत भी हुई है सर, अगर आप जो है तेजस्वी यादव को भाई कहते हैं तो भाइयों के बीच तो भारत में महाभारत भी हुई है। सर एक बात सुनिए, दुर्योधन और अर्जुन में चुनना पड़ा ना कृष्ण को, तो अर्जुन को चुना, भाइयों के बीच आप कह रहे हैं महाभारत हुआ है, मैं आज भी कहता हूं कि भाइयों के बीच में सहमति भी हुई है, भाइयों के बीच में बराबरी का हिस्सा भी हुआ है, भाइयों के बीच में बड़े भाई छोटे भाई के साथ चलने का स्वीकार भी हुआ है, हम लोग मिलकर भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कल जो महाभारत हुआ आज भी उसी तरह को दोहराया जाए, आज एक नई सोच के साथ, बिगर लार्जर सोच के साथ हम काम करते हैं जी, और उस तरीके से काम करने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, तो सवाल नहीं उठता है कल महाभारत कब की कथा है, आज नई सोच के साथ युवा पीढ़ी बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, मैं पूर्णिया को नंबर वन कोशी सीमांचल को देखना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में राजनीति है ही नहीं, मैं हर परिवार को भगवान की तरह पूजा करता हूँ, इस पूर्णिया और इस इलाके की माँ बेटा बेटी, माँ और बेटी बहन सबसे ज्यादा पप्पू यादव के मुस्कुराना चाहती है जी। सबसे ज्यादा पप्पू यादव को अपने, अच्छा पप्पू यादव अपना जो फ्यूचर कोर्स होगा, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा, वो कितने दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी, कब तक ये साफ हो जाएगा कि पप्पू यादव आगे क्या करने जा रहे हैं? ये कांग्रेस को सोचना है, कांग्रेस जो तय करेगी पप्पू यादव वहां पर खड़ा है। अगर कांग्रेस ये कहती है कि मधेपुरा से लड़े आप, तो फिर मधेपुरा से लड़ेंगे? मैंने तो अपना सब कुछ कांग्रेस को समर्पित कर दिया, लेकिन एक अधिकार मुझे है, एक सिंगल अधिकार, अपनी माँ से कहने का बेटे को कि माँ
मेरा अधिकार मुझे चाहिए जी। मैंने लालू जी से भी यही बात कहा और कांग्रेस से भी यही कहूंगा कि मेरा अधिकार पूर्णिया है, वो अधिकार आप हमें दीजिए, ठीक है, आगे जो होगा उचित आप करिए, लेकिन पूर्णिया से अलग जा करके उस इमोशंस के साथ मेरे साथ खेलवाड़ की बात होगी, कोई भी पीठ में खुंजर भोंकेगा तो मैं जिंदा नहीं रहूं। तो बिहार की पूर्णिया सीट हाई प्रोफाइल हो चुकी है। पप्पू यादव साफ कह चुके हैं कि वे दुनिया छोड़ देंगे लेकिन लड़ेंगे पूर्णिया से ही। वहीं आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दे दिया है और इस वक्त हमारे साथ खुद पप्पू यादव जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, जी न्यूज पर स्वागत है आपका। जी प्रणाम भैया। जी पप्पू जी, क्या हो गया आखिरकार, जो है आप इतने जोशो खरोश के साथ कांग्रेस में शामिल हुए, महागठबंधन की ओर से चर्चा थी कि आप पूर्णिया से लड़ेंगे, क्या हो गया आखिरकार, कहां गड़बड़ हो गई? देखिए एक बात समझिए, 40 साल की जो मेरी राजनीतिक संघर्ष रही, आपको पता है कि मुझे राजनीति नहीं है, मैं दिल से लोगों के लिए काम करता हूं, ना मेरी नफरत की राजनीति है, ना जात पात की राजनीति है, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति है, मेरी पूरी राजनीति सेवा की है, मदद की है, चाहे वो दिल्ली का सेवा आश्रम हो, चाहे देश भर का हो, चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो, चाहे कोई भी देश के संकट या परिस्थिति में हो, वहां एक मददगार के रूप में और बेटे के रूप में मैं खड़ा होता हूं। जी आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए इसको जोश खरोश की बात नहीं है। हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी मेरे साथ हमेशा मेरे मन में मेरे भाव में रही है जी। मेरा जज्बात रहा है उनके साथ और मैंने 40 साल के संघर्ष और अपनी पार्टी, जब दो दो बार हम विधानसभा लड़े, पौने 2% 2.5% वोट आया उसके अकेला, जब लोग बटे हुए थे तब की बात मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद इतने लंबे संघर्ष को जो साथियों ने लाठी खाया और संघर्ष का अकेला नाम था जन अधिकार पार्टी, मैंने निश्चित रूप से लार्जर कॉज के लिए, जो देश का लार्जर कॉज था कि भाई हमें रोकना है बीजेपी को, तो इसके लिए एक कौन सा उचित प्लेटफॉर्म है जिसने 130 करोड़ लोगों को जो दिल जीता है, ठीक है, हम इतनी बारी रैली हुई, हम एक साल से प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया को लेकर के हम घर घर गए, लगातार 8 महीना 6 लाख 6.5 लाख परिवार से मिले, फिर 2 लाख से ज्यादा यहाँ ठेला वाला, रिक्शा वाला, टमटम वाला, दुकानदार, सारे गरीब मैदान में थे, मजदूरी उस दिन मजदूर नहीं किया, उस दिन सब लोग पहुंचे, बच्चे छोटे सभी लोग गए, मेरा तो कोई मतलब नहीं था, ठीक है, हमें तो पूर्णिया में निर्दलीय चुनाव हम लड़े, हमारी माँ भी चुनाव लड़ी, 32,000 से चुनाव हारे, हमें पूर्णिया कभी नहीं हटाया, मधेपुरा जबकि मेरा घर है, लालू यादव जी से जब हम मिले तो हम लालू यादव जी को बेटे की तरह कह दिए कि सर हम पूर्णिया से ही लड़ेंगे और हम पूर्णिया नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, आप जिनको कहिएगा हम मधेपुरा लड़ाइए, हम प्रयास करेंगे मधेपुरा जिताने का, सुपौल जिताने का, आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। अब मैं ये बात अलग, क्या लालू यादव जी क्या हमें जाधव नहीं समझते हैं या अपना बेटा नहीं समझते? पप्पू जी, ये कहा जाता है कि आप जो है भले ही लालू यादव को अपना अभिभावक मानते रहे हो और आप उनके आपकी जो राजनीति है वो शुरू भी लालू यादव के अंडर ही हुई थी, लेकिन लालू यादव कहीं ना कहीं आपको खतरा मानते हैं और इसी वजह से उन्होंने आपको पूर्णिया से टिकट नहीं दिया। देखिए पहले तो समझिए कि मैं निर्दलीय एमएलए बना था और 83-82 से लालू यादव जी के साथ रहे, यह बात उन्होंने उस दिन भी कही कि जब विपक्ष के नेता से लेकर के एक वोट की जरूरत से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर आज तक जब जब लालू यादव जी पर हमले हुए सीबीआई के अन्य चीजों के, मैं बेटे की तरह खड़ा रहा, हमारा इमोशंस लालू यादव के साथ था, आगे भी रहेगा। मैंने तेजस्वी जी को कहा कि मुख्यमंत्री बनाने में जो भी मेरी छोटी भूमिका होगी एक सिपाही की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे, हम लोग मिलकर काम करेंगे। आज भी मैं कहता हूं कि वो किसी से सर्वे करा ले पूर्णिया, कोई भी, यदि इंडिया गठबंधन का कोई पहला सीट 12 बजे जीतने की स्थिति में होगा तो वो पूर्णिया होगा, किशनगंज से भी ऊपर। ये तो मेरा, हमें हम हर घर में यहाँ गोदी में खेले हैं, हमारा हर घर में हमारी जिंदगी है, हमें सीखा है। पप्पू जी, मैं 90 के दशक में सहरसा में रहा करता था और उस वक्त जो है वहां पर चर्चा होती थी कि अगर विकास देखना है तो पूर्णिया में देखिए, पप्पू यादव के वहां जीतने के बाद जो है पूरा चमक चुका है पूर्णिया, इसलिए हमें अच्छी तरह से पता है कि आपने किस तरह से वहां पर विकास किया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से टिकट नहीं मिला है, बीमा भारती को टिकट का ऐलान कर दिया गया है, तो पप्पू यादव जी की अगली रणनीति क्या होगी, क्या वे निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं?
दो बात समझिए, मैंने पहले ही जब कह दिया मधेपुरा मैं जानता हूं, मेरा घर है मधेपुरा, कभी भी हमको चुनाव अलग लड़े तो देखिए वहां लालू यादव और पप्पू यादव के बीच पूर्णिया में तो ये बात नहीं है, पूर्णिया तो सीधा बेटा है, सीधा मेरी माँ है जी, वहां राजनीति हो सकती है मधेपुरा में, लेकिन यहाँ तो सीधा कोई राजनीति नहीं होती है, यहाँ तो कोई जाति पाति नहीं होता है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है, जब पप्पू रहता है तो कोई भी चीजें यहाँ खत्म हो जाती है जी। तो मैं जब एक साल और बड़ा पूर्णिया रैली हो गई, दुनिया को पता था लालू जी से मैं मिल लिया और अपना सब कुछ मैं लार्जर कॉज के लिए बीजेपी को रोकने के लिए अपना समर्पण प्रियंका जी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिन्होंने दिल को जीता है भारत से, जब मैंने कर दिया तो निर्णय उन्हें लेना है कि मेरी राजनीतिक भविष्य क्या होगी। चुनाव की बात यदि आप व्यक्तिगत तौर पर हमसे पूछते हैं तो मैं या अपनी भावना जो मेरा इमोशनल भावना है, जो इमोशन से मेरा पूर्णिया के साथ मेरी फीलिंग है, हमारे इमोशंस को हमारे इमोशंस साफ है, वो क्लियर है। पूर्णिया छोड़ने का मतलब है पप्पू यादव को आत्महत्या करना या चुपचाप जहर खा के मर जाना, ठीक है। आप स्थिति आप समझिए मेरी, इसीलिए यदि चुनाव लड़ने की बात होगी निर्णय हमारे पार्टी लेंगे, नेतृत्व मैं तो बड़े पूर्णिया कांग्रेस के लिए एक सिपाही की तरह काम करने आया हूं ताकि बिहार में कांग्रेस को नंबर वन कर पाऊं, किसी भी पार्टी से ऊपर हो, तो मेरी लड़ाई कांग्रेस को नंबर वन के लिए है, सिर्फ सीट के लिए नहीं। हमको तो एमपी एमएलए नहीं है, तब भी कोरोना में पप्पू यादव, बाढ़ में पप्पू यादव, सबकी सेवा में पप्पू यादव, पद मेरे लिए मैटर नहीं रखता है, ठीक है। नेतृत्व कह तो दे कि आपको नहीं लड़ना है, आपको काम करना है जी। लेकिन मैं यदि लड़ूंगा, मैं मुझसे आप यदि पूछते हैं, हम नेतृत्व को कह दिए यदि हमको लड़ाना होगा तो सर निर्णय पूर्णिया का ही लीजिएगा। हम अगर कांग्रेस नेतृत्व ने कह दिया कि पप्पू यादव जो है चुनाव पूर्णिया से नहीं लड़ेंगे, फिर क्या करेंगे सर? देखिए एक बात समझिए, कांग्रेस नेतृत्व कह दिया तो मैं कहूंगा ठीक है चुनाव नहीं लड़ूंगा, पूर्णिया छोड़ के कहीं चुनाव नहीं, फिर निर्दलीय नहीं लड़ेंगे? भैया मैं तो कह दिया, कांग्रेस को आप नेतृत्व से पूछिए ना, मैंने तो अपना समर्पण कर दिया जी, पूर्णिया तो मेरे लिए भगवान की तरह, और आस्था पे कोई ठोस नहीं, मेरे पूजा में कमी रह गई होगी, हो सकता है मेरी भूल होगी, मेरी भक्ति में कमी रह गई होगी कि हमें लोग महसूस समझ नहीं पाए अपने बेटे को, कोशिश करेंगे और भक्ति करने की जी, पूजा हर घर में पूजा करने की और करेंगे, पूजा और इबादत में आने वाले समय में कोई कमी नहीं रखेंगे, लेकिन मुझे कोई पूर्णिया के आत्मसम्मान और उस भावनाओं के साथ खेलवाड़ करके पप्पू यादव को झुकाने की बात, इससे बेहतर है खुद को मार लेना झुकने से बेहतर, ठीक है। हम झुकेंगे तो सिर्फ पूर्णिया के सामने जी, अपने भगवान के सामने, दुनिया में मर जाएंगे कहीं नहीं झुकेंगे। कहा यह भी जा रहा है, जानकार लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में जो सीटों का बंटवारा हुआ है आरजेडी ने सारी मलाई अपने पास रख ली है और मट्ठा और छाछ जो है वो कांग्रेस को दिया है, और यही वजह है कि जहां पर पूर्णिया सीट दमदार मानी जा रही थी महागठबंधन के लिए, वही उसी वजह से जो है वो अपने पास आरजेडी ने रख ली है। देखिए मैं तो इसमें कहीं मीटिंग में नहीं था, ना मुझे किसी चीजों में था, वो तो कांग्रेस नेतृत्व हमारे शीर्षस्थ लीडर है और प्रभारी हमारे लीडर है, प्रभारी गंभीर आदमी है और मुकुल जी काम करते थे, तो मैं तो उसमें कहीं था नहीं, वो तो देखने की जिम्मेदारी उनकी होगी, लेकिन किशनगंज कटिहार पूर्णिया ये कांग्रेस की एक सबसे बड़ी ताकत है जी, और कांग्रेस को इस तीनों सीट पर अपनी अधिकार और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, रखे भी होंगे, जैसे औरंगाबाद कांग्रेस की सीट है, वाल्मीकि नगर कांग्रेस की सीट है जी, मैं मानता हूं जो समस्तीपुर कांग्रेस की सीट है जो मैंने देखा है आज तक, और यह इलाका तो कांग्रेस की ही है जी, तो इसीलिए कांग्रेस को तय करना है तीनों सीट पर या अन्य जगहों पर, उसमें मैं कहीं नहीं हूं, मैं इतना जानता हूं कि मैं कांग्रेस के लिए खाद बनने को तैयार हूं, मेरा इमोशंस पूर्णिया के साथ है, मेरा समर्पण पूर्णिया के साथ है जी, मैं इस समर्पण से अलग नहीं हो सकता हूं, ये मैडम को भी मैंने आज कह दी जी, और मैं कंप्लीट रूप से पूर्णिया में हूं, ठीक है, मैं पर्वों में हूं, होली थी रमजान है, मैं अपने घर में हूं, मुझे मेरी अपनी माँ से अपने घर से कोई निकाल नहीं सकता,
पप्पू जी, जब लालू यादव जी से आपने मुलाकात की थी और आपने कहा था कि आप पूर्णिया से ही लड़ेंगे, तो उन्होंने क्या कहा था? कोई भरोसा दिया था या उन्होंने तब भी मना किया? नहीं, उन्होंने कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करिए और आप मधेपुरा लड़िए। मैंने कहा कि परिवार और कांग्रेस फैमिली से भी मैं बात कर लेता हूं, लेकिन मैं पूर्णिया लड़ूंगा गार्जियन, मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा जी। ये बात मैंने उनसे वहीं पर कह दी। आप पूछ लीजिए उनसे, और मैं आज भी उनको गार्जियन मानूंगा, कल भी मानूंगा, और मैं लड़ू ना लड़ू, मैं पूर्णिया रहूं, मैं कोशिश करूंगा इंडिया गठबंधन मजबूत हो और भारत को बचाया जाए जी। ये कोशिश मेरी जारी। अपू जी, अगर जब लालू यादव से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप मधेपुरा लड़िए, वो आरजेडी के पास ही रहेगी पूर्णिया सीट, तब क्या ये बात नहीं हुई कि आप आरजेडी में शामिल होकर पूर्णिया से लड़ लें, सीट भी रह जाती और आपका जो है पूर्णिया का गढ़ भी बचा रह जाता? देखिए, मुझे तो एक बिगर प्लेटफॉर्म पहले से, जब कांग्रेस परिवार हम पर विश्वास कर रहा था और कांग्रेस को लग रहा था रंजीत रंजन जी 19 सालों से 20 सालों से कांग्रेस में, उनका जो रिश्ता है एक परिवार का माँ और बेटी का सोनिया जी के साथ, तो फिर पप्पू यादव को नहीं। सर, मेरा सवाल यह कि गठबंधन के तहत कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरी पार्टियों के नेता होते हैं वो सहयोगी दल के सिंबल पर वहां से चुनाव लड़ते हैं, इससे आधिकारिक तौर पर वो सीट जो है उसके खाते में रह जाती है। मधेपुरा के लिए उन्होंने ज्वाइनिंग की बात की, सुपौल के लिए बात की, मैं पूर्णिया के लिए उनसे आग्रह किया था, और जिस दिन मैं ज्वाइन किया शायद उसी दिन उन्होंने टिकट दे दिया होगा कि क्या क्या, वो तो मैं नहीं जानता हूँ, वो कांग्रेस को देखना है, ठीक है, वो मेरे गार्जियन है, उनका आदेश सर्वोपरि है, लेकिन मैं पूर्णिया के इमोशंस के साथ हूँ, उस फीलिंग के साथ हूँ जी, मैं पूर्णिया के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। पप्पू जी, पूर्णिया सीट को लेकर के क्या कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी, किसी ने आपको भरोसा दिया था कि आप पार्टी में आएंगे तो आपको उस सीट से लड़ाया जाएगा? अच्छा, कांग्रेस में कहां भरोसे की बात है, कांग्रेस में कौन सा बार्गेनिंग करने की, कांग्रेस जब मेरी माँ है तो पूरा भरोसा है एक माँ पर जी और एक विचारधारा पर, इसमें बार्गेनिंग करना है, इसमें पूछना है किसी से? कांग्रेस में आप आइडियोलॉजी की भी बात करते हैं और यह कह के जब दुनिया को पता है पूर्णिया से मुझे लड़ना है, तो इसमें एक बात क्या करनी थी? प्रियंका जी वैसे ही एक जीनियस लीडर है, डायनेमिक और डैशिंग लीडर है, बात करने का क्या गुंजाइश है जी? प्रियंका जी राहुल गांधी जी को देखना है पप्पू यादव के बारे में, और पप्पू यादव नोन है, कोई ऐसा तो है नहीं, पूरी दुनिया पप्पू यादव के बारे में जानना चाहती है, पूरा देश जानना चाहती है, हर विपक्ष हो या कोई हो पप्पू यादव के साथ उसका एक सेंटीमेंट है। मैं तो कह ही रहा हूं कि मुझसे, मैं कांग्रेस के साथ सौदा करना नहीं ना करके मैं आता भाई जी, औरों की तरह मेरे साथ क्या होता, कांग्रेस के साथ जिस पार्टी के साथ रहो मदर फीलिंग के साथ रहो जी। पप्पू जी, बीमा भारती को टिकट दिया गया आरजेडी की तरफ से, जेडीयू से ला करके उनको जो है उम्मीदवार बनाया गया है, फिर पप्पू यादव में क्या खराबी थी कि भाई पप्पू यादव तो पहले भी साथ में रह चुके हैं, इतना दशकों पुराना जुड़ाव है? तो ये बात तो हमारे नेता बोलेंगे ना, लालू जी ना, कि हमें क्या खराबी थी, हमने कौन सा गुनाह कर दिया था जब वो ज्वाइन करा के मधेपुरा लड़ा ही रहे थे और हम एक परिवार में ज्वाइन कर लिए और दोनों परिवार एक साथ लड़ रही है और वो बड़े भाई हैं कांग्रेस यहाँ पर, छोटे भाई हैं बिहार में, लार्जर सोच में, और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है जी। लेकिन गठबंधन धर्म में तो मैं था ही, तो जब मैं गठबंधन धर्म में ज्वाइन कर ही लिया और हम उनके परिवार के हिस्सा रही हैं और हमेशा लालू जी के साथ रहे हैं, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू यादव जी को यह खतरा लगा कि पप्पू यादव जैसा जो है कर्मठ जुझारू नेता जो कि जनता के बीच रहता है अगर आगे पनपता है तो तेजस्वी यादव के लिए खतरा हो सकता है? सर, यदि मेरे फेट में अब पप्पू यादव को और कांग्रेस का विश्वास, तो हम कांग्रेस के लिए ना संघर्ष करेंगे, नंबर वन पार्टी हो, और तेजस्वी यादव जी को तो मैंने कह दिया मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम एक भाई की तरह खड़े रहेंगे, और उनको डिप्टी सीएम बनना था तो उनके फेट में था, तो उन्होंने रह करके काम किया ना, बने ना, तो उसमें डर की क्या गुंजाइश है जी? लालू यादव जी एक स्टॉलवार्ड नाम है, लालू यादव जी जैसे व्यक्ति को एक अपने बेटे से पप्पू से क्या डर, आप बताइए ना, सवाल नहीं उठता जी।
एक बेटा से किसी बाप को डर हो, तो इसीलिए डर की तो कोई गुंजाइश नहीं। भाइयों के बीच महाभारत भी हुई है सर, अगर आप जो है तेजस्वी यादव को भाई कहते हैं तो भाइयों के बीच तो भारत में महाभारत भी हुई है। सर एक बात सुनिए, दुर्योधन और अर्जुन में चुनना पड़ा ना कृष्ण को, तो अर्जुन को चुना। भाइयों के बीच आप कह रहे हैं महाभारत हुआ है, मैं आज भी कहता हूं कि भाइयों के बीच में सहमति भी हुई है, भाइयों के बीच में बराबरी का हिस्सा भी हुआ है, भाइयों के बीच में बड़े भाई छोटे भाई के साथ चलने का स्वीकार भी हुआ है, हम लोग मिलकर भी काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कल जो महाभारत हुआ आज भी उसी तरह को दोहराया जाए, आज एक नई सोच के साथ, बिगर लार्जर सोच के साथ हम काम करते हैं जी, और उस तरीके से काम करने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, तो सवाल नहीं उठता है कल महाभारत कब की कथा है, आज नई सोच के साथ युवा पीढ़ी बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। मैं पूर्णिया को नंबर वन, कोसी सीमांचल को देखना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में राजनीति है ही नहीं, मैं हर परिवार को भगवान की तरह पूजा करता हूँ। इस पूर्णिया और इस इलाके की माँ बेटा बेटी, माँ और बेटी बहन, सबसे ज्यादा पप्पू यादव के मुस्कुराना चाहती है, सबसे ज्यादा पप्पू यादव को अपने। अच्छा पप्पू यादव, अपना जो फ्यूचर कोर्स होगा, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा, वो कितने दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी, कब तक ये साफ हो जाएगा कि पप्पू यादव आगे क्या करने जा रहे हैं? ये कांग्रेस को सोचना है, कांग्रेस जो तय करेगी, पप्पू यादव वहां पर खड़ा है। अगर कांग्रेस ये कहती है कि मधेपुरा से लड़े आप, तो फिर मधेपुरा से लड़ेंगे? मैंने तो अपना सब कुछ कांग्रेस को समर्पित कर दिया, लेकिन एक अधिकार मुझे है, एक सिंगल अधिकार, अपनी माँ से कहने का बेटे को कि माँ मेरा अधिकार मुझे चाहिए जी। मैंने लालू जी से भी यही बात कहा और कांग्रेस से भी यही कहूंगा कि मेरा अधिकार पूर्णिया है, वो अधिकार आप हमें दीजिए, ठीक है, आगे जो होगा उचित आप करिए, लेकिन पूर्णिया से अलग जा करके उस इमोशंस के साथ मेरे साथ खेलवाड़ की बात होगी, कोई भी पीठ में खुंजर भोंकेगा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो बिहार की पूर्णिया सीट हाई प्रोफाइल हो चुकी है, पप्पू यादव साफ कह चुके हैं कि वे दुनिया छोड़ देंगे लेकिन लड़ेंगे पूर्णिया से ही। वहीं आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दे दिया है और इस वक्त हमारे साथ खुद पप्पू यादव जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, जी न्यूज पर स्वागत है आपका। जी प्रणाम भैया। जी पप्पू जी, क्या हो गया आखिरकार, जो है आप इतने जोशो खरोश के साथ कांग्रेस में शामिल हुए, महागठबंधन की ओर से चर्चा थी कि आप पूर्णिया से लड़ेंगे, क्या हो गया आखिरकार, कहां गड़बड़ हो गई? देखिए एक बात समझिए, 40 साल की जो मेरी राजनीतिक संघर्ष रही, आपको पता है कि मुझे राजनीति नहीं है, मैं दिल से लोगों के लिए काम करता हूं, ना मेरी नफरत की राजनीति है, ना जात पात की राजनीति है, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति है, मेरी पूरी राजनीति सेवा की है, मदद की है, चाहे वो दिल्ली का सेवा आश्रम हो, चाहे देश भर का हो, चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो, चाहे कोई भी देश के संकट या परिस्थिति में हो, वहां एक मददगार के रूप में और बेटे के रूप में मैं खड़ा होता हूं। जी आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए इसको जोश खरोश की बात नहीं है। हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी मेरे साथ हमेशा मेरे मन में, मेरे भाव में रही है जी। मेरा जज्बात रहा है उनके साथ, और मैंने 40 साल के संघर्ष और अपनी पार्टी, जब दो दो बार हम विधानसभा लड़े, पौने 2% 2.5% वोट आया, उसके अकेला जब लोग बटे हुए थे तब की बात मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद इतने लंबे संघर्ष को जो साथियों ने लाठी खाया, और संघर्ष का अकेला नाम था जन अधिकार पार्टी। मैंने निश्चित रूप से लार्जर कॉज के लिए, जो देश का लार्जर कॉज था कि भाई हमें रोकना है बीजेपी को, तो इसके लिए एक कौन सा उचित प्लेटफॉर्म है जिसने 130 करोड़ लोगों को जो दिल जीता है, ठीक है। हम इतनी बारी रैली हुई, हम एक साल से प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया को लेकर के हम घर घर गए, लगातार 8 महीना 6 लाख 6.5 लाख परिवार से मिले, फिर 2 लाख से ज्यादा यहाँ ठेला वाला, रिक्शा वाला, टमटम वाला, दुकानदार, सारे गरीब मैदान में थे। मजदूरी उस दिन मजदूर नहीं किया, उस दिन सब लोग पहुंचे, बच्चे छोटे सभी लोग गए, मेरा तो कोई मतलब नहीं था, ठीक है। हमें तो पूर्णिया में निर्दलीय चुनाव हम लड़े, हमारी माँ भी चुनाव लड़ी, 32,000 से चुनाव हारे, हमें पूर्णिया कभी नहीं हटाया। मधेपुरा जबकि मेरा घर है, लालू यादव जी से जब हम मिले तो हम लालू यादव जी को बेटे की तरह कह दिए कि सर हम पूर्णिया से ही लड़ेंगे और हम पूर्णिया नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप जिनको कहिएगा हम मधेपुरा लड़ाइए,
हम प्रयास करेंगे मधेपुरा जिताने का, सुपौल जिताने का, आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। अब मैं ये बात अलग, क्या लालू यादव जी क्या हमें जाधव नहीं समझते हैं या अपना बेटा नहीं समझते? पप्पू जी, ये कहा जाता है कि आप जो है भले ही लालू यादव को अपना अभिभावक मानते रहे हो और आप उनके आपकी जो राजनीति है वो शुरू भी लालू यादव के अंडर ही हुई थी, लेकिन लालू यादव कहीं ना कहीं आपको खतरा मानते हैं और इसी वजह से उन्होंने आपको पूर्णिया से टिकट नहीं दिया। देखिए, पहले तो समझिए कि मैं निर्दलीय एमएलए बना था और 83-82 से लालू यादव जी के साथ रहे। यह बात उन्होंने उस दिन भी कही कि जब विपक्ष के नेता से लेकर के एक वोट की जरूरत से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर आज तक जब जब लालू यादव जी पर हमले हुए सीबीआई के अन्य चीजों के, मैं बेटे के तरह खड़ा रहा। हमारा इमोशंस लालू यादव के साथ था, आगे भी रहेगा। मैंने तेजस्वी जी को कहा कि मुख्यमंत्री बनाने में जो भी मेरी छोटी भूमिका होगी, एक सिपाही की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे, हम लोग मिलकर काम करेंगे। आज भी मैं कहता हूं कि वो किसी से सर्वे करा ले पूर्णिया, कोई भी, यदि इंडिया गठबंधन का कोई पहला सीट 12 बजे जीतने की स्थिति में होगा तो वो पूर्णिया होगा, किशनगंज से भी ऊपर। ये तो मेरा, हमें हम हर घर में यहाँ गोदी में खेले हैं, हमारा हर घर में हमारी जिंदगी है, हमें सीखा है। पप्पू जी, मैं 90 के दशक में सहरसा में रहा करता था और उस वक्त जो है वहां पर चर्चा होती थी कि अगर विकास देखना है तो पूर्णिया में देखिए, पप्पू यादव के वहां जीतने के बाद जो है पूरा चमक चुका है पूर्णिया, इसलिए हमें अच्छी तरह से पता है कि आपने किस तरह से वहां पर विकास किया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से टिकट नहीं मिला है, बीमा भारती को टिकट का ऐलान कर दिया गया है, तो पप्पू यादव जी की अगली रणनीति क्या होगी? क्या वे निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं? दो बात समझिए, मैंने पहले ही जब कह दिया मधेपुरा मैं जानता हूं, मेरा घर है मधेपुरा, कभी भी हमको चुनाव अलग लड़े तो देखिए, वहां लालू यादव और पप्पू यादव के बीच पूर्णिया में तो ये बात नहीं है, पूर्णिया तो सीधा बेटा है, सीधा मेरी माँ है जी, वहां राजनीति हो सकती है मधेपुरा में, लेकिन यहाँ तो सीधा कोई राजनीति नहीं होती है, यहाँ तो कोई जाति पाति नहीं होता है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है, जब पप्पू रहता है तो कोई भी चीजें यहाँ खत्म हो जाती है जी। तो मैं जब एक साल और बड़ा पूर्णिया रैली हो गई, दुनिया को पता था लालू जी से मैं मिल लिया और अपना सब कुछ मैं लार्जर कॉज के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए अपना समर्पण प्रियंका जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिन्होंने दिल को जीता है भारत के, जब मैंने कर दिया तो निर्णय उन्हें लेना है कि मेरी राजनीतिक भविष्य क्या होगी। चुनाव की बात यदि आप व्यक्तिगत तौर पर हमसे पूछते हैं तो मैं या अपनी भावना, जो मेरा इमोशनल भावना है, जो इमोशन से मेरा पूर्णिया के साथ मेरी फीलिंग है, हमारे इमोशंस को हमारे इमोशंस साफ है, वो क्लियर है। पूर्णिया छोड़ने का मतलब है पप्पू यादव को आत्महत्या करना या चुपचाप जहर खा के मर जाना। ठीक है, आप स्थिति आप समझिए मेरी, इसीलिए यदि चुनाव लड़ने की बात होगी निर्णय हमारे पार्टी लेंगे, नेतृत्व को मैं तो बड़े पूर्णिया कांग्रेस के लिए एक सिपाही की तरह काम करने आया हूं ताकि बिहार में कांग्रेस को नंबर वन कर पाऊं, किसी भी पार्टी से ऊपर हो, तो मेरी लड़ाई कांग्रेस को नंबर वन के लिए है, सिर्फ सीट के लिए नहीं। हमको तो MP MLA नहीं है, तब भी कोरोना में पप्पू यादव, बाढ़ में पप्पू यादव, सबकी सेवा में पप्पू यादव, पद मेरे लिए मैटर नहीं रखता है। ठीक है, नेतृत्व कह तो दे कि आपको नहीं लड़ना है, आपको काम करना है जी। लेकिन मैं यदि लड़ूंगा, मैं मुझसे आप यदि पूछते हैं, हम नेतृत्व को कह दिए यदि हमको लड़ाना होगा तो सर निर्णय पूर्णिया का ही लीजिएगा। हम अगर कांग्रेस नेतृत्व ने कह दिया कि पप्पू यादव जो है चुनाव पूर्णिया से नहीं लड़ेंगे, फिर क्या करेंगे सर? देखिए एक बात समझिए, कांग्रेस नेतृत्व कह दिया तो मैं कहूंगा ठीक है चुनाव नहीं लड़ूंगा, पूर्णिया छोड़ के कहीं चुनाव नहीं, फिर निर्दलीय नहीं लड़ेंगे? या मैं तो कह दिया, कांग्रेस को आप नेतृत्व से पूछिए ना, मैंने तो अपना समर्पण कर दिया जी, पूर्णिया तो मेरे लिए भगवान के तरह, और आस्था पे कोई ठोस नहीं, मेरे पूजा में कमी रह गई होगी, हो सकता है मेरी भूल होगी, मेरी भक्ति में कमी रह गई होगी कि हमें लोग महसूस समझ नहीं पाए अपने बेटे को, कोशिश करेंगे और भक्ति करने की जी, पूजा हर घर में पूजा करने की और करेंगे, पूजा और इबादत में आने वाले समय में कोई कमी नहीं रखेंगे, लेकिन मुझे कोई पूर्णिया के आत्मसम्मान और उस भावनाओं के साथ खेलवाड़ करके पप्पू यादव को झुकाने की बात
इससे बेहतर है खुद को मार लेना झुकने से बेहतर। ठीक है, हम झुकेंगे तो सिर्फ पूर्णिया के सामने जी, अपने भगवान के सामने, दुनिया में मर जाएंगे कहीं नहीं झुकेंगे। कहा यह भी जा रहा है, जानकार लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में जो सीटों का बंटवारा हुआ है, आरजेडी ने सारी मलाई अपने पास रख ली है और मट्ठा और छाछ जो है वो कांग्रेस को दिया है, और यही वजह है कि जहां पर पूर्णिया सीट दमदार मानी जा रही थी महागठबंधन के लिए, वही उसी वजह से जो है वो अपने पास आरजेडी ने रख ली है। देखिए, मैं तो इसमें कहीं मीटिंग में नहीं था, न मुझे किसी चीजों में था, वो तो कांग्रेस नेतृत्व हमारे शीर्षस्थ लीडर है और प्रभारी हमारे लीडर है, प्रभारी गंभीर आदमी है और मुकुल जी काम करते थे, तो मैं तो उसमें कहीं था नहीं, वो तो देखने की जिम्मेदारी उनकी होगी। लेकिन किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये कांग्रेस की एक सबसे बड़ी ताकत है जी, और कांग्रेस को इस तीनों सीट पर अपनी अधिकार और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, रखे भी होंगे। जैसे औरंगाबाद कांग्रेस की सीट है, वाल्मीकि नगर कांग्रेस की सीट है जी, मैं मानता हूं, जो समस्तीपुर कांग्रेस की सीट है, जो मैंने देखा है आज तक, और यह इलाका तो कांग्रेस की ही है जी। तो इसीलिए कांग्रेस को तय करना है तीनों सीट पर या अन्य जगहों पर, उसमें मैं कहीं नहीं हूं। मैं इतना जानता हूं कि मैं कांग्रेस के लिए खाद बनने को तैयार हूं, मेरा इमोशंस पूर्णिया के साथ है, मेरा समर्पण पूर्णिया के साथ है जी। मैं इस समर्पण से अलग नहीं हो सकता हूं, ये मैडम को भी मैंने आज कह दी जी, और मैं कंप्लीट रूप से पूर्णिया में हूं। ठीक है, मैं पर्वों में हूं, होली थी, रमजान है, मैं अपने घर में हूं, मुझे मेरी अपनी माँ से, अपने घर से कोई अच्छा निकाल नहीं सकता। पप्पू जी, जब लालू यादव जी से आपने मुलाकात की थी और आपने कहा था कि आप पूर्णिया से ही लड़ेंगे, तो उन्होंने क्या कहा था, कोई भरोसा दिया था या उन्होंने तब भी मना किया? नहीं, उन्होंने कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करिए और आप मधेपुरा लड़िए। मैंने कहा कि परिवार और कांग्रेस फैमिली से भी मैं बात कर लेता हूं, लेकिन मैं पूर्णिया लड़ूंगा गार्जन, मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा जी। ये बात मैंने उनसे वहीं पर कह दी, आप पूछ लीजिए उनसे, और मैं आज भी उनको गार्जन मानूंगा, कल भी मानूंगा, और मैं लड़ू ना लड़ू, मैं पूर्णिया रहूं, मैं कोशिश करूंगा इंडिया गठबंधन मजबूत हो और भारत को बचाया जाए जी। कोशिश मेरी जारी। अपू जी, अगर जब लालू यादव से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप मधेपुरा लड़िए, वो आरजेडी के पास ही रहेगी पूर्णिया सीट, तब क्या ये बात नहीं हुई कि आप आरजेडी में शामिल होकर पूर्णिया से लड़ लें, सीट भी रह जाती और आपका जो है पूर्णिया का गढ़ भी बचा रह जाता? देखिए, मुझे तो एक बिगर प्लेटफॉर्म पहले से, जब कांग्रेस परिवार हम पर विश्वास कर रहा था और कांग्रेस को लग रहा था, रंजीत रंजन जी 19 सालों से 20 सालों से कांग्रेस में, उनका जो रिश्ता है एक परिवार का, माँ और बेटी का सोनिया जी के साथ, तो फिर पप्पू यादव को नहीं सर, मेरा सवाल यह कि गठबंधन के तहत कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरी पार्टियों के नेता होते हैं वो सहयोगी दल के सिंबल पर वहां से चुनाव लड़ते हैं, इससे आधिकारिक तौर पर वो सीट जो है उसके खाते में रह जाती है? नहीं, मधेपुरा के लिए उन्होंने ज्वाइनिंग की बात की, सुपौल के लिए बात की, मैं पूर्णिया के लिए उनसे आग्रह किया था, और जिस दिन मैं ज्वाइन किया शायद उसी दिन उन्होंने टिकट दे दिया होगा कि क्या क्या हो तो मैं नहीं जानता हूँ, वो कांग्रेस को देखना है, ठीक है, वो मेरे गार्जियन है, उनका आदेश सर्वोपरि है, लेकिन मैं पूर्णिया के इमोशंस के साथ हूँ, उस फीलिंग के साथ हूँ जी, मैं पूर्णिया के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। पप्पू जी, पूर्णिया सीट को लेकर के क्या कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी, किसी ने आपको भरोसा दिया था कि आप पार्टी में आएंगे तो आपको उस सीट से लड़ाया जाएगा? अच्छा, कांग्रेस में कहां भरोसे की बात है, कांग्रेस में कौन सा बार्गेनिंग करने की, कांग्रेस जब मेरी माँ है तो पूरा भरोसा है एक माँ पर जी और एक विचारधारा पर, इसमें बार्गेनिंग करना है, इसमें पूछना है किसी से? कांग्रेस में आप आइडियोलॉजी की भी बात करते हैं और यह कह के जब दुनिया को पता है पूर्णिया से मुझे लड़ना है, तो इसमें एक बात क्या करनी थी? प्रियंका जी वैसे ही एक जीनियस लीडर है, डायनेमिक और डैशिंग लीडर है, बात करने का क्या गुंजाइश है जी? प्रियंका जी, राहुल गांधी जी को देखना है पप्पू यादव के बारे में, और पप्पू यादव नोन है, कोई ऐसा तो है नहीं, पूरी दुनिया पप्पू यादव के बारे में जानना चाहती है, पूरा देश जानना चाहती है, हर विपक्ष हो या कोई हो पप्पू यादव के साथ उसका एक सेंटीमेंट है। मैं तो कह ही रहा हूं कि मुझसे, मैं कांग्रेस के साथ सौदा करना करके मैं आता भाई जी, औरों की तरह मेरे साथ क्या होता, कांग्रेस के साथ जिस पार्टी के साथ रहो
मदर फीलिंग के साथ हुए। जी पप्पू जी, बीमा भारती को टिकट दिया गया आरजेडी की तरफ से, जेडीयू से ला करके उनको जो है उम्मीदवार बनाया गया है, फिर पप्पू यादव में क्या खराबी थी कि भाई पप्पू यादव तो पहले भी साथ में रह चुके हैं, इतना दशकों पुराना जुड़ाव है। तो ये बात तो हमारे नेता बोलेंगे ना, लालू जी ना, कि हमें क्या खराबी थी, हमने कौन सा गुनाह कर दिया था जब वो ज्वाइन करा के मधेपुरा लड़ा ही रहे थे और हम एक परिवार में ज्वाइन कर लिए और दोनों परिवार एक साथ लड़ रही है और वो बड़े भाई हैं कांग्रेस यहाँ पर, छोटे भाई हैं बिहार में, लार्जर सोच में, और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है जी। लेकिन गठबंधन धर्म में तो मैं था ही, तो जब मैं गठबंधन धर्म में ज्वाइन कर ही लिया और हम उनके परिवार के हिस्सा रहे हैं और हमेशा लालू जी के साथ रहे हैं, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू यादव जी को यह खतरा लगा कि पप्पू यादव जैसा जो है कर्मठ जुझारू नेता जो कि जनता के बीच रहता है अगर आगे पनपता है तो तेजस्वी यादव के लिए खतरा हो सकता है? सर यदि मेरे फेट में अब पप्पू यादव को और कांग्रेस का विश्वास, तो हम कांग्रेस के लिए ना संघर्ष करेंगे, नंबर वन पार्टी हो, और तेजस्वी यादव जी को तो मैंने कह दिया मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम एक भाई की तरह खड़े रहेंगे, और उनको डिप्टी सीएम बनना था तो उनके फेट में था, तो उन्होंने रह करके काम किया ना, बने ना, तो उसमें डर की क्या गुंजाइश है जी। लालू यादव जी एक स्टॉलवार्ड नाम है, लालू यादव जी जैसे व्यक्ति को एक अपने बेटे से पप्पू से क्या डर, आप बताइए ना, सवाल नहीं उठता जी। एक बेटा से किसी बाप को डर हो, तो इसीलिए डर की तो कोई गुंजाइश नहीं। भाइयों के बीच महाभारत भी हुई है सर, अगर आप जो है तेजस्वी यादव को भाई कहते हैं तो भाइयों के बीच तो भारत में महाभारत भी हुई है। सर एक बात सुनिए, दुर्योधन और अर्जुन में चुनना पड़ा ना कृष्ण को, तो अर्जुन को चुना, भाइयों के बीच आप कह रहे हैं महाभारत हुआ है, मैं आज भी कहता हूं कि भाइयों के बीच में सहमति भी हुई है, भाइयों के बीच में बराबरी का हिस्सा भी हुआ है, भाइयों के बीच में बड़े भाई छोटे भाई के साथ चलने का स्वीकार भी हुआ है, हम लोग मिलकर भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कल जो महाभारत हुआ आज भी उसी तरह को दोहराया जाए, आज एक नई सोच के साथ, बिगर लार्जर सोच के साथ हम काम करते हैं जी, और उस तरीके से काम करने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, तो सवाल नहीं उठता है कल महाभारत कब की कथा है, आज नई सोच के साथ युवा पीढ़ी बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, मैं पूर्णिया को नंबर वन कोसी सीमांचल को देखना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में राजनीति है ही नहीं, मैं हर परिवार को भगवान की तरह पूजा करता हूँ, इस पूर्णिया और इस इलाके की माँ बेटा बेटी, माँ और बेटी बहन सबसे ज्यादा पप्पू यादव के मुस्कुराना चाहती है जी। सबसे ज्यादा पप्पू यादव को अपने, अच्छा पप्पू यादव अपना जो फ्यूचर कोर्स होगा, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा, वो कितने दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी, कब तक ये साफ हो जाएगा कि पप्पू यादव आगे क्या करने जा रहे हैं? ये कांग्रेस को सोचना है, कांग्रेस जो तय करेगी, पप्पू यादव वहां पर खड़ा है। अगर कांग्रेस ये कहती है कि मधेपुरा से लड़े आप, तो फिर मधेपुरा से लड़ेंगे? मैंने तो अपना सब कुछ कांग्रेस को समर्पित कर दिया, लेकिन एक अधिकार मुझे है, एक सिंगल अधिकार, अपनी माँ से कहने का बेटे को कि माँ मेरा अधिकार मुझे चाहिए जी। मैंने लालू जी से भी यही बात कहा और कांग्रेस से भी यही कहूंगा कि मेरा अधिकार पूर्णिया है, वो अधिकार आप हमें दीजिए, ठीक है, आगे जो होगा उचित आप करिए, लेकिन पूर्णिया से अलग जा करके उस इमोशंस के साथ मेरे साथ खेलवाड़ की बात होगी, कोई भी पीठ में खुंजर भोंकेगा तो मैं जिंदा नहीं रहूं। तो बिहार की पूर्णिया सीट हाई प्रोफाइल हो चुकी है, पप्पू यादव साफ कह चुके हैं कि वे दुनिया छोड़ देंगे लेकिन लड़ेंगे पूर्णिया से ही, वहीं आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दे दिया है और इस वक्त हमारे साथ खुद पप्पू यादव जुड़ चुके हैं। पप्पू जी जी न्यूज पर स्वागत है आपका। जी प्रणाम भैया। जी पप्पू जी क्या हो गया आखिरकार, जो है आप इतने जोशो खरोश के साथ कांग्रेस में शामिल हुए, महागठबंधन की ओर से चर्चा थी कि आप पूर्णिया से लड़ेंगे, क्या हो गया आखिरकार, कहां गड़बड़ हो गई? देखिए एक बात समझिए, 40 साल की जो मेरी राजनीतिक संघर्ष रही, आपको पता है कि मुझे राजनीति नहीं है, मैं दिल से लोगों के लिए काम करता हूँ, ना मेरी नफरत की राजनीति है, ना जात पात की राजनीति है, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति है, मेरी पूरी राजनीति सेवा की है, मदद की है, चाहे वो दिल्ली का सेवा आश्रम हो, चाहे देश भर का हो, चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो, चाहे कोई भी देश के संकट या परिस्थिति में हो,
वहाँ एक मददगार के रूप में और बेटे के रूप में मैं खड़ा होता हूँ जी। आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए इसको जोश खरोश की बात नहीं है। हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी मेरे साथ हमेशा मेरे मन में मेरे भाव में रही है जी। मेरा जज्बात रहा है उनके साथ, और मैंने 40 साल के संघर्ष और अपनी पार्टी, जब दो दो बार हम विधानसभा लड़े, 2% 2.5% वोट आया उसके अकेला, जब लोग बटे हुए थे तब की बात मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद इतने लंबे संघर्ष को जो साथियों ने लाठी खाया, और संघर्ष का अकेला नाम था जन अधिकार पार्टी। मैंने निश्चित रूप से लार्जर कॉज के लिए, जो देश का लार्जर कॉज था कि भाई हमें रोकना है बीजेपी को, तो इसके लिए एक कौन सा उचित प्लेटफॉर्म है जिसने 130 करोड़ लोगों को जो दिल जीता है। ठीक है, हम इतनी बारी रैली हुई, हम एक साल से पढ़ा पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया को लेकर के हम घर घर गए, लगातार 8 महीना 6 लाख 6.5 लाख परिवार से मिले, फिर 2 लाख से ज्यादा यहाँ ठेला वाला, रिक्शा वाला, टमटम वाला, दुकानदार, सारे गरीब मैदान में थे। मजदूरी उस दिन मजदूर नहीं किया, उस दिन सब लोग पहुंचे, बच्चे छोटे सभी लोग गए। मेरा तो कोई मतलब नहीं था। ठीक है, हमें तो पूर्णिया में निर्दलीय चुनाव हम लड़े, हमारी माँ भी चुनाव लड़ी, 32,000 से चुनाव हारे, हमें पूर्णिया कभी नहीं हटाया। मधेपुरा जबकि मेरा घर है, लालू यादव जी से जब हम मिले तो हम लालू यादव जी को बेटे की तरह कह दिए कि सर हम पूर्णिया से ही लड़ेंगे और हम पूर्णिया नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप जिनको कहिएगा हम मधेपुरा लड़ाइए, हम प्रयास करेंगे मधेपुरा जिताने का, सुपौल जिताने का, आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। अब मैं ये बात अलग, क्या लालू यादव जी क्या हमें जाधव नहीं समझते हैं या अपना बेटा नहीं समझते? बाबू जी, ये कहा जाता है कि आप जो है भले ही लालू यादव को अपना अभिभावक मानते रहे हो और आप उनके आपकी जो राजनीति है वो शुरू भी लालू यादव के अंडर ही हुई थी, लेकिन लालू यादव कहीं ना कहीं आपको खतरा मानते हैं और इसी वजह से उन्होंने आपको पूर्णिया से टिकट नहीं दिया। देखिए, पहले तो समझिए कि मैं निर्दलीय MLA बना था और 83-82 से लालू यादव जी के साथ रहे। यह बात उन्होंने उस दिन भी कही कि जब विपक्ष के नेता से लेकर के एक वोट की जरूरत से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर आज तक जब जब लालू यादव जी पर हमले हुए CBI के अन्य चीजों के, मैं बेटे की तरह खड़ा रहा, हमारा इमोशंस लालू यादव के साथ था, आगे भी रहेगा। मैंने तेजस्वी जी को कहा कि मुख्यमंत्री बनाने में जो भी मेरी छोटी भूमिका होगी, एक सिपाही की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे, हम लोग मिलकर काम करेंगे। आज भी मैं कहता हूं कि वो किसी से सर्वे करा ले पूर्णिया, कोई भी, यदि इंडिया गठबंधन का कोई पहला सीट 12 बजे जीतने की स्थिति में होगा तो वो पूर्णिया होगा, किशनगंज से भी ऊपर। ये तो मेरा, हमें हम हर घर में यहाँ गोदी में खेले हैं, हमारा हर घर में हमारी जिंदगी है, हमें सीखा है। पप्पू जी, मैं 90 के दशक में सहरसा में रहा करता था और उस वक्त जो है वहां पर चर्चा होती थी कि अगर विकास देखना है तो पूर्णिया में देखिए, पप्पू यादव के वहां जीतने के बाद जो है पूरा चमक चुका है पूर्णिया, इसलिए हमें अच्छी तरह से पता है कि आपने किस तरह से वहां पर विकास किया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से टिकट नहीं मिला है, बीमा भारती को टिकट का ऐलान कर दिया गया है, तो पप्पू यादव जी की अगली रणनीति क्या होगी? क्या वे निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं? दो बात समझिए, मैंने पहले ही जब कह दिया मधेपुरा मैं जानता हूं, मेरा घर है मधेपुरा, कभी भी हमको चुनाव अलग लड़े तो देखिए, वहां लालू यादव और पप्पू यादव के बीच पूर्णिया में तो ये बात नहीं है, पूर्णिया तो सीधा बेटा है, सीधा मेरी माँ है जी, वहां राजनीति हो सकती है मधेपुरा में, लेकिन यहाँ तो सीधा कोई राजनीति नहीं होती है, यहाँ तो कोई जाति पाति नहीं होता है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है, जब पप्पू रहता है तो कोई भी चीजें यहाँ खत्म हो जाती है जी। तो मैं जब एक साल और बड़ा पूर्णिया रैली हो गई, दुनिया को पता था, लालू जी से मैं मिल लिया और अपना सब कुछ मैं लार्जर कॉज के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए अपना समर्पण प्रियंका जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिन्होंने दिल को जीता है भारत के, जब मैंने कर दिया तो निर्णय उन्हें लेना है कि मेरी राजनीतिक भविष्य क्या होगी। चुनाव की बात यदि आप व्यक्तिगत तौर पर हमसे पूछते हैं तो मैं या अपनी भावना, जो मेरा इमोशनल भावना है, जो इमोशन से मेरा पूर्णिया के साथ मेरी फीलिंग है, हमारे इमोशंस को हमारे इमोशंस साफ है, वो क्लियर है। पूर्णिया छोड़ने का मतलब है पप्पू यादव को आत्महत्या करना या चुपचाप जहर खा के मर जाना। ठीक है, आप स्थिति आप समझिए मेरी,
इसीलिए अभी चुनाव लड़ने की बात होगी, निर्णय हमारे पार्टी लेंगे, नेतृत्व में तो बड़े पूर्णिया कांग्रेस के लिए एक सिपाही की तरह काम करने आया हूं ताकि बिहार में कांग्रेस को नंबर वन कर पाऊं, किसी भी पार्टी से ऊपर हो। तो मेरी लड़ाई कांग्रेस को नंबर वन के लिए है, सिर्फ सीट के लिए नहीं। हमको तो एमपी एमएलए नहीं है, तब भी कोरोना में पप्पू यादव, बाढ़ में पप्पू यादव, सबकी सेवा में पप्पू यादव, पद मेरे लिए मैटर नहीं रखता है। ठीक है, नेतृत्व कह तो दे कि आपको नहीं लड़ना है, आपको काम करना है जी। लेकिन मैं यदि लड़ूंगा, मैं मुझसे आप यदि पूछते हैं, हम नेतृत्व को कह दिए यदि हमको लड़ाना होगा तो सर निर्णय पूर्णिया का ही लीजिएगा। हम अगर कांग्रेस नेतृत्व ने कह दिया कि पप्पू यादव जो है चुनाव पूर्णिया से नहीं लड़ेंगे, फिर क्या करेंगे सर? देखिए एक बात समझिए, कांग्रेस नेतृत्व कह दिया तो मैं कहूंगा ठीक है चुनाव नहीं लड़ूंगा, पूर्णिया छोड़ के कहीं चुनाव नहीं, फिर निर्दलीय नहीं लड़ेंगे? भैया मैं तो कह दिया, कांग्रेस को आप नेतृत्व से पूछिए ना, मैंने तो अपना समर्पण कर दिया जी। पूर्णिया तो मेरे लिए भगवान की तरह, और आस्था पे कोई ठोस नहीं, मेरे पूजा में कमी रह गई होगी, हो सकता है मेरी भूल होगी, मेरी भक्ति में कमी रह गई होगी कि हमें लोग महसूस समझ नहीं पाए अपने बेटे को, कोशिश करेंगे और भक्ति करने की जी, पूजा हर घर में पूजा करने की, और करेंगे पूजा और इबादत में आने वाले समय में कोई कमी नहीं रखेंगे। लेकिन मुझे कोई पूर्णिया के आत्मसम्मान और उस भावनाओं के साथ खेलवाड़ करके पप्पू यादव को झुकाने की बात, इससे बेहतर है खुद को मार लेना, झुकने से बेहतर। ठीक है, हम झुकेंगे तो सिर्फ पूर्णिया के सामने जी, अपने भगवान के सामने, दुनिया में मर जाएंगे कहीं नहीं झुकेंगे। कहा यह भी जा रहा है, जानकार लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में जो सीटों का बंटवारा हुआ है, आरजेडी ने सारी मलाई अपने पास रख ली है और मट्ठा और छाछ जो है वो कांग्रेस को दिया है, और यही वजह है कि जहां पर पूर्णिया सीट दमदार मानी जा रही थी महागठबंधन के लिए, वही उसी वजह से जो है वो अपने पास आरजेडी ने रख ली है। देखिए मैं तो इसमें कहीं मीटिंग में नहीं था, ना मुझे किसी चीजों में था, वो तो कांग्रेस नेतृत्व हमारे शीर्षस्थ लीडर है और प्रभारी हमारे लीडर है, प्रभारी गंभीर आदमी है और मुकुल जी काम करते थे, तो मैं तो उसमें कहीं था नहीं, वो तो देखने की जिम्मेदारी उनकी होगी। लेकिन किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये कांग्रेस की एक सबसे बड़ी ताकत है जी, और कांग्रेस को इस तीनों सीट पर अपनी अधिकार और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, रखे भी होंगे। जैसे औरंगाबाद कांग्रेस की सीट है, वाल्मीकि नगर कांग्रेस की सीट है जी, मैं मानता हूं, जो समस्तीपुर कांग्रेस की सीट है, जो मैंने देखा आज तक, और यह इलाका तो कांग्रेस की ही है जी। तो इसीलिए कांग्रेस को तय करना है तीनों सीट पर या अन्य जगहों पर, उसमें मैं कहीं नहीं हूं। मैं इतना जानता हूं कि मैं कांग्रेस के लिए खाद बनने को तैयार हूं, मेरा इमोशंस पूर्णिया के साथ है, मेरा समर्पण पूर्णिया के साथ है जी। मैं इस समर्पण से अलग नहीं हो सकता हूं, ये मैडम को भी मैंने आज कह दी जी, और मैं कंप्लीट रूप से पूर्णिया में हूं। ठीक है, मैं पर्वों में हूं, होली थी, रमजान है, मैं अपने घर में हूं, मुझे मेरी अपनी माँ से, अपने घर से कोई निकाल नहीं सकता। पप्पू जी, जब लालू यादव जी से आपने मुलाकात की थी और आपने कहा था कि आप पूर्णिया से ही लड़ेंगे, तो उन्होंने क्या कहा था, कोई भरोसा दिया था या उन्होंने तब भी मना किया? नहीं, उन्होंने कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करिए और आप मधेपुरा लड़िए। मैंने कहा कि परिवार और कांग्रेस फैमिली से भी मैं बात कर लेता हूं, लेकिन मैं पूर्णिया लड़ूंगा गार्जन, मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा जी। ये बात मैंने उनसे वहीं पर कह दी, आप पूछ लीजिए उनसे, और मैं आज भी उनको गार्जन मानूंगा, कल भी मानूंगा, और मैं लड़ूं ना लड़ूं, मैं पूर्णिया रहूं, मैं कोशिश करूंगा इंडिया गठबंधन मजबूत हो और भारत को बचाया जाए जी। ये कोशिश मेरी जारी। पप्पू जी, अगर जब लालू यादव से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप मधेपुरा लड़िए, वो आरजेडी के पास ही रहेगी पूर्णिया सीट, तब क्या ये बात नहीं हुई कि आप आरजेडी में शामिल होकर पूर्णिया से लड़ लें, सीट भी रह जाती और आपका जो है पूर्णिया का गढ़ भी बचा रह जाता? देखिए मुझे तो एक बिगर प्लेटफॉर्म, पहले से जब कांग्रेस परिवार हम पर विश्वास कर रहा था और कांग्रेस को लग रहा था, रंजीत रंजन जी 19 सालों से 20 सालों से कांग्रेस में, उनका जो रिश्ता है एक परिवार का, माँ और बेटी का, सोनिया जी के साथ
तो फिर पप्पू यादव को नहीं सर, मेरा सवाल यह कि गठबंधन के तहत कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरी पार्टियों के नेता होते हैं वो सहयोगी दल के सिंबल पर वहां से चुनाव लड़ते हैं, इससे आधिकारिक तौर पर वो सीट जो है उसके खाते में रह जाती है। मधेपुरा के लिए उन्होंने ज्वाइनिंग की बात की, सुपौल के लिए बात की, मैं पूर्णिया के लिए उनसे आग्रह किया था और जिस दिन मैं ज्वाइन किया शायद उसी दिन उन्होंने टिकट दे दिया होगा कि क्या क्या हो तो मैं नहीं जानता हूं। वो कांग्रेस को देखना है, वो मेरे गार्जियन है, उनका आदेश सर्वोपरि है, लेकिन मैं पूर्णिया के इमोशंस के साथ हूं, उस फीलिंग के साथ हूं जी, मैं पूर्णिया के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। पप्पू जी, पूर्णिया सीट को लेकर के क्या कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी किसी ने आपको भरोसा दिया था कि आप पार्टी में आएंगे तो आपको उस सीट से लड़ाया जाएगा? अच्छा, कांग्रेस में कहां भरोसे की बात है, कांग्रेस में कौन सा बार्गेनिंग करने की, कांग्रेस जब मेरी माँ है तो पूरा भरोसा है एक माँ पर जी और एक विचारधारा पर, इसमें बार्गेनिंग करना है, इसमें पूछना है किसी से? कांग्रेस में आप आइडियोलॉजी की भी बात करते हैं और यह कह के जब दुनिया को पता है पूर्णिया से मुझे लड़ना है तो इसमें एक बात क्या करनी थी? प्रियंका जी वैसे ही एक जीनियस लीडर है, डायनेमिक और डैशिंग लीडर है, बात करने का क्या गुंजाइश है जी? प्रियंका जी राहुल गांधी जी को देखना है पप्पू यादव के बारे में, और पप्पू यादव नोन है, कोई ऐसा तो है नहीं, पूरी दुनिया पप्पू यादव के बारे में जानना चाहती है, पूरा देश जानना चाहती है, हर विपक्ष हो या कोई हो पप्पू यादव के साथ उसका एक सेंटीमेंट है। मैं तो कह ही रहा हूं कि मुझसे मैं कांग्रेस के साथ सौदा करना नहीं ना करके मैं आता भाई जी, औरों की तरह मेरे साथ क्या होता, कांग्रेस के साथ जिस पार्टी के साथ रहो मदर फीलिंग के साथ रहो जी। पप्पू जी, बीमा भारती को टिकट दिया गया आरजेडी की तरफ से, जेडीयू से ला करके उनको जो है उम्मीदवार बनाया गया है, फिर पप्पू यादव में क्या खराबी थी कि भाई पप्पू यादव तो पहले भी साथ में रह चुके हैं, इतना दशकों पुराना जुड़ाव है? तो ये बात तो हमारे नेता बोलेंगे ना, लालू जी ना, कि हमें क्या खराबी थी, हमने कौन सा गुनाह कर दिया था जब वो ज्वाइन करा के मधेपुरा लड़ा ही रहे थे और हम एक परिवार में ज्वाइन कर लिए और दोनों परिवार एक साथ लड़ रही है और वो बड़े भाई हैं कांग्रेस यहाँ पर, छोटे भाई हैं बिहार में, लार्जर सोच में, और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है जी। लेकिन गठबंधन धर्म में तो मैं था ही, तो जब मैं गठबंधन धर्म में ज्वाइन कर ही लिया और हम उनके परिवार के हिस्सा रहे हैं और हमेशा लालू जी के साथ रहे हैं, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू यादव जी को यह खतरा लगा कि पप्पू यादव जैसा जो है कर्मठ जुझारू नेता जो कि जनता के बीच रहता है अगर आगे पनपता है तो तेजस्वी यादव के लिए खतरा हो सकता है? सर, यदि मेरे फेट में अब पप्पू यादव को और कांग्रेस का विश्वास, तो हम कांग्रेस के लिए ना संघर्ष करेंगे, नंबर वन पार्टी हो, और तेजस्वी यादव जी को तो मैंने कह दिया मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम एक भाई की तरह खड़े रहेंगे, और उनको डिप्टी सीएम बनना था तो उनके फेट में था तो उन्होंने रह करके काम किया ना, बने ना, तो उसमें डर की क्या गुंजाइश है जी? लालू यादव जी एक स्टॉलवार्ड नाम है, लालू यादव जी जैसे व्यक्ति को एक अपने बेटे से पप्पू से क्या डर, आप बताइए ना, सवाल नहीं उठता है जी। एक बेटा से किसी बाप को डर हो तो इसीलिए डर की तो कोई गुंजाइश नहीं। भाइयों के बीच महाभारत भी हुई है सर, अगर आप जो है तेजस्वी यादव को भाई कहते हैं तो भाइयों के बीच तो भारत में महाभारत भी हुई है। सर एक बात सुनिए, दुर्योधन और अर्जुन में चुनना पड़ा ना कृष्ण को तो अर्जुन को चुना, भाइयों के बीच आप कह रहे हैं महाभारत हुआ है, मैं आज भी कहता हूं कि भाइयों के बीच में सहमति भी हुई है, भाइयों के बीच में बराबरी का हिस्सा भी हुआ है, भाइयों के बीच में बड़े भाई छोटे भाई के साथ चलने का स्वीकार भी हुआ है, हम लोग मिलकर भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कल जो महाभारत हुआ आज भी उसी तरह को दोहराया जाए, आज एक नई सोच के साथ भीगर लार्जर सोच के साथ हम काम करते हैं जी, और उस तरीके से काम करने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, तो सवाल नहीं उठता है कल महाभारत कब की कथा है, आज नई सोच के साथ युवा पीढ़ी बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, मैं पूर्णिया को नंबर वन कोसी सीमांचल को देखना चाहता हूं जी। मेरी जिंदगी में राजनीति है ही नहीं, मैं हर परिवार को भगवान की तरह पूजा करता हूं, इस पूर्णिया और इस इलाके की माँ बेटा बेटी
माँ और बेटी बहन सबसे ज्यादा पप्पू यादव के मुस्कुराना चाहती है जी। सबसे ज्यादा पप्पू यादव को अपने अच्छा पप्पू यादव अपना जो फ्यूचर कोर्स होगा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो कितने दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी, कब तक ये साफ हो जाएगा कि पप्पू यादव आगे क्या करने जा रहे हैं? ये कांग्रेस को सोचना है, कांग्रेस जो तय करेगी पप्पू यादव वहां पर खड़ा है। अगर कांग्रेस ये कहती है कि मधेपुरा से लड़े आप तो फिर मधेपुरा से लड़ेंगे? मैंने तो अपना सब कुछ कांग्रेस को समर्पित कर दिया, लेकिन एक अधिकार मुझे है, एक सिंगल अधिकार, अपनी माँ से कहने का बेटे को कि माँ मेरा अधिकार मुझे चाहिए जी। मैंने लालू जी से भी यही बात कहा और कांग्रेस से भी यही कहूंगा कि मेरा अधिकार पूर्णिया है, वो अधिकार आप हमें दीजिए, ठीक है, आगे जो होगा उचित आप करिए, लेकिन पूर्णिया से अलग जा करके उस इमोशंस के साथ मेरे साथ खेलवाड़ की बात होगी, कोई भी पीठ में खुंजर भोंकेगा तो मैं जिंदा नहीं रहूं। तो बिहार की पूर्णिया सीट हाई प्रोफाइल हो चुकी है। पप्पू यादव साफ कह चुके हैं कि वे दुनिया छोड़ देंगे लेकिन लड़ेंगे पूर्णिया से ही। वहीं आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दे दिया है और इस वक्त हमारे साथ खुद पप्पू यादव जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, जी न्यूज पर स्वागत है आपका। जी प्रणाम भैया। जी पप्पू जी, क्या हो गया आखिरकार, जो है आप इतने जोशो खरोश के साथ कांग्रेस में शामिल हुए, महागठबंधन की ओर से चर्चा थी कि आप पूर्णिया से लड़ेंगे, क्या हो गया आखिरकार, कहां गड़बड़ हो गई? देखिए एक बात समझिए, 40 साल की जो मेरी राजनीतिक संघर्ष रही, आपको पता है कि मुझे राजनीति नहीं है, मैं दिल से लोगों के लिए काम करता हूं, ना मेरी नफरत की राजनीति है, ना जात पात की राजनीति है, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति है, मेरी पूरी राजनीति सेवा की है, मदद की है, चाहे वो दिल्ली का सेवा आश्रम हो, चाहे देश भर का हो, चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो, चाहे कोई भी देश के संकट या परिस्थिति में हो, वहां एक मददगार के रूप में और बेटे के रूप में मैं खड़ा होता हूं जी। आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए इसको जोश खरोश की बात नहीं है। हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी मेरे साथ हमेशा मेरे मन में मेरे भाव में रही है जी। मेरा जज्बात रहा है उनके साथ, और मैंने 40 साल के संघर्ष और अपनी पार्टी, जब दो दो बार हम विधानसभा लड़े, 2% 2.5% वोट आया, उसके अकेला जब लोग बटे हुए थे तब की बात मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद इतने लंबे संघर्ष को जो साथियों ने लाठी खाया, और संघर्ष का अकेला नाम था जन अधिकार पार्टी, मैंने निश्चित रूप से लार्जर कॉज के लिए, जो देश का लार्जर कॉज था कि भाई हमें रोकना है बीजेपी को, तो इसके लिए एक कौन सा उचित प्लेटफॉर्म है जिसने 130 करोड़ लोगों को जो दिल जीता है, ठीक है। हम इतनी बारी रैली हुई, हम एक साल से प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया को लेकर के हम घर घर गए, लगातार 8 महीना 6 लाख 6.5 लाख परिवार से मिले, फिर 2 लाख से ज्यादा यहाँ ठेला वाला, रिक्शा वाला, टमटम वाला, दुकानदार, सारे गरीब मैदान में थे, मजदूरी उस दिन मजदूर नहीं किया, उस दिन सब लोग पहुंचे, बच्चे छोटे सभी लोग गए, मेरा तो कोई मतलब नहीं था, ठीक है, हमें तो पूर्णिया में निर्दलीय चुनाव हम लड़े, हमारी माँ भी चुनाव लड़ी, 32,000 से चुनाव हारे, हमें पूर्णिया कभी नहीं हटाया, मधेपुरा जबकि मेरा घर है, लालू यादव जी से जब हम मिले तो हम लालू यादव जी को बेटे की तरह कह दिए कि सर हम पूर्णिया से ही लड़ेंगे और हम पूर्णिया नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, आप जिनको कहिएगा हम मधेपुरा लड़ाइए, हम प्रयास करेंगे मधेपुरा जिताने का, सुपौल जिताने का, आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। अब मैं ये बात अलग, क्या लालू यादव जी क्या हमें जाधव नहीं समझते हैं या अपना बेटा नहीं समझते? पप्पू जी, ये कहा जाता है कि आप जो है भले ही लालू यादव को अपना अभिभावक मानते रहे हो और आप उनके आपकी जो राजनीति है वो शुरू भी लालू यादव के अंडर ही हुई थी, लेकिन लालू यादव कहीं ना कहीं आपको खतरा मानते हैं और इसी वजह से उन्होंने आपको पूर्णिया से टिकट नहीं दिया। देखिए पहले तो समझिए कि मैं निर्दलीय MLA बना था और 83-82 से लालू यादव जी के साथ रहे, यह बात उन्होंने उस दिन भी कही कि जब विपक्ष के नेता से लेकर के एक वोट की जरूरत से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर आज तक जब जब लालू यादव जी पर हमले हुए CBI के अन्य चीजों के, मैं बेटे की तरह खड़ा रहा, हमारा इमोशंस लालू यादव के साथ था, आगे भी रहेगा। मैंने तेजस्वी जी को कहा कि मुख्यमंत्री बनाने में जो भी मेरी छोटी भूमिका होगी एक सिपाही की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे, हम लोग मिलकर काम करेंगे। आज भी मैं कहता हूं कि वो किसी से सर्वे करा ले पूर्णिया, कोई भी
यदि इंडिया गठबंधन का कोई पहला सीट 12 बजे जीतने